खैर, मैं अब आज के इस कार्यशाला का जो प्रथम दिवस है उसके तृतीय सत्र के लिए आमंत्रित करूंगा राजीव भाई को। और जैसा कि हमें उम्मीद थी कि इस समय साथ बत्ते बत्ते बहुत सारे नए लोग आ जाएंगे और उनके साथ कुछ नए विषय पर चर्चा होगी और नए विषय उठाकर उस पर राजीव भाई का व्याख्यान होता और उस पर फिर और आगे चर्चा होती। फिर भी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं उनके साथ हम कुछ नए और मुद्दे लेकर उन पर विचार विमर्श करेंगे और सुनेंगे उन सभी मुद्दों को जिनसे यह देश, यह समाज, यह जनता बुरी तरह आक्रांत है, चाहे WTO का मुद्दा हो। और WTO के तहत जो पेटेंट कानून अभी जो आए हैं और उसके तहत दवा वगैरह और जो कृषि के क्षेत्र में बीजों का नाम पर जो किसानों का शोषण होने वाला है और किसानों को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है, और उस सभी विषयों के साथ ही निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण की जो समस्या, जिन उद्देश्यों को लेकर यह आंदोलन पिछले 15 वर्षों से चल रहा है, उन्हीं नए मुद्दों पर, नए और पुराने मुद्दों पर हम विचार विमर्श करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पर फिर से एक नया एक्शन प्लान तैयार हो, एक साझा कार्यक्रम तय हो। जैसे कृषि के मुद्दे पर सुबह हुआ कि अपन हम कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लोगों तक पहुंच सकते हैं और सकारात्मक रूप से इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, इसी कुछ नए मुद्दों को लेकर आपके सामने फिर से चर्चा के लिए, अपने उद्बोधन के लिए आपके सामने मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजीव दीक्षित जी को। अभी सर्विसेज पे बात करनी है या पेटेंट पे? सर्विसेज पे। यहां सर्विस सेक्टर के कुछ लोग हैं शायद या आने वाले, क्योंकि दोनों में से एक बात हो सकती है, या तो पेटेंट पे, क्योंकि पेटेंट पे बात होगी तो वो बहुत लंबी है, सर्विसेज पे भी होगी तो लंबी है, दोनों नहीं हो सकती, एक कल करना पड़ेगा एक अभी। तो किस पे बात? आए नहीं है, आएंगे, आ सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे, पेटेंट का करेंगे या पेटेंट छोड़कर फिर सर्विसेज लेना पड़ेगा, कैसे होगा? सर्विसेज पे, पेटेंट का कल, ठीक है। गेट एग्रीमेंट पे सवेरे से मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने आपको बताया है, 2-3 चीजें फिर दोहरा रहा हूं ताकि याद हो जाए। गेट एग्रीमेंट लगभग 576 पन्ने का है, 2000 से ज्यादा उसमें शर्तें हैं, 28 अध्याय हैं। एक अध्याय पर सवेरे चर्चा हुई है, वो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि विषय का समझौता। दूसरा अध्याय जो है ना, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा करते थे, टैक्सेशन का सिस्टम। तीसरा अध्याय ऐसा ही उसमें है, ये क्रम से नहीं है, 1, 2, 3 नहीं है, कोई अध्याय उसमें 17वें नंबर पर है, कोई 18वें नंबर पर है, कोई 27वें नंबर पर है, कोई 26वें नंबर पर है, लेकिन तीसरा जो मुख्य अध्याय है जिस पर अभी मैं बात कर रहा हूं वो एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज करके है, सेवा क्षेत्र का समझौता। सेवा किसको कहते हैं, उसकी एक डेफिनेशन उसमें है गेट एग्रीमेंट में, किसको हम सेवा का क्षेत्र कहें, सर्विसेज किसको कहें। तो वो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। उसमें यह कहा गया है, उत्पादन को छोड़कर जो कुछ भी होता है वो सभी सर्विसेज है। उत्पादन को छोड़कर जो कुछ भी हो रहा है वो सब सर्विसेज है, ये उसमें डेफिनेशन है सर्विसेज की। फिर उसमें दो कैटेगरी बनाई है गेट एग्रीमेंट में, एक कैटेगरी है फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरी है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या है, जितनी भी बैंक हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, जितनी भी बीमा कंपनियां हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, जितनी भी सरकारी सहकारी
पत संस्थाएं चलती हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं। जितनी सहकारी बैंकें चलती हैं, प्राइवेट बैंकें चलती हैं, वो सब फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं। भारत देश के कर्मचारियों का भविष्य निधि जो होता है, ग्रेच्युटी फंड्स जो होते हैं, वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। शेयर बाजार में जो खरीद बेच होती है वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज की पूरी एक लिस्ट है, उसमें 29 सेवाएं हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर एक दूसरी सूची है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या है, जैसे वकालत का पेशा है, हमारे देश के जितने भी वकील हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सर्विसेज में है लेकिन नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज है। प्रोफेसर लोग हैं, लेक्चरर लोग हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सर्विसेज हैं, नॉन फाइनेंशियल है। स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, वो सब सर्विसेज में है, नॉन फाइनेंशियल है। ऐसे ही हमारे देश में हॉस्पिटल चल रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। गौशालाएं चल रही हैं, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। दुकानें चल रही हैं, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। रेस्टोरेंट चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, सभी नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। टेलीकम्युनिकेशन में हो रहा है, मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, ये सभी सर्विसेज है, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में पूरी लिस्ट है, उसमें 64 सर्विसेज है लगभग 64, और फाइनेंशियल में 29। ये है डेफिनेशन। हरेक WTO के चैप्टर में पहला जो प्रोविजन है वो डेफिनेशन का है। जैसे मैंने कहा ना एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, तो अब इसमें आर्टिकल नंबर 1 तो वो होगा डेफिनेशन। डेफिनेशन सर्विसेज क्या है, फिर उसका क्लासिफिकेशन वो आर्टिकल 2। तीसरे नंबर से आर्टिकल शुरू होते हैं मेन, जो शर्तों के रूप में है। तो एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज में तीसरे नंबर का जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि ये समझौता लागू होने के बाद, माने 1 जनवरी 2005 के बाद जो तारीख है लागू होने की, दुनिया के सभी देशों को जो भी इसके मेंबर हैं अपनी सारी सीमाएं फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए खोलनी पड़ेंगी। शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया है फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर। फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या है, विदेशी बैंकें, विदेशी बीमा कंपनियां, विदेशी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्में, विदेशी वकालत की फर्में, विदेशी होटल, विदेशी हॉस्पिटल, विदेशी डॉक्टर, विदेशी यूनिवर्सिटीज, विदेशी कॉलेजेस, विदेशी गौशालाएं, विदेशी आयुर्वेदिक शालाएं, जो कुछ भी विदेश से आता है वो सब के लिए दरवाजा खोलिए आप, ये उसकी कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कोई भी देश बाहर से आने वाले किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को, माने कंपनी को, किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाएगा। माने विदेशी बैंक यहां आकर अगर कुछ काम करना चाहे तो भारत सरकार उनको रोकेगी नहीं, विदेशी बीमा कंपनियां आए तो सरकार उनको रोकेगी नहीं, विदेशी यूनिवर्सिटीज आए तो सरकार उनको रोकेगी नहीं। कोई भी क्षेत्र में विदेशी कंपनी आए सर्विस के सेक्टर में, आप उन्हें रोकेंगे नहीं, किसी भी तरह की उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे। और चौथा कंडीशन है, चौथा प्रोविजन है, वो ये कि सभी फॉरेन सर्विस कंपनीज को या प्रोवाइडर्स को नेशनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ये थोड़ा टेक्निकल है, ये क्या मतलब है नेशनल ट्रीटमेंट का। भारत देश की बैंकों को भारत की सरकार जितनी सुविधाएं देती है वो सारी सुविधाएं विदेशी बैंकों को देनी पड़ेंगी, ये है नेशनल ट्रीटमेंट। इसी तरह से भारत की बीमा कंपनियों को भारत की सरकार जितनी सुविधाएं देती है वो सब सुविधाएं विदेशी बीमा कंपनियों को देनी पड़ेंगी। भारत की सरकार भारत के विश्वविद्यालय और कॉलेजों को जितनी सुविधाएं देती है उसी तरह से विदेशी विश्वविद्यालय और विदेशी कॉलेजेस को सुविधाएं देनी पड़ेंगी। माने जो सुविधाएं भारत सरकार भारत के लोगों को, सर्विसेज कंपनियों को देती है, वो सब विदेशियों को देनी पड़ेगी। अब प्रश्न उठता है कि भारत की सरकार क्या सुविधाएं देती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे भारत में बैंकें हैं जो नेशनलाइज्ड हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक,
कनारा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सबको भारत सरकार की ओर से सबसे बड़ी सुविधा ये मिली हुई है कि ये सारी बैंकें कहीं पर भी बिल्डिंग बनाएं, सरकार उनको बहुत कम कीमत पर भूमि उपलब्ध कराती है, बहुत कम कीमत पर। कहीं पर ऐसी व्यवस्था हो कि सरकार भूमि उपलब्ध ना कराए तो उनको बहुत कम लीज रेंट पर भूमि दे दी जाती है। आप सोच नहीं सकते, हिंदुस्तान में कई बैंकें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चल रही हैं और उसका लीज रेंट साल का 1.25 रुपया है, 2.5 रुपया है, 20 रुपया है, 25 रुपया है। तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स को सरकार की तरफ से सब मिलने वाली सबसे पहली सुविधा है, ठीक है। तो अब WTO की कंडीशन ये है कि जितनी सुविधाएं आप भारत की बैंकों को, भारत की बीमा कंपनियों को दे रहे हैं, वो सब विदेशियों को भी दो। माने विदेशी बैंक आकर सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन मांगे तो आप उनको उपलब्ध कराओ। विदेशी बीमा कंपनियां आके सरकार से सस्ती कीमत पर कोई चीज मांगे तो आप उपलब्ध कराओ, और अगर आपने नहीं कराई तो वो शिकायत करेंगे WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट काउंसिल में कि भारत सरकार WTO की कंडीशन को लागू नहीं कर रही। तो फिर वही चक्कर जो मैंने आपसे कहा, आपको पेनल्टी हो, पनिशमेंट हो, और फिर वो सब शुरू हो जाए। तो एक तो ये सुविधा आपको देनी है। दूसरा क्या होता है, भारत में भारत का नागरिक कुछ भी कर सकता है। अगर वो भारत का नागरिक है तो वकील हो सकता है, पत्रकार हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, बैंकर हो सकता है, लीज फर्म कुछ भी कर सकता है भारत का नागरिक। तो कोई भी विदेशी नागरिक अगर भारत में आता है और कुछ भी करना चाहे तो उसकी छूट उसको होनी चाहिए। ये है, आप नेशनल ट्रीटमेंट उनको दीजिए। इसी तरह से हमारे देश की जो बैंकें होती हैं वो कोई काम करती हैं तो सरकार उनका एक रेट फिक्स करती है, CRR रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये एक तरह की सुविधा है कि आपको आपकी बैंक में जमा जो जमा राशि है, धन राशि है जो नागरिकों के द्वारा आपके यहां जमा की गई है, उसका एक निश्चित मात्रा रख के बाकी आप कर्जे पर देख सकते हैं। हर समय बैंक में इतना कैश रहना चाहिए, एक उसका लिमिट बना दिया उन्होंने। तो ये सुविधाएं आप विदेशियों को भी दे सकते हैं, यही इस तरह की। ऐसे ही अन्य तरह की सुविधाएं हैं, जैसे NPA है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि सरकारी बैंकें जो है ना, उसमें जो NPA आ जाता है तो भारत सरकार कई बार अपने खजाने का पैसा उसमें डालने को तैयार रहती है, अगर कोई भारत की बैंक डूबने में की स्थिति में। तो विदेशी भी अगर ऐसी सुविधाओं की मांग करें तो उनको आप दो। ऐसी कोई भी सुविधा जो भारत में मिलती है, अब जैसे भारत में विश्वविद्यालय होते हैं, सभी विश्वविद्यालयों को जमीन दी गई है कौड़ी के भाव में। आप पता लगा लो, दिल्ली विश्वविद्यालय जहां चलता है वो जमीन की मार्केट में कीमत जो है ना, जिस समय वो जमीन दी गई थी तब 1 करोड़ रुपए एकड़ थी, लेकिन सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय बनाने के लिए वो जमीन मुश्किल से 1000 रुपए एकड़ में दे दिया। अब विदेशी कंपनी आके कहती है कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय को इतनी सस्ती जमीन मिली है तो हमें भी मिलनी चाहिए, तो आप उसे ना नहीं कह सकते। ऐसे ही हमारे देश में एयरपोर्ट्स जो है ना, ये सब सर्विसेज में आते हैं। जितने भी भारत देश में एयरपोर्ट हैं सबके पास हजारों एकड़ जमीन है। दिल्ली एयरपोर्ट को कभी आप जाओ, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके पास 6000 एकड़ जमीन है। अब कोई विदेशी कंपनी आके भारत में एयरपोर्ट बनाए और वो कहे हमको भी 6000 एकड़ जमीन चाहिए, तो भारत सरकार को वो उपलब्ध करानी पड़ेगी। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, वो सब सर्विसेज में आती हैं। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर नाम की एक संस्था है, आप जानते हैं गीता प्रेस के बारे में, जो रामायण, रामचरितमानस, भगवत गीता छापती है। तो भारत सरकार की तरफ से उनको हाईली सब्सिडाइज रेट में कागज मिलता है, हाईली सब्सिडाइज रेट। तो कागज उनको बहुत सस्ता मिलता है, तो वो क्या करते हैं, वो भी बहुत ईमानदार लोग हैं, तो इतनी मोटी मोटी रामचरितमानस 450 पन्ने की 25 रुपए में दे देते हैं, 20 रुपए में दे देते हैं, उनको सस्ता कागज। अब कोई विदेशी संस्था आके कहे कि जी हमको बाइबल छापनी है तो आप भी हमको सब्सिडाइज रेट में कागज दिलवाओ, तो सरकार उसको मना नहीं कर सकती।
देना पड़ेगा। अगर आप गीता छपने के लिए सब्सिडाइज कागज दे सकते हैं तो बाइबिल छपने के लिए भी दो। कोई विदेशी कंपनी आके यहाँ पर कोई इस तरह की सर्विसेज शुरू करे, जैसे भारत में तमाम गौशालाएं चलती हैं और गौशालाओं में कई जगह जमीनें सरकारों द्वारा दी गई हैं बहुत कम रेट पर, नॉमिनल रेट पर, कहीं कहीं तो टोकन मनी पर जमीनें दी गई। अब कोई विदेशी कंपनी को ये ध्यान में आ जाए कि भारत में गौशाला के नाम पे जमीन मिलती है और वो यहाँ आके गौशाला चालू करे, तो आप उसे मना नहीं कर सकते, देना पड़ेगा आपको। तो सर्विसेज का जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, वो इस तरह का है। इसी तरह से टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये जो BSNL है और भारत संचार निगम लिमिटेड, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी सरकार के द्वारा दी गई है और फुकट में ऐसे ही दे दिया है सरकार। अब कोई विदेशी कंपनी आती है, एयरटेल आती है और ये दूसरी आती है, और वो ये कहना शुरू करे कि हमको भी ये मिलना चाहिए, तो सरकार उसको ना नहीं कह सकती। तो इस तरह से सर्विसेज के सेक्टर में कानून, वो नियम ऐसे हैं WTO के, कोई भी विदेशी सर्विस प्रोवाइडर भारत में आता है तो उसको हर वो छूट मिलनी चाहिए जो भारतीय सर्विस प्रोवाइडर को मिलती है। माने दोनों के साथ आप बराबर व्यवहार करेंगे, आप भारतीय सर्विस देने वाले को ज्यादा पसंद करें, ज्यादा मदद करें और विदेशी को कम, ये नहीं हो सकता। आपको दोनों के प्रति समान दृष्टि रखनी है। ये है WTO एग्रीमेंट की कंडीशन नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो विदेशी सर्विस प्रोवाइडर किसी भी देश में जाएंगे, उनके जो प्रॉफिट्स हैं उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। जैसे विदेशी बैंक आके यहां मुनाफा कमाए तो भारत सरकार उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। माने भारत सरकार ये नहीं कह सकती विदेशी बैंकों को कि आप इतना मुनाफा मत कमाइए, ये भारत में जरूरत से ज्यादा है। या विदेशी बीमा कंपनी आके कोई मुनाफा कमाए तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं, इतना मुनाफा मत कमाइए। और विदेशी सर्विसेज के काम में लगी हुई जो संस्थाएं हैं उनके किसी भी तरह के रूल्स में, रेगुलेशंस में, गवर्नेंस में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हस्तक्षेप करने का मतलब क्या है। अभी थोड़े दिन पहले सुनामी भूकंप आया, आप सब जानते हैं, ये ताजा उदाहरण है तो आपको समझ में आएगा। सुनामी भूकंप आया तो हमारे देश की सरकार के प्रधानमंत्री ने भारत के तमिलनाडु के बैंकों को यह कहा, खासकर उन बैंकों को जो सुनामी प्रभावित एरिया में थे। सुनामी प्रभावित एरिया में 13 जिले हैं तमिलनाडु के, और पूरा एक राज्य है जो अंडमान निकोबार है, वहां पर कुछ 20-22 बैंक हैं अंडमान निकोबार और थोड़ा पांडिचेरी में। तो प्रधानमंत्री महोदय ने सभी बैंकों को जो सुनामी प्रभावित एरिया में है, भारत की है, उनको आदेश दे दिया कि आप सुनामी प्रभावित लोगों को कम से कम ब्याज दर पर तत्काल कर्ज उपलब्ध कराओ, तत्काल, अभी कोई आए तो उसको दो, कागज वागज बाद में बनाओ, कर्ज देना है तुरंत दे दो। माने उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने कहा कि मछुआरे थे जिनकी नावें चली गई, जाल चला गया, अब उनको जिंदगी दोबारा शुरू करनी है तो तकलीफ की स्थिति, इसलिए तत्काल आप कर्ज देना शुरू कर दो कम से कम ब्याज दर पर। तो इन्होंने कहा कम से कम ब्याज दर क्या हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि भारत में जो घर बनाने के लिए ब्याज दर है उससे भी कम। तो घर बनाने के लिए इस समय 7.5-8% है, कितना है? तो प्रधानमंत्री ने 5-5.5% की ब्याज दर फिक्स करवा दिया और कहा कि इनको कर्ज देना शुरू कर दो और शुरू के एक साल का ब्याज माफ कर दो। तो भारत की जो बैंकें हैं वो भारत के संविधान के तहत हैं और प्रधानमंत्री संवैधानिक उप प्रमुख हैं, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उप प्रमुख है। तो भारत की कोई बैंक में हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री के वक्तव्य को ना कहे, माने भारत की हर बैंक को ये करना ही पड़ेगा। तो भारतीय बैंकों ने तत्काल वहां पर कर्ज बांटना शुरू कर दिया। ठीक है, एक दिन प्रधानमंत्री ने भारत की बीमा कंपनियों को कहा कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जिनका भी बीमा था, LIC हो या GIC के द्वारा, वो तत्काल बीमा की राशि उनको बांट दी जाए, भले उनके पास कागज हो या ना हो। अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने बीमा कराया है
और प्रीमियम भरा है और उनके कागज बहके चले गए हैं, तो आपके रिकॉर्ड्स चेक करो और उसमें मिल जाए तो तुरंत उनको बीमा का भुगतान करो। तो तुरंत बीमा कंपनियों ने अपने कैंप लगाना शुरू कर दिया, गांव-गांव में भुगतान शुरू हो गया, वो अभी भी चल रहा है। ये दो उदाहरण। अब यही बात जब प्रधानमंत्री ने विदेशी बैंकों से कही, सिटी बैंक ऑफ अमेरिका भी है वहां पे, मद्रास में काम करता है और मद्रास में सुनामी भूकंप आया था, एएनजेड ग्रिंडलेस भी है मद्रास में, वो भी विदेशी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी है, वो भी विदेशी है, और प्राइवेट बैंकें भी हैं जो भारत की हैं, जैसे आईसीआईसीआई है, फिर उसके बाद ये है कौन सी है, एचडीएफसी है। तो प्रधानमंत्री ने इनको एक चिट्ठी भेजा, इनको चिट्ठी भेजा कि आप भी इसी काम में लगो। तो जवाब पता है क्या हुआ, ये सभी बैंकों ने प्रधानमंत्री को वापस चिट्ठी भेज दिया, सॉरी हम ये काम करने के लिए भारत में नहीं आए, वी आर सॉरी। माने विदेशी बैंकों ने तो सीधे मना कर दिया कि हम आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं दे सकते, हम इसके लिए आए नहीं है यहां पे, ठीक है। और भारत की प्राइवेट बैंकों ने प्रधानमंत्री को कह दिया कि चूंकि विदेशी प्राइवेट बैंकें तैयार नहीं है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उनसे कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री खिसे आके रह गए। अब प्रधानमंत्री में इतनी भी दम नहीं है कि उनको नोटिस दे और कहें कि भारत से भाग जाओ। मतलब क्या है, विदेशी बीमा कंपनियां या विदेशी बैंकें यहां आकर मुनाफा कमाएं, लूट के ले जाएं, वो तो रास्ते खुल गए हैं, लेकिन भारत को कभी जरूरत पड़ जाए उनकी मदद की तो उनसे आपको थोड़ी भी मदद मिलेगी, ऐसी अपेक्षा ना करें। ये कंडीशन WTO में है। तो जब इन्होंने मना किया तो प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के रिजर्व बैंक के गवर्नर को बुलाया और कहा कि इनको जरा कड़क शब्दों में कह दो कुछ। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने उनको नोटिस जारी किए, उन बैंकों ने इससे भी ज्यादा कड़ी भाषा में जवाब दे दिया कि मिस्टर सो एंड सो, आप भूल रहे हैं कि भारत सरकार ने WTO पे साइन कर दिया है, सर्विसेज का एग्रीमेंट लागू हो गया है, उसमें सो एंड सो प्रोविजन में ये सब कंडीशन है, आप प्लीज पढ़ लीजिए, आप हमको बाध्य नहीं कर सकते ऐसे किसी भी काम के। तो भारत सरकार चुप होके बैठ गई, अब दम नहीं है आगे बात कर। और उन्होंने यहां तक धमकी दे दिया कि अगर आपने हमको मजबूर किया तो हम डिस्प्यूट सेटलमेंट काउंसिल में आपकी शिकायत करेंगे। अब उनकी हिम्मत इतनी कैसे है ये सब कहने, उनके पीछे उनका देश है माने अमेरिका, तो वो शिकायत करेंगे माने अमेरिका शिकायत करेगा। तो आप कल्पना ये कर सकते हैं कि हमारे देश में आई हुई विदेशी बैंक या विदेशी बीमा कंपनियां, भारत के लोगों के पैसे से चलने वाली ये बैंक और बीमा कंपनियां, जरूरत पड़ने पर भारत को वो पैसा उपलब्ध नहीं करा सकती जो आपके ही देश का है, आप उनको कंपेल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। एक और दूसरी बात बताता हूं इससे ही जुड़ी हुई, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जब ये सब हुआ, तबाही हुई, तो इसमें कई ऐसे लोग मारे गए जो भारत की बैंकों में काम करते थे, ऐसे लोग मारे गए। लेकिन ऐसा भी हुआ कि उनके परिवार में उनके बीवी बच्चे बच गए, पुरुष मर गया, पति मर गया, बीवी बच गई, या बीवी मर गई पुरुष बच गया, या बीवी माता पिता दोनों मर गए बच्चे बच गए, ऐसा हुआ। तो भारत के प्रधानमंत्री ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि जिन बैंकों के अधिकारियों के परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है उनमें उनका जो भी अगला नजदीकी हो उसको नौकरी दे दी जाए। तो तुरंत स्वीकृत हो गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मद्रास में ऐसे कई लोगों को अभी भर्ती किया है जो उन परिवारों के हैं जो पहले उस बैंक में काम करते थे, और वो भर्ती प्राथमिकता के आधार पर हुई है, उस आधार पर नहीं हुई है, उनकी काबिलियत के आधार पर नहीं हुई है, काबिलियत उनको दी जाएगी, वो काबिल नहीं है उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए काबिल नहीं, अब बैंक उनको ट्रेनिंग देके तैयार करेगी, ठीक है। जब विदेशी बैंकों से यह कहा गया कि आप भी करो, तो उनका सॉरी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन करना है, हमें एफिशियंट लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो अब की बार प्रधानमंत्री को सुनामी भूकंप में भयंकर झटका लगा है इसका।
क्योंकि ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सबसे ज्यादा विदेशीकरण और प्राइवेटाइजेशन की बात करने वाले व्यक्ति रहे। अब उनको समझ में आ गया है कि प्राइवेटाइजेशन का दुष्परिणाम और दुर्भाग्य क्या होता है। माने देश के ऊपर भयंकर संकट आ जाए तो भी वो मदद करने को तैयार नहीं। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, और आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। इससे भी आगे तीसरी एक बात, सुनामी भूकंप जब आया तो भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार की सेवाओं में काम करने वाले हर कर्मचारी को 1 महीने की पगार देने का निर्देश दिया। तो उस पर निगोशिएशन हुआ, तो निगोशिएशन होकर यहां तक आया कि कम से कम 1 दिन की पगार तो देनी पड़ेगी। तो भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों को बिना बताए हुए उनकी तनख्वाह से 1 दिन का, कहीं कहीं 2 दिन का, 1.5 दिन का वेतन काटकर प्रधानमंत्री कोष में जमा कर दिया गया। ठीक है, जब विदेशी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को यह कहा गया तो उन्होंने कहा आप हमारी 1 घंटे की भी सैलरी नहीं काट सकते, हमारी इच्छा है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अच्छा, मजे की बात क्या हुई कि सुनामी प्रभावित एरिया में लगभग कुल मिलाकर 33,000 गांव प्रभावित हुए हैं। कुल दक्षिण में तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, आंध्रा और अंडमान निकोबार, इनमें से कई कई गांव भारत की बैंकों ने गोद ले लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कई गांव गोद लिए हैं, मैं देख के आया हूं, वहां पर भवन निर्माण का काम उन्होंने अपनी तरफ से चलाया है। ऐसे ही पंजाब नेशनल बैंक ने किया है, ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वालों ने किया, ओरिएंटल इंश्योरेंस, एक भी विदेशी बैंक और विदेशी कंपनी ने एक भी गांव को गोद नहीं लिया है। वो कह रहे हैं हम तो यहां प्रॉफिट कमाने आए हैं। माने आप यहां मुनाफा कमा के तो लूट के ले जा सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत पड़ने पर उस मुनाफे का हिस्सेदार नहीं बना सकते। और हमारी मजबूरी क्या है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, विदेशी बैंकों को इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकते। यह है सर्विसेज का एग्रीमेंट WTO, ऐसी कंडीशन है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक और बात बता दो, सर्विसेज के सेक्टर में ये जो विदेशी कंपनियां आएंगी वो क्या करने वाली हैं, उसका एक उदाहरण छत्तीसगढ़ से आपको समझ में बहुत जल्दी आएगा। छत्तीसगढ़ में आपको मालूम है थोड़े दिन पहले एक सरकार चलती थी, उसने निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए खुले थोक के भाव में छूट दिया है ना, और एक एक कमरे की यूनिवर्सिटी रायपुर में खुल गई। मैंने रायपुर में ऐसी कई यूनिवर्सिटी देखी है जिनमें पति वाइस चांसलर है और पत्नी रजिस्ट्रार है और यूनिवर्सिटी चल रही है, हस्बैंड वाइफ मिलके यूनिवर्सिटी चला रहे, क्या मजाक बना दिया है वहां बच्चे विद्यार्थी और ऐसी पता नहीं कितनी 130 135 कितनी यूनिवर्सिटी 146 तो 146 यूनिवर्सिटी खोलने का इन्होंने, निजी विश्वविद्यालय खोलने का कानून बना दिया। ये जो मजाक अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है, यही मजाक अगले साल पूरे देश में होने जा रहा है। WTO की सर्विसेज कंडीशन, यही मजाक होने जा रहा है पूरे देश में। माने बाहर से आई हुई कोई भी विदेशी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में अपनी शाखा खोल सकती है, बाहर से आई हुई कोई भी विदेशी, उसको आप जमीन दिलवाइए, सस्ती कीमत पर दिलवाइए, और वो अपना 2 कमरे का घर बनाए या 4 कमरे का घर बनाए, उसमें वो शुरू कर सकते हैं। अच्छा, और मजे की बात ये है कि वो खोलेंगे कैसे, जैसे मान लो एक नाम लेके मैं बताता हूं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी या मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट है, या आप अगर ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम ले लो, ऑक्सफोर्ड है, ठीक है। ये क्या करने वाले हैं, ये हिंदुस्तान में अपने ब्रांच ऑफिसेस खोलने वाले हैं, ये यूनिवर्सिटी नहीं बनाने वाले, ब्रांच ऑफिस खोलने वाले। ब्रांच ऑफिस माने एक 20x20 का कमरा, अच्छा वेल फर्निश्ड, एसी लगा हुआ वगैरह वगैरह। तो वो वहां खोल दिया उन्होंने, दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, रायपुर में, जगह जगह खोल दिया। विद्यार्थियों को उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ब्रांच ऑफिस यहां खुल गया है, आपको अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आइए, दरवाजे खुले हुए हैं, डॉलर में फीस लाइए। तो आप पहुंच गए जी,
और सरकार रोक नहीं सकती उनको। आप ध्यान इस बात का रखिए कि सरकार उनको रोक नहीं सकती। वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे हम यूनिवर्सिटी नहीं चला रहे हैं, ब्रांच ऑफिस खोल रहे हैं और वो सर्विस एग्रीमेंट का हिस्सा है। यहां तो रुकवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में ये कह के कि इनके पास इतने फिट जमीन नहीं है, इतना फंड नहीं है, ये नहीं है, तो इनके लाइसेंस रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट उनके लिए ये आदेश नहीं कर सकता क्योंकि वो WTO एग्रीमेंट में है। तो वो एक एक ब्रांच ऑफिस खोलेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। और एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे? आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से BTech करना है तो $10,000 की फीस लाइए, जमा कराइए। किस ट्रेड में करना है? इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है, मैकेनिकल में करना है, इलेक्ट्रिकल में करना है। आपके पास $10,000 एक मुश्त नहीं है तो 3 किश्त में ले आइए, $3,000 की 2 किश्त और 1 $4,000 की। आप यहां भर दीजिए, रिसीट ले लीजिए, फिर आप इम्तहान दे दीजिए अपने घर में बैठ के। लंदन जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठिए, आपको एक आंसर शीट आ जाएगा, वो आंसर शीट में भर के दे दीजिए, फिर इम्तहान आप पास कर लेंगे, आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का BTech का डिग्री मिल गया। और इसको ड्राइंग रूम में सोने के फ्रेम में मढ़वा के रखवा लीजिए कि मैंने BTech किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। हो सकता है आप टॉपर हो जाएं। हाँ, वहां तो कई तरह के टॉपर होते हैं, तो आप भी उसमें हो जाएं। अब वो हो गया आपका, तो एक सर्टिफिकेट आपको मिल गया $10,000 में। उनका क्या गया? एक सर्टिफिकेट ही तो दिया है, $10,000 ले लिया यहां से, $20,000 लेंगे, $25,000 लेंगे। MBA का ले लीजिए आप उनसे, BBA का ले लीजिए आप उनसे, MTech का ले लीजिए उनसे, PhD ले लीजिए, DSC ले लीजिए, क्योंकि ये जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, इन्होंने दुनिया के कई देशों में ये धंधे किए हुए हैं और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के ये धंधे चल रहे हैं, अफ्रीका के कई देशों में चल रहे हैं। और अफ्रीका ही नहीं, ये जितने अरब देश हैं ना, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, इन देशों में भी उनके यही धंधे चल रहे हैं, ब्रांच ऑफिसेस खुले हुए। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के ब्रांच सभी गल्फ कंट्रीज में हैं। और वहां क्या होता है? वहां यही होता है, 3-4 कमरे की बिल्डिंग है, उसमें वो क्लासेस चलाते हैं। तो सवेरे से शाम तक, सवेरे उसमें MTech की क्लासेस चलती हैं, दोपहर को BTech की चलती है, शाम को MBA की चलती है, रात को DBA की चलती है। दूसरे कमरे में सवेरे PhD की क्लासेस हो रही हैं, दोपहर को DSC की क्लासेस हो रही हैं, शाम को कुछ और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की क्लासेस हो रही हैं, तीसरे कमरे में कुछ और क्लासेस हो रही हैं। क्लासेस में पढ़ने वाले 15-20 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी, जिनके माँ बाप के पास डॉलर इफरात में है, क्योंकि वो तो तेल का पैसा है, आप जमा कराते जाइए, क्लास करिए। वहां तो क्या होता है कि क्लास आपने इतने प्रतिशत किया है उसी पर डिग्री पक्की है आपके, इम्तहान भी नहीं देना। क्योंकि ये जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, इन सभी विश्वविद्यालयों में डिग्री लेना बेहद आसान है। हमारे देश में ये जो चर्चा होती है ना, मैं तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA का, मैं आपको बताता हूं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का MBA क्या होता है। हिंदुस्तान में ये जो राहुल गांधी है ना, ये BCom में फेल हो गया, मैं आपको असलियत बता रहा हूं, इसमें हंसना नहीं, आप देश की दुर्भाग्य की दशा पे आप आंसू रोना खून के। ये BCom में फेल हो गया, इसकी बहन भी फेल हो गई, प्रियंका, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, फेल हो गए। अब इनका बाप परेशान कि फेल हो गए। अब मीडिया में ये बात चली गई तो तकलीफ हो गई, तो इन्होंने क्या किया, दोनों को कहा कि हमने उनको विदेश में एडमिशन कराना, तो हार्वर्ड में चला गया, एडमिशन मिल गया, हार्वर्ड से करके आ गया, यहां फेल हो गया, हार्वर्ड से पास होके आ गए। अच्छा, और मजे की बात क्या है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अगर एडमिशन चाहिए आपको तो मेरिट की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत है। मेरिट पर कहीं भी कोई बात नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल है मेलबोर्न का, केनबरा का, आप हिंदुस्तान में BCom फेल है, BA फेल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाइए एडमिशन ले लीजिए, वहां से MBA करके चले आइए। और इससे भी ज्यादा अद्भुत व्यवस्था है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज माने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, सोवियत संघ। आप अगर 9वीं कक्षा फेल हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं,
नौवीं कक्षा में अगर आप भारत में फेल हो गए हैं, आप सोवियत संघ चले जाइए, MBBS MD फर्स्ट क्लास फर्स्ट होके आ जाइए। और इस देश में मैं आपको एक नहीं, ऐसे दसियों हजार विद्यार्थी खड़े करके गिना सकता हूं जो नौवीं फेल हैं, दसवीं फेल हैं, एक दो बार नहीं तीन बार फेल हैं, रूस गए मॉस्को यूनिवर्सिटी से MBBS MD करके आए हैं। बस मुश्किल यही है कि वो भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहता है कि ये पेट की जगह क्या क्या काटेंगे मालूम नहीं है, इसलिए उनको प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या किया है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का इम्तहान फिर से पास करिए, और उसमें सब फेल हो जाते हैं, कोई पास नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, डिग्री लटका के अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं, मॉस्को यूनिवर्सिटी से MBBS MD, MBBS की डिग्री, MD की डिग्री लटकी हुई है। और जिन माँ बाप ने उनको भेज दिया है, उन माँ बाप से मैं पूछता हूं कि इनका क्या मतलब है MBBS MD, उनका राजीव भाई शादी में दहेज मिल जाता है, इतना तो फायदा है। भले ये प्रैक्टिस कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन इसका जब ब्याह करेंगे तो 5 लाख 7 लाख तो मिल जाएगा, क्योंकि MD है, MTech है, तो 3-4-5 लाख तो मिल ही जाएगा। तो विदेशी विश्वविद्यालयों में डिग्री बांटने का काम ऐसे होता है जैसे चावल खरीदने बेचने का काम साधारण रूप से होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी में दुनिया में आप यहां बैठे बैठे डिग्री ले लें, ऐसी व्यवस्था अब इस देश में अगले साल से शुरू होने जा रही है ड्यू टू दिस WTO एग्रीमेंट। परिणाम क्या होंगे, इसके परिणाम जो होने वाले हैं वो ये कि हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग है विद्यार्थियों का जो हर साल फेल होता है, ठीक है, उनके लिए रास्ते खुल गए। फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, यहां पे ब्रांच है विदेशी विश्वविद्यालय की है, वहां की डिग्री तो हिंदुस्तान से बड़ी है। रायपुर विश्वविद्यालय से फेल हो गए तो हार्वर्ड बैठा है, हार्वर्ड से फेल हो गए ऑक्सफोर्ड बैठा है, ऑक्सफोर्ड से फेल हो गए MIT बैठा है, कहीं से भी डिग्री ले लो, पैसा जमा करो। अच्छा, इन सभी स्कूल्स में जो हार्वर्ड हो या MIT हो, परीक्षा की पद्धति भारत से बिल्कुल अलग है, वो परीक्षा की पद्धति बिल्कुल भारत से अलग है। वहां कभी भी इस तरह का नहीं होता 33% पे पास होना, 60% पे फर्स्ट क्लास होना, 75% पे पोजीशन होल्डर होना, या जो भी कहना, वो ऐसा नहीं होता है। वहां ग्रेडेशन सिस्टम है, तो वहां कोई फेल नहीं होता है, लिटरली कोई फेल नहीं होता है, और यहां फेल और पास होता है। तो यहां जो भी फेल होते हैं उनके लिए रास्ते खुल गए, और अगर उनके मां बाप के पास थोड़ा डॉलर है खर्च करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो होने वाला क्या है कि अब डॉलर का खर्च विदेशी यूनिवर्सिटीज की डिग्री खरीदने के लिए इस देश में चालू होगा, और 2-3 साल के बाद आपको इतने डिग्री होल्डर मिलेंगे कि आपको अपने ऊपर शर्म आना शुरू हो जाए। शर्म कैसे आएगी, मैं जानता हूं फेलियर है, लेकिन वो डिग्री लेके घूम रहा है MBBS MD, क्या करेंगे आप उसका। ज्ञान मिले या ना मिले, डिग्री आराम से मिल जाएगी। और इन यूनिवर्सिटीज का क्या लेना देना है, वो ये चाहते हैं कि यहां से जितना डॉलर कमा के ले जा सको ले जाओ। और ऐसी सॉफ्टवेयर में होने वाला है, ऐसी तमाम दूसरे शिक्षण सत्र में अगले साल से धुआंधार। भारत सरकार के आजकल एक मंत्री महोदय है, उनका नाम है अर्जुन सिंह, वो हाँ मानव संसाधन मंत्रालय, और आजकल शिक्षा उसी के अधीन है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन सब। बेंगलोर में उन्होंने अभी एक वर्कशॉप किया था 3 दिन का, विदेशी विश्वविद्यालयों को परमिशन देना है ये तो उन्हें मालूम है, लेकिन उनको कंडीशन क्या लगाएं, तो उस पर 3 दिन का वर्कशॉप किया। मुझे भी इन्विटेशन था, आप भी आइए हमको सुझाव दीजिए, मैं गया था उसमें। तो मैंने पहले ही दिन वर्कशॉप में कहा कि आप कंडीशन लगा ही नहीं सकते कुछ, WTO साफ कहता है, तो उनका हमें मालूम है, लेकिन आप हमको रास्ता बताइए कैसे बचें या कैसे बचाएं। मैंने कहा आप WTO एग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिए, उन्होंने कहा ये हमारे बस में नहीं है, आप तो ये बताइए कि WTO के रहते हुए हम हिंदुस्तान में क्या उपाय करें ताकि ये विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रभाव से हमारे देश को हम बचा सके। मैंने पूछा आपको चिंता क्या हो रही है, उन्होंने कहा मुझे चिंता ये हो रही है कि कल को अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक ब्रांच खोलने जा रही है,
तो जितने विद्यालय माने विश्वविद्यालय में जेएनयू में दिल्ली यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं, ये जाएंगे नहीं, ये सब वहां चले जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और घर बैठे डिग्री मिलेगी, घर बैठे इम्तहान देंगे, उनको अमेरिका भी नहीं जाना है, उनको कहीं नहीं जाना है, तो हमारा जेएनयू बंद हो जाएगा, हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां तो पढ़ाई के बाद डिग्री मिलती है, इम्तहान भी पास करना पड़ता है तब डिग्री मिलती है, यहां तो ऐसी फोकट में मिलने वाली है। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है, जेएनयू बंद हो जाए तो हो जाने दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद हो जाए तो हो जाने दीजिए, IITs बंद होते हैं हो जाने दीजिए, आप तो चाहते ही हैं कि हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाने दीजिए बंद। तो उन्होंने कहा कि भाई देश तो डूब जाएगा फिर। मैंने पूछा कैसे डूब जाएगा, कि देश को चलाने के लिए कुछ अक्ल वाले लोग तो चाहिए, वो यहीं से निकलते हैं, वो तो निकलने ही बंद हो जाएंगे, फिर तो इस देश में सब लालू यादव और रावड़ी देवी ही आ जाएंगे, वो तो देश को बिहार की तरह चलाएंगे, तो क्या होगा। मैंने कहा अगर आपको इतनी ही चिंता है तो अपने प्रधानमंत्री से कहते क्यों नहीं कि WTO में फिर से निगोशिएशन शुरू कराएं और इन शर्तों को बदलवाएं। ये तो आप फालतू में विधवा विलाप कर रहे हैं, विधवा विलाप है। जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था तब करना चाहिए था, कंडीशन पढ़ लेनी चाहिए थी, अब साइन हो गया आप कुछ कर नहीं सकते, अब मुझसे पूछ रहे हैं उपाय बताओ, साइन आपने किया, गू आपने किया, मुझसे कह रहे साफ करो। तो थोड़े नाराज हो गए। मैंने कहा देखिए इसमें नाराज होने की बात नहीं है, आप देश के बारे में अगर बहुत गंभीर हैं इन विषयों को लेकर तो सरकार के अंदर पुनः समीक्षा करवाइए WTO एग्रीमेंट की, वरना आप कोई कंडीशन इनके ऊपर नहीं लगा सकते। आपने कंडीशन लगाया वो शिकायत करते हैं आपके खिलाफ। तो इस समय बहुत परेशान है और परेशान उन्होंने, मैंने पूछा कितने यूनिवर्सिटीज का आ गया है आपके पास प्रपोजल, तो उनका 150 विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रपोजल आ गया है। अब मुझे उनके लिए हर हालत में अगले 3 साल के अंदर जमीन उपलब्ध करानी है और कंसेशनल रेट पर उपलब्ध करानी है, 2 रुपए स्क्वायर फिट 3 रुपए स्क्वायर फिट के हिसाब से। और एक स्कूल तो आ रहा है अमेरिका का, वो अड़ा हुआ है कि हमें बसंत एनक्लेव में जगह चाहिए, दिल्ली में बसंत एनक्लेव। बसंत एनक्लेव की आज की कीमत जो है ना 1 एकड़ की 10 करोड़ रुपए है, वहां वो स्कूल चाहता है हमको जगह चाहिए और 2-3 रुपए स्क्वायर फिट में ये देनी पड़ेगी इनको, तो ये इससे थोड़ा परेशान है। तो मैंने उनसे मजाक में कहा आप तो आंख मीच के शुतुरमुर्ग की तरह करिए, जो करना है आंख बंद करिए हस्ताक्षर करते जाइए जैसे आपकी सरकार करती। ये स्थिति रियलिटी में आई है देश में। तो सर्विसेज के सेक्टर में WTO की कंडीशंस का लागू होना, बैंकों में, बीमा कंपनियों में, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी घुसेगा कुछ भी करेगा, और यहां होने वाला क्या है, तमाशा ये होने वाला है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश इस समय बना हुआ है जहां की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा फेलियर क्या है कि हमने पढ़े लिखे बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी कर दी है इस देश में, पढ़े लिखे बेरोजगार। इस देश में आप अगर घूम जाएं पूरे देश में तो आपको 8-10 करोड़ नौजवान ऐसे मिल जाएंगे जो कम से कम ग्रेजुएट हैं, बीए हैं, बीकॉम है, बीएससी है, बीटेक है, एमबीबीएस है, कम से कम ग्रेजुएट हैं, ऐसे 8-10 करोड़ नौजवान मिल जाएंगे आपको। पढ़े लिखे बेरोजगारों की कर दी है फौज खड़ी, ये किसी काम पे लगी नहीं है। जब ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहां घूमना शुरू होंगी तो वो इनको उल्लू बनाएंगे। उल्लू कैसे बनाएंगे, वो क्रैश कोर्स करवाएंगे, क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स किस तरह से करवाएंगे, वो कहेंगे आपको गल्फ जाना है, हाँ हाँ जाना है, कौन मना करेगा, आइए 3 महीने के क्रैश कोर्स में ज्वाइन करिए, फीस है $1500 $2000 $3000, सब फीस डॉलर में लेंगे क्योंकि सरकार उनको ये परमिशन देने जा रही है कि वो फीस अपनी डॉलर में ले सकते हैं, रुपए में फीस ना स्वीकार करें ये उनको अधिकार होगा। तो फीस बनाएंगे $1500 $2000 $3000 $4000। सिखाएंगे क्या, सिखाएंगे ये कि गल्फ में कैसे रहना, कैसे काम करना, ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। अब जैसे ही वो ये दरवाजे पे टांगेंगे इराक में जाने के लिए, ईरान में जाने के लिए, सऊदी अरब में जाने के लिए, दुबई जाने के लिए, अबू धाबी जाने के लिए, क्रैश कोर्स करिए, जैसे आजकल गांव गांव में है ना अमेरिकन इंग्लिश बोलने के लिए क्रैश कोर्स करिए, कैसी भीड़ लगी रहती है, और अमेरिकन इंग्लिश के प्रति इतनी दीवानगी कैसे है, कॉल सेंटर खुल रहे हैं तो कॉल सेंटर में कहीं कहीं गुंजाइश है, अब कॉल सेंटर में उतनी गुंजाइश नहीं है, मान लो 40 लोग चाहिए तो 40,000 लोग क्रैश कोर्स में लगे हुए हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। तो ऐसे ही ये क्रैश कोर्स शुरू करेंगे।
हिंदुस्तान के जो लड़के लड़कियां हैं वो इतने भोले भाले सीधे साधे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से क्रैश कोर्स हो रहा, बड़ी ऊंची चीज है, चलो भैया $2,000 की भी फीस दो, $3,000 भी दो, और उस क्रैश कोर्स में बस इतना ही सिखाएंगे, गल्फ में जाना तो कैसे रहना, वहां के नियम क्या हैं, कायदे क्या हैं, कानून क्या हैं, व्यवस्था कैसी है, डॉर्मेट्रीज में रहना पड़ता है तो कैसे रहना, बक्सा रखने की भी जगह नहीं मिलती है तो बिना बक्से के कैसे रहना, ये सब सिखाते हैं उसमें। एक बार मैं एक क्रैश कोर्स में गया, वो सिखा रहे थे कि दुबई में, अबू धाबी में जाना है, दिल्ली में चलता है, तो मैं बैठ गया उनके यहाँ पूरे दिन सवेरे से शाम तक, तो वो यही सिखा रहे थे, दुबई अबू धाबी की हालत है बहुत खराब, ये जो हिंदुस्तानी जाते हैं ना काम करने के लिए मजदूर, आपको यहाँ लगता है कि बड़े मौज मजे में रहते हैं, मस्ती में, आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे ये जान के कि जो हिंदुस्तानी गल्फ में है उनमें 2% के पास अपना घर है बस, 98% डॉर्मेट्रीज में रहते हैं। डॉर्मेट्रीज माने लाइन के लाइन बने हुए दबड़े, दबड़े कहें दड़बे कहें, बैरक्स, 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 लाइन के लाइन बनी हुई बैरक्स, और बैरक्स में छोटे छोटे कमरे, और एक कमरे में 6-6 चारपाई, कमरे की साइज 8x8, 64 स्क्वायर फिट, 70 स्क्वायर फिट का कमरा, 6 चारपाई, कैसे आएगा ट्रेन के डिब्बे में, कैसे आता है, हाँ 3-tier sleeper class देखा है, वैसे ही उनके यहां डॉर्मेटरीज है, तो 3-tier sleeper class है। अब तकलीफ क्या आती है वहां पे, नीचे का जो है आखिरी बर्थ, उसी के नीचे सामान रखना है और 6 लोगों को रखना है, तो वो क्रैश कोर्स में समझाते हैं भाई अपना बक्सा ऐसे रखना तो उसमें स्पेस कम कवर होगा, ज्यादा बक्सा लेके नहीं जाना, फिर आपने पास ज्यादा पहनने के कपड़े नहीं रखना, 2 ही जोड़े रखना, नहीं तो रखने की जगह नहीं है, अपना साबुनदानी कहाँ रखना, जब बाहर जाना तो साबुनदानी को बक्से में बंद करके जाना क्योंकि बाकी की भी 6 साबुनदानियां वहां रखी हुई है, संडास और बाथरूम के लिए जाना है तो टाइम फिक्स कर लेना, हर एक आदमी को 5-5 मिनट सवेरे सवेरे अंदर जाना है तो 5 मिनट आपका फिक्स कर लेना, 5:55 पे आप जाओगे, 6 बजे वो जाएगा, 6:05 पे वो जाएगा, नहीं तो आपकी बस छूट जाएगी, बस छूट गई तो उस दिन की पगार कट जाएगी। ये है क्रैश कोर्स, और इसके लिए $1,500, $2,000, $3,000, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, इतना पागलपन है दुबई जाने के लिए, अबू धाबी जाने के लिए, कि लोग खेत बेच बेच के क्रैश कोर्स कर रहे। मैं अभी थोड़े दिन पहले आंध्रा में गया, आंध्रा में एक जिला है कृष्णा, कृष्णा जिले में ऐसे क्रैश कोर्स चलाने वाली कम से कम 150 संस्थाएं और $1,200 फीस, 10 दिन का क्रैश कोर्स, 7 दिन का, 8 दिन का, $1,200-1,500, अगर रुपए में जोड़ दो तो 44 का गुणा कर लो। जो करने वाले हैं क्रैश कोर्स वो कौन है, गांव के गरीब किसानों के बेटे या बेटियां जो अपनी जमीन गिरवी रख के पैसा लाए हैं, क्रैश कोर्स करेंगे, फिर वहीं पर एजेंट बैठा है, आपका क्रैश कोर्स पूरा हुआ तो एजेंट कहेगा अब आपको पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, 1.5 लाख रुपए ले आओ, आप लेके दे दो 1.5 लाख रुपए कहीं से कर्ज लेके, अब मैं आपको भेजने की व्यवस्था कराता हूं, तो उनका वो वीजा बनवाएगा, वीजा बनवाएगा, उसमें कमीशनबाजी, उनको ठेल दिया जाएगा, और ठेलने के बाद क्या होगा, वहां उनको सब दर्शन हो जाते हैं नरक और स्वर्ग के, जो लोग इन एजेंटों के माध्यम से चले जाते हैं 3 साल तक तो वापस नहीं आ सकते, 3 साल वापस नहीं आ सकते, 3 साल लगातार रगड़ना पड़ेगा, काम के घंटे सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक, 12 घंटे से कम काम नहीं, और पेमेंट कितना, दुबई में मुश्किल से 10 या 12 दिरहम मिलता है, 10 या 12 दिरहम मुश्किल से, 1 दिरहम में 12 रुपए कुछ पैसे है तो 125 रुपए के आसपास मिलता है, खाना इतना महंगा कि उसमें कुछ बच नहीं सकता, और हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं, बीमार पड़ जाओ तो वहां मैंने आंखों से देखा है, मर जाना सस्ता है, बीमार पड़ना मुश्किल है, बीमार पड़ो तो इलाज नहीं करा सकते, मर जाओ तो सस्ता है, और मर गए तो लाश यहां आना उससे भी ज्यादा महंगा है, डेड बॉडी नहीं आ सकती, आएगी तो आपके घर के गहने बिक जाएंगे,
तो मुझे डर जो लग रहा है वो ये कि ये जो विदेशी यूनिवर्सिटीज आ गई और इन्होंने चालू किया अपना धंधा, ये गांव गांव में बोर्ड टांगेंगे, दुबई जाना है, अबू धाबी जाना है, मेलबोर्न जाना है, कैनबरा जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, न्यू जर्सी जाना है, कोई पेरिस जाएगा, कोई वो मॉन्ट्रियल जाएगा, तो कोई कहीं जाएगा। और हिंदुस्तानियों में एक भयंकर क्रेज है विदेश का, वास्तविकता से दूर। हम ये मान के बैठे हैं कि दुनिया का सारा स्वर्ग वही है, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में। ये अमेरिका में भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाते हैं ना, 98% सॉफ्टवेयर इंजीनियर डॉर्मेट्रीज में रह रहे हैं, सिर्फ 2% के पास अपना फ्लैट है। वो बताते नहीं है, ये अलग बात है, क्योंकि यहां बेइज्जती होती है। और मुश्किल एक और है कि आप फंस गए अगर इस जो चक्र में और वहां पहुंच गए, तो जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज तक काम कर रहे थे, कल सवेरे सैलरी का पैकेट देके एक चिट्ठी देके रवाना कर देगा, आप नहीं आना। आप ना अदालत में जा सकते हैं, ना कहीं कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं। फिर आप क्या करिए, दूसरी कोई नौकरी ढूंढिए। तो होटल में पानी पिलाने की मिले तो पानी पिलाइए, बर्तन घिसने की मिले बर्तन घिसिए, पैकेट बांधने की नौकरी मिले तो पैकेट बांधिए। और यहां मम्मी पापा को कहिए कि मैं बहुत खुशी में हूं, बहुत मजे में हूं, मैंने MBBS कर लिया था, अब मैं यहां पर एक डॉक्टर के यहां काम करता हूं। डॉक्टर का काम क्या करता है, इंजेक्शन लगाने का, ये होता है। और यहां उनके मां बाप छाती चौड़ी करके, मेरा बेटा अमेरिका में है, क्या कर रहा है ये नहीं मालूम है, अमेरिका रह कैसे रहा है ये नहीं मालूम है अमेरिका में, मेरा बेटा दुबई में है, मेरा बेटा अबू। ये जो हिंदुस्तानियों में मानसिक गुलामी आज भी भसी हुई है, विदेशियों के प्रति आकर्षण, इसका वो भयंकर एनकैशमेंट कराने वाले। और ऐसे ऐसे फ्रॉड होंगे इस देश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे फ्रॉड। कोई एक संस्था आएगी, वो कहेगी कि हम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एफिलिएटेड हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है क्रॉस वेरिफिकेशन करने का, और हमको आदत भी नहीं है। उन्होंने कहा हमारा एफिलिएशन MIT के साथ है, हमारी डिग्री MIT वाली है, आप आ जाओ भर्ती हो जाओ। एक साल के बाद पता चला उन्होंने 1.5-2 लाख-3 लाख डॉलर इकट्ठा किए, भाग लिए। अब सरकार जो है परेशान है, FIR आप कराते रहिए, ढूंढने के लिए सरकार जाएगी, वो अमरीका भाग गए। तो सरकार की ताकत नहीं है कि अमेरिका से गिरफ्तार करा के लाए और हिंदुस्तान में मुकदमा चलाए, ऐसे फ्रॉड होंगे। क्योंकि एजुकेशन जो यूरोप और अमेरिका में है वो बिजनेस है, व्यापार है, वो ज्ञान देने का साधन नहीं है। वहां तो सारे प्रोफेसर्स कहते हैं अगर आपको ज्ञान लेना है तो एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ज्ञान तो ऐसे ही मिलता है। इस एजुकेशन में आना, ये तो डिग्री देती है सिर्फ, ज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं। और ये जो विदेशी एजुकेशन सिस्टम है, इसका अगर टेस्टिंग करना हो तो दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स की रिपोर्टें आप उनको पढ़ें तो आपको हंसी आएगी। वो ये कहते हैं कि यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़े हुए विद्यार्थी, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में पढ़े हुए विद्यार्थी लोएस्ट IQ के हैं, लोएस्ट IQ के। दुनिया में सबसे कम IQ अगर किन्हीं लोगों का है तो अमेरिकन स्टूडेंट्स का है, सबसे कम IQ। और उसका अगर टेस्ट करना है तो कुछ इस तरह से होता है। एक बार मैं ऐसे ही एक अमरीकी व्यक्ति से बात कर रहा था दिल्ली में, मेरा एक दोस्त है JNU में प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स में, उसके पास एक स्टूडेंट आता है PhD में, गाइड उसने बना रखा है, वो PhD कर रहा है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, है अमेरिकन। तो ऐसी बात कर रहा था तो मैंने ऐसे मजाक में कह दिया कि ये अमेरिकन्स तो IQ में बहुत नीचे हैं। उसने कहा हाँ, मेरे सामने बैठा है, बात करके देख लो। तो हम और वो हिंदी में बात कर रहे थे, वो समझ नहीं रहा था। तो उसने कहा मैं इसका टेस्ट ले लूं? मैंने कहा ले लो। मैंने कहा तुम ले लो। नहीं, उनका तुम पूछो ना, इससे एक सवाल तुम्हें पता चल जाएगा इसका IQ क्या। मैंने उसको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, आर यू हैप्पी, तुम खुश हो? वो उसने कहा जस्ट, आई विल चेक इट। आप हंसना इसमें बाद में। उसने कहा ओह जस्ट आई विल चेक इट। मैंने कहा हाउ डू यू चेक इट? तो उसने अपना वो निकाला, ये जो लैपटॉप निकाला, एक प्रोग्राम निकाला, उसमें फीडिंग करना चालू किया। तो उसमें एक प्रोग्राम है अमेरिका में, उसके कुछ वो हैं, पैरामीटर्स हैं, आप हैप्पी हैं तो ये होना चाहिए,
वहां तो सब कुछ रेडीमेड है ना, तो आप खुश हैं, तो ये 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 होता है तो आप खुश है। उसने भरना चालू कर दिया, उसमें अंत में उसने क्लिक किया, नो नो आई एम नॉट हैप्पी। पीएचडी कर रहा है वो, हाँ, और टॉपर है। ये स्थिति है। और इससे भी बुरे हाल है जापानियों के, इससे भी बुरे हाल है जापानियों के। माने दुनिया में लोएस्ट आईक्यू के लोगों को आप मिलना चाहते हैं तो अमेरिका जाइए, जापान जाइए, और यहां चले जाइए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, न्यूजीलैंड चले जाइए, लोएस्ट आईक्यू के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। कारण क्या है? सिस्टम वैसा है, एजुकेशन सिस्टम वैसा है। उसमें उनका दोष नहीं है, उनका कसूर नहीं है, जिस सिस्टम से वो पढ़कर निकले हैं वो है ही ऐसा। फिर मैंने उससे, मेरे जो दोस्त प्रोफेसर से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पास ऐसे और कितने स्टूडेंट आते हैं? उसने कहा जर्मनी वाला आता है, हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा ये आ जाते हैं जर्मनी वाले, फ्रांस वाले। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा आईक्यू किन में है? उन्होंने कहा या तो भारतीय में, या तो भारतीय में, या तो चाइनीज में। मैंने पूछा चाइना और भारत में कंपैरिजन करें तो उसने कहा निश्चित रूप से भारतीय। तो मैंने पूछा अगर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम बताओ तो? उसने कहा भारत का सामान्य रूप से कक्षा 8 या 9 का विद्यार्थी जितना आईक्यू रखता है उतना अमेरिका में कोई पीएचडी स्कॉलर नहीं रखता, सामान्य रूप से। तो होने वाला क्या है कि एकदम सड़ा हुआ सिस्टम एजुकेशन का उनका भारत में आके छाएगा। और हिंदुस्तानी लोगों की एक बुरी आदत है कि जो कुछ विदेश से आता है वो सब अच्छा है, अमेरिका से आया है, यूरोप से आया है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि गोरे लोग लाए हैं, गोरे लोग पढ़ा रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा। इसी में मारे जाएंगे और वो कुछ नहीं करेंगे, यहां से डॉलर लूट लूट के लेके जाएंगे। तो एजुकेशन में अगर ये विदेशी आते हैं तो शिक्षा का जो हिंदुस्तान में थोड़ा भी स्तर है ये आपको अपनी आंखों के सामने बहते हुए अभी 3-4 साल में दिखाई देगा। वैसे हम हिंदुस्तानी परेशान हैं इस बात को लेके कि हमारी शिक्षा कुछ काम की नहीं है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी है कि हमने डिग्री होल्डर बेरोजगार तो पैदा किए हैं, इनके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नेटवर्किंग भी नहीं, हम एक काम से परेशान है। लेकिन इससे भी ज्यादा खराब स्थिति अगले 2 साल में दिखाई देने वाली है जब ये विदेशी विश्वविद्यालय आते हैं। और ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे, विदेशी वकील आएंगे। अब विदेशी वकील आएंगे, उनको परमिशन है, इसके लिए भारत सरकार ने इंडियन एडवोकेट्स एक्ट को चेंज करने का तय कर लिया और काफी कुछ चेंज कर भी दिया है, सीपीसी चेंज कर दिया है ताकि विदेशी एडवोकेट आके यहां प्रैक्टिसेस कर सके। अब वो आके प्रैक्टिस करेंगे और हिंदुस्तान के कानून का कोई ज्ञान खास उनको है नहीं, लेकिन भारत के लोगों में जो मानसिकता है ना गुलामी की कि विदेशी वकील है इसी को केस देना, हाँ होता है ना हमारे देश में। हम लोग बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल करते रहते हैं। अभी हमने एक केस जीता है केरल हाई कोर्ट में एंडोसल्फान बनाने वाली एक कंपनी के खिलाफ। वो कंपनी अमेरिका और भारत के ज्वाइंट वेंचर में चलती है, गुजरात में उनकी फैक्ट्री है, उनके खिलाफ हमने केस लड़ा। तो उन्होंने विदेश से 3 वकील बुलाए, जिस दिन उन्होंने तय किया उस दिन हम मनी मन में खुश थे कि ये अब हारेंगे। और हमारे पास जो वकील है वो एक ऐसा लड़का है जो अभी LLB पास होकर निकला है और उसको केस चाहिए था। उसने कहा फोगट में दे दो, मैं करने को तैयार हूं लेकिन ये केस मुझे दे दो। मैंने कहा भाई तुम पिटीशन ड्राफ्ट कर लो। उसने कहा नहीं नहीं पिटीशन तो आप ड्राफ्ट करिए, मैं अपीयर होऊंगा कोर्ट पे। तो उसको पहला केस हमने दे दिया। ये बहस बहस वो करना नहीं जानता क्योंकि अभी निकला है, बहस बहस सब हमने किया, नाम के लिए उसका हर जगह इस्तेमाल हमने किया। नतीजा क्या हुआ? वो 3 अमेरिकन वकीलों के सामने हम जीते, कंपनी हार गई। मैंने उनको पूछा कंपनी वालों को कि फीस कितना दिया था, तो एक एक वकील को एक एक अपीयरेंस के लिए $25,000 दिया था और आने जाने का टिकट अलग से $25,000। एक जब डेट पड़ेगी वो आएंगे, माने $75,000 3 वकीलों का खर्च होता था, आने जाने का खर्चा अलग से देते थे, 5-स्टार होटल में वो त्रिवेंद्रम में ठहरते थे उसका खर्चा अलग से देते थे। इतना सब कंपनी ने किया और केस हार गए। और हारे कैसे? वो कुछ भी बहस नहीं कर पाए। हम उनके सामने जो भी तर्क दें
वो किताब खोल के देखना चालू करें, जज परेशान हुआ, उन्होंने कहा ये क्या पागल लोग हैं, उसका टाइम वेस्ट होता था, हम एक बात कहें वो फटाफट खोलना शुरू करें। हमने कहा कि एंडोसल्फान के केमिकल कंटेंट ये हैं और इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं वगैरह वगैरह, इसमें हैवी मेटल ये है। अब वो केमिस्ट्री की बुक ला के उसको खोल खोल के पढ़ रहा, जज कहने लगा तुम पहले से पढ़ के क्यों नहीं आते, तो उसने कहा सॉरी वी आर वेरी सॉरी वी आर अमेरिकन, ऐसा वो तो वो आधा तो ऐसे ही झल्ला गया था जज, इसलिए हमारे फेवर में जजमेंट आया, एक कारण ये भी है, लेकिन मेरिट में हम देख रहे थे कुछ नहीं बात कर पाए। लेकिन फिर भी ये जो कंपनी है उसको ऐसा लगता था कि अमेरिकन वकील बहुत इंटेलिजेंट होंगे, केस जिता देंगे, रिजल्ट ये। तो भारत के सभी वर्ग के लोगों में एक मानसिक गुलामी है कि जो विदेश से आता है वो सब अच्छा है, वकील आए तो अच्छा है, डॉक्टर आए तो अच्छा है, इंजीनियर आए तो अच्छा है, प्रोफेसर आए तो अच्छा है, वहां से कंप्यूटर आए तो अच्छा है, सॉफ्टवेयर आए तो अच्छा है, ये सब कुछ विदेश से आए तो अच्छा है। अभी ये हमारे दीपक भाई बता रहे हैं स्टेट बैंक वालों ने एक ऑस्ट्रेलिया से सॉफ्टवेयर लाया है, यहाँ की बैंकों में लगा दिया है, एक एक दिन पूरा हेल्ड अप हो जाता है, कंप्यूटर काम नहीं करता, बैंक में काम नहीं होता। अब उनको ये सुनाया जा रहा है कि भैया सब बैंकें जब इस सॉफ्टवेयर से जुड़ जाएंगी तो अच्छा काम होगा, गारंटी कुछ नहीं। ऐसे मूर्ख लोग इस देश में हैं। हिंदुस्तान में एक से एक अच्छा सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। हिंदुस्तान का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर आप जानते हैं, पूना के लड़कों ने बना के दिया है सी डेक में, जो हिंदुस्तान के सभी रेलवे स्टेशन पे काम करता है। ये जो रिजर्वेशन वाला सॉफ्टवेयर है ये पूना के लड़कों ने बनाया, सी डेक में पढ़ते हैं, प्रोफेसर लेवल के नहीं है, सिर्फ पढ़ते हैं, उन्होंने बना के दिया इस क्वालिटी का। ये बैंक वाले भी बनवा सकते थे लेकिन इनको लगता ऑस्ट्रेलिया से आएगा तो बहुत अच्छा है, अमेरिका से आए तो और भी अच्छा है, एक एक दो दो दिन बैंक बंद पड़ी रहे वो चलेगा लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं बदलेंगे। और आज दीपक भाई बता रहे थे कि बैंक बंद हो जाने से जो नुकसान है वो सॉफ्टवेयर की कीमत से ज्यादा। तो ऐसे अकल हमारी बंद हो गई है, हर चीज विदेश से आए वही अच्छी है, ये जो मानसिकता है इसका दुष्परिणाम यहां सर्विसेज में दिखाई देगा और वो दुष्परिणाम अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। देखिए विदेशी बैंकें आई हैं, विदेशी बैंकों ने कोई सेवा का काम यहां नहीं किया। सच में सर्विसेज का माने होता है सेवा देना, सेवा देना माने सुनामी भूकंप आया किसी ने कोई सेवा नहीं दी, गुजरात में भूकंप आया किसी विदेशी बैंक ने कोई सेवा नहीं दी, उसके बाद भारत में कितने कितने तकलीफ आए, कारगिल आया युद्ध, कोई भी विदेशी बैंक के किसी अधिकारी ने एक रुपए का चेक नहीं दिया। तो वास्तव में तो सेवा कुछ दिया नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाया है। इन विदेशी बैंकों की क्या स्थिति हो गई है, साधारण से विदेशी बैंकों की मैं बताता हूं। सिटी बैंक ऑफ अमेरिका 12 साल पहले आया, एक ब्रांच उनकी थी, बेंगलोर से शुरू हुई, आज 12 साल में उनकी हिंदुस्तान में 178 ब्रांचे हो गई, और जब आए थे तो डिपॉजिट कुछ नहीं था, आज उनका टोटल डिपॉजिट हिंदुस्तान के पंजाब नेशनल बैंक के बराबर आ गया, स्टेट बैंक से तो नीचे है लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के बराबर। कैसे आया, हिंदुस्तान का वो क्लास जो ये मानता है कि जो भी विदेशी आएगा वो अच्छा है, उसने अपने बैंक अकाउंट शिफ्ट कर दिए सिटी बैंक ऑफ अमेरिका में। और हिंदुस्तान में एक क्लास ऐसा भी है जो ये मानता है कि विदेशी बैंकें अच्छी सर्विसेज देती हैं। अच्छी सर्विसेज का माने क्या होता है, वहां एक लड़की बैठी है रिसेप्शन पे, ऊपर से कपड़े कम है नीचे से भी कपड़े कम है, वो मुस्करा रही है, तो अच्छी सर्विसेज, ये डेफिनेशन है हमारे देश में अच्छी सर्विसेज का, ऊपर भी कपड़े कम नीचे भी कपड़े कम, काउंटर पे बैठी है मुस्करा रही है, मुस्करा के आपका भले ही वो नकली मुस्कराहट है अंदर से कुछ भी नहीं है लेकिन सर्विसेज बहुत अच्छी दे रही है, जोरदार है। एक वर्ग तो है ही हिंदुस्तान का जो थोड़ी लंपटता में फंसा हुआ है, पैसा उसके पास आ गया, चलो भैया सिटी बैंक में खाता खोलो, कम से कम उसका दर्शन तो होता रहेगा, बैंक में जाएंगे कुछ नहीं करेंगे तो आते जाते उसका दर्शन करते रहे। फिर दूसरी सर्विसेज का मतलब, वो फोन पे आपको बोल रहे हैं, आपका हालचाल पूछ रहे हैं, आप इसी में गदगद हैं, देखो हालचाल तो पूछ रहे हैं कम से कम, ये हिंदुस्तानी बैंक वाले तो इतने निकम्मे हैं कभी पूछते ही नहीं है कि हम बीमार हैं कि सर्दी हो गई कि जुकाम हो गया, वो हालचाल पूछ रहे हैं। और सर्विसेज का मतलब, एक विदेशी बैंक ने आजकल धंधा शुरू किया है, आप अगर उनके कस्टमर हैं तो आपका टेलीफोन बिल वो जमा करा देंगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वो जमा करा देंगे, आपके बच्चों के एडमिशन करवाने हो और उनकी फीस भरनी हो तो वो करवा देंगे, आपको सब्जी बाजार से सब्जी मंगवानी हो तो वो मंगवा दे देंगे, उसके लिए थोड़ा सर्विस दे दीजिए, चार्ज दे दीजिए। तो हम कह रहे हैं बहुत अच्छी सर्विसेज है, माने हम कुछ ना करें हमारे छोटे छोटे काम वो करना शुरू कर दे, भले उसके लिए जेब काटते रहे,
हमारे अकाउंट काटते रहे, हम बोलते हैं जी सर्विसेज बहुत अच्छी होगी। सर्विसेज की ये डेफिनेशन है, ये इसके गंभीर डेफिनेशन में कभी हम जाते नहीं कि कल को वो सब धंधा चौपट करके हिंदुस्तान से लूट के ले जाए आपका जमा धन तो क्या करेंगे। सिटी बैंक ऑफ अमेरिका ने एक बहुत बड़ा स्कैम इस देश में किया है, हर्षद मेहता घोटाला, सिटी बैंक घोटाला था, नाम हर्षद मेहता घोटाला। उसने क्या किया कि हिंदुस्तान के लोगों के खून पसीने की कमाई का पैसा जो सिटी बैंक में जमा था वो हर्षद मेहता के थ्रू शेयर बाजार में लगवा दिया और बाजार डूब गया। डूब नहीं था क्योंकि विदेशी कंपनियों का नियम है, बाजार को एक लिमिट तक चढ़ाते हैं फिर गिराते हैं, लूट के ले जाते हैं, तो डूबो दिया, पैसा डूब गया। सरकार ने इंक्वायरी कराई, इंक्वायरी में समझ में आया कि सिटी बैंक ने सारा किया है। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे यही मनमोहन सिंह, इनको पूछा गया कि इंक्वायरी में जब आपको पता चला है कि सिटी बैंक ने ये किया आप क्या एक्शन लेंगे, तो उनका एक्शन तो लेना चाहिए लेकिन हम लेंगे नहीं, क्यों कि इससे गलत मैसेज जाएगा, माने सिटी बैंक ने फ्रॉड किया, उस फ्रॉड के खिलाफ भारत सरकार को एक्शन लेना पड़े तो इससे गलत मैसेज जाएगा। तो सही मैसेज क्या होता है, वो फ्रॉड करते रहे और आप उनको परमिशन देते रहो। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फ्रॉड जिस विदेशी बैंक ने कर दिया वो सिटी बैंक, हजारों करोड़ रुपए लोगों का डूब गया वो सिटी बैंक के कारण, सरकार आज तक उसके खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नहीं। और इसी देश की बैंक ने अमरीका में छोटा सा एक गलती कर दिया था तो उनको इतना तड़ी मारा है, इतना जबरदस्त उनसे कंपेंसेशन ले लिया, हाथ पैर हिल गए सबके, सरकार उस पर भी बोलने को तैयार। तो ये विदेशियों के हाथ में सब कुछ देते चले जाना अपनी बैंकों को, अपनी बीमा कंपनियों को। और मुझे सबसे बड़ा दुख ये होता है कि भारत में ये जो विदेशी बैंकें हैं, मैंने लगभग 3-4 महीने पहले एक इसका वो बनाया था पूरा, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड जो भारत में बिल्कुल तैयार बैठी है घुसने के लिए, ऐसी ऐसी बैंकों का प्रोजेक्शंस क्या है। तो वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया में हाईएस्ट सेविंग वाला है। उनके प्रोजेक्शंस क्या है भारत के, वो कहते हैं कि यहां सेविंग्स बहुत है, और हिंदुस्तान की सरकार भी कहती है कि हमारा जो जीडीपी है लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास है, उसका 25-26% हमारे नेशनल सेविंग्स है। माने हर साल हम हिंदुस्तान के लोग 5-6 लाख करोड़ रुपए की बचत करते हैं हमारे जीडीपी के हिसाब से, ये बचत पर उनकी नजर है। वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी लोग ये बचत कहीं तो रखेंगे, तो कहीं रखने में सबसे बड़ा है बैंक, बाद में आती है बीमा कंपनियां, बाद में आती है और दूसरी सर्विसेज। तो वो कहते हैं कि पूरा पैकेज लेके हिंदुस्तान में घुसो, बैंक भी लेके आओ, बीमा कंपनियां भी लेके आओ, दूसरी संस्थाएं भी लेके आओ, ताकि हिंदुस्तानी लोगों के पास ये जो बचत की पूंजी है ये भारत की हमारे हाथों में आए और उस पर उनको भरपूर प्रॉफिट। भरपूर प्रॉफिट कैसा, वो आपकी ही बचत आपके ही देश में इन्वेस्ट कराते जाएं और उस पर से जो मुनाफा निकालते जाएं वो भी बहुत है। और मैं तो कई बार ये हिसाब देखता हूं कि वो कुछ ना करें, भारत में आके अपने ऑफिस ही खोलें और वहां से पैसा लाके यहां रखना शुरू कर दें, तो यहां जो सेविंग्स के रेट हैं वो उनसे 4 गुने ज्यादा है। 1.5-2% के जो सेविंग्स रेट है सामान्य रूप से, वो यहां 5-5.5-6% है। तो वहां से पैसा लाना, भारत में रखना, तो इसी में कमाई है, घाटा क्या है आप बताओ। वहां 1.5% देना है, 2% देना है, यहां 5-5.5% मिल रहा है, 3% का फायदा, तो बहुत बड़ा फायदा होता है बैंकिंग सेक्टर, हजारों करोड़ में होता है वो। तो हमारी ही सेविंग से मुनाफा कमा के लूट के ले जाएं, और हमने जो उनको दे रखा है जमा रखने के लिए वो जरूरत पड़ने पर हमारे देश के काम ना आए। अभी सुनामी में जरूरत थी मना कर दिया उन्होंने, गुजरात भूकंप में जरूरत थी मना कर दिया उन्होंने, कारगिल युद्ध में जरूरत थी मना कर दिया। तो ऐसे ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का फायदा क्या, जो देश को 1% भी मदद नहीं करे कहीं भी। अब इसमें सबसे बड़ा जो कुतर्क चल रहा है हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों के और सर्विसेज के फेवर में, कि भारत की बैंकिंग सेक्टर या भारत की इंश्योरेंस कंपनियां सर्विसेज नहीं देती है, ये एक हवा चली है और ये हवा बहुत तेजी से चली है। इस हवा में अच्छे अच्छे लोग प्रभावित हैं,
अच्छे अच्छे से, मतलब हमारे साथ रात दिन काम करने वाले कार्यकर्ता भी इस हवा में प्रभावित है। विदेशी बैंकें बहुत सर्विसेज देती हैं, ये कभी ध्यान नहीं देते कि सर्विसेज क्या देती हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि सुनामी भूकंप में जितने लोग मरे, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको बैंकों में नौकरी दे दो, इनके परिवार के जिंदा बचे हुए लोग। कोई विदेशी बैंक देने को तैयार नहीं, भारत की बैंकें दे रही हैं। और कई बैंकों में मैं जाके आया अंडमान में, लायकियत नहीं है, उनका बेटा या बेटी 18-20 साल के हैं लेकिन 9वीं पास भी नहीं है, 10वीं पास भी नहीं है, फिर भी बैंकों ने रख लिया। चलो चपरासी का काम तो करेगा लेकिन चपरासी की भी पगार महीने की 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए जिंदगी भर के लिए फिक्स हो गया। उनकी ट्रेनिंग करा रहे, नौकरी दे दी उनको, जो एक भी विदेशी बैंक देने को तैयार। तो हम कहते हैं उनकी सर्विसेज अच्छी है। क्या सर्विसेज अच्छी है? बस यही ना कि वो एक लड़की बैठी है उनके रिसेप्शन पे कम कपड़े पहने हुए जो मुस्कराती रहती है, ये सर्विसेज थोड़ी होती है। सर्विसेज ये होती है कि जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तान के हजारों लोगों को नौकरी दे दिया उन्होंने। इंश्योरेंस वाले एडजस्ट कर रहे हैं, बैंकिंग वाले एडजस्ट कर रहे हैं। और मैं वहां स्टेट बैंक वालों से मिला था मद्रास में, मैंने पूछा आप ये जो गांव गोद ले लिया है इसमें कहां से खर्चा ला रहे हैं? उन्होंने कहा हमने सबसे सैलरी का एक एक महीने का इकट्ठा करके, उनकी भावना देखो कि हमारे भाई हैं तो अपने अपने सैलरी के पैसे इकट्ठा करके घर बना के दे रहे हैं, नौकरी उनको दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, टाइपिंग सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं। और उनमें से कई को तो ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि साबुन बना लो, मंजन बना लो, लोन दे देंगे, लोन से इंडस्ट्री चला लो। एक भी विदेशी बैंक ये सर्विस नहीं दे रही है वहां पे सुनामी प्रभावित एरिया, और ना इस तरह की सर्विस गुजरात में दिया था इन्होंने जब भूकंप आया था, उसका तो मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं दोनों जगह का, सुनामी का भी और गुजरात। हमने 4 महीने वहां काम किया था, गुजरात के बहुत सारे इलाकों में जो गांव तबाह हो गए थे वहां पर बहुत अच्छी क्वालिटी के खादी के कपड़े बनते थे। इन लोगों ने दोबारा अपनी काम शुरू करने के लिए भारत की बैंकों से लोन मांगा, फटाक से मिला, विदेशी बैंकों के सामने और भारत की प्राइवेट बैंकों के सामने प्रपोजल रखा, सब रिजेक्ट किया उन्होंने, एक भी प्रपोजल स्वीकार नहीं किया उन्होंने। क्यों? वायबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, डूब जाएगा हमारा पैसा। तो ठीक है सेवा में जाएगा, नहीं साहब हम सेवा नहीं देते हैं, हम प्रॉफिट पे काम करते हैं। तो जो रियल सर्विसेज होती है वो ये होती है, लेकिन हमको ये दिखाई नहीं देती है क्योंकि हमारे सोचने का तरीका, देखने का तरीका बहुत शैलो हो गया है। थोड़ा अंदर घुस के नहीं देखते हैं कि सर्विसेज वास्तव में होती क्या है। हिंदुस्तान में सर्विसेज देने का काम रियलिटी में अगर किसी ने किया है थोड़ा बहुत, तो भारत की पब्लिक सेक्टर बैंकों ने, बीमा कंपनियों ने या हमारी संस्थाओं ने किया है। ना कोई विदेशी बैंक ने, ना कोई विदेशी बीमा कंपनी ने, ना विदेशी किसी संस्था ने थोड़ी भी सर्विस दी हो, ऐसा एक भी उदाहरण पूरे देश में नहीं। कितने ऐसे मैंने देखा है पानी के प्याऊ हैं जो बैंकों द्वारा चलाए जा रहे हैं, कितने ही स्थानों पर। रेलवे स्टेशन पे मैंने देखा बैठने के लिए बेंचें बनाई हुई हैं बैंकों ने। कितने ही ऐसे हवाई अड्डे मैंने देखे हैं जहां पर जो जाने वाला यात्री है उसको छोड़ने के लिए आने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्था कराई हुई है, जो एयरपोर्ट वाले भी नहीं कराते हैं। कितने ही ऐसे गांव मैंने देखे हैं जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों ने बस अड्डा बनवा दिया है, बस अड्डे के बाहर प्याऊ लगवा दिया है, वहां बैठने की व्यवस्था की हुई है। कितनी ही जगहों पर मैंने देखा है LIC वालों ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वालों ने स्कूल के स्कूल गोद ले रखे हैं, जहां हर साल वो फंड्स भिजवाते हैं, उनको ड्रेस बनवाते हैं उनके स्कूल के। यहां आप भिलाई में देखो, आसपास में देखो, मैं कल पता नहीं किस गांव में गया था, जेवरा गांव में, मैंने पूछा ये स्कूल किसने बनाया, तो भिलाई स्टील प्लांट ने बनाया। भिलाई स्टील प्लांट स्कूल बना सकता है, लेकिन इस छत्तीसगढ़ में एक स्कूल ऐसा दिखा दो जो किसी विदेशी बैंक ने बनाया हो, या विदेशी बीमा कंपनी ने बनाया हो, या कोई ऐसी कंपनी ने बनाया हो जो भिलाई में 20 साल से धंधा कर रही है, कॉलगेट, पामोले, प्रॉक्टर एंड गैम्बुल, रैकेट एंड कोलमैन, हिंदुस्तान लीवर वगैरह वगैरह, या लाफार्स जो सीमेंट बेचने आई है, इसने कहीं कोई स्कूल बनाया हो। सर्विसेस तो ये होती है समाज की जरूरत के लिए, जो कुछ चाहिए वो उपलब्ध कराना, वो सर्विसेज है। और उससे भी ज्यादा समाज को जब बहुत अधिक जरूरत की आवश्यकता हो, कोई प्राकृतिक विपत्ति आ गई हो, उस समय लोगों के साथ खड़े हो जाना, उससे बड़ी सर्विस कोई नहीं होती।
उससे बड़ी कोई सर्विस नहीं, क्योंकि उस समय जब चारों तरफ उनको घटाटोप दिखाई देता है, उसमें जब आप सहारा बन के खड़े होते हैं बीमा के रूप में या बैंकिंग के रूप में या किसी और रूप में, वो शायद सबसे बड़ी सर्विस होती है। ये सर्विसेज की डेफिनेशन हमने घुमा दिया। हम देखते हैं उनकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मार्बल अच्छा लगा है, टेलीफोन रोज कर लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं, अब तो बिजली का बिल भरने को तैयार हैं, आपके घर के बच्चे की पोतड़ी धोने को भी थोड़े दिन में तैयार हो जाएंगे, आप धुलवा लो उनसे, आपका उनको एक अकाउंट चाहिए अपने यहां। और आप मुझे एक बात बताओ, कोई विदेशी बैंक है जो 50 रुपए में बैंक अकाउंट खोल दे आपका? मैंने मेरे विद्यार्थी जीवन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50 रुपए में मेरा अकाउंट खोला था, और वो अकाउंट बहुत दिन तक इनऑपरेटिव रहा। हर साल बैंक की तरफ से एक चिट्ठी आती थी और मुझे याद दिलाते थे, फिर एक दिन मैंने कहा बंद कर दो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो भी उन्होंने कहा कि आप हमारे कस्टमर रहे इतने साल तक। मैंने हिंदुस्तान में कोई विदेशी बैंक में पता किया कि भैया 50 रुपए में अकाउंट खुल सकता है क्या? उन्होंने कहा किस जमाने की बात कर रहे हैं आप। एक दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंतिम से अंतिम गांव में जाकर अगर कोई विदेशी बैंक शाखा लगाने को तैयार हो तो मुझे बताओ, हिंदुस्तान में एक भी विदेशी बैंक, मान लो सिटी बैंक ऑफ अमेरिका, एएनजे, ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, भारत के गरीब से गरीब गांव, अंतिम गांव जिनको कहा जाता है, वहां शाखा लगाने को तैयार है क्या? वो कहते हैं जी काय को लगाएं, ये तो घाटे वाली चीज है। और हिंदुस्तान की नेशनलाइज बैंकें सभी ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव में शाखाएं चला रही हैं जहां पर स्टाफ की सैलरी पर होने वाला खर्चा वहां जमा होने वाली रकम से कई गुना ज्यादा है, फिर भी वो चल रहा है, क्योंकि सर्विस देनी है। मेरे अपने गांव की मैं बता सकता हूं, मेरे गांव में बिजली नहीं है लेकिन स्टेट बैंक की शाखा है। मेरे गांव बिजली नहीं है, सड़क भी नहीं है, पैदल जाना पड़ता है, 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं बस से उतर के, तब मेरे गांव में पहुंचने का नंबर आता है। तो मेरे गांव में स्टेट बैंक की शाखा है, वहां पे जितने कर्मचारी काम करते हैं, मैंने उनसे पूछा आपकी तनख्वाह कितनी है, तो महीने की तनख्वाह के बराबर डिपॉजिट नहीं आता, फिर भी वो वहां बैठे हैं बेचारे, पंखा नहीं रहता है, बिजली नहीं रहती है, काम करते हैं, पसीना पसीना होते रहते हैं। गांव वालों की थोड़ी मदद हो जाती है उसमें, क्योंकि चोरी वोरी बहुत होती थी तो पैसा जमा करने लगे तो चोरी कम। तो ऐसे दूर दराज में जाके छोटी छोटी शाखाएं खोलना, जिनसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला ऐसी शाखाएं खोलना, उन गांव में कभी स्कूल खोलने में मदद करना, प्याऊ बनवाना, बैठने के लिए बेंच में लगवाना, जगह जगह बस स्टैंड के लिए छत डलवाना, ऐसे ऐसे सब काम तो भारत की बैंकें, भारत की बीमा कंपनियां कर रही हैं। ये है सर्विसेज। लेकिन प्रचार क्या हो रहा है कि विदेशी बैंकें सर्विसेज बहुत देती हैं, कुछ सर्विस नहीं देती, लिप सर्विस देती है बस, रियल सर्विस कुछ नहीं है, लिप सर्विस है। आपको गुड मॉर्निंग करेंगे, हेलो करेंगे, सवेरे करेंगे, शाम को करेंगे, बस इतना ही है। आप बीमार हो गए, हालांकि दवा नहीं दिलवाएंगे, लेकिन आपसे सहानुभूति ऐसी जताएंगे जैसे आपके सबसे बड़े खैर ख्वाब वही है, हाँ हमको तो बड़ा दुख है, आपको माइग्रेन हो गया है, आपको ऐसा हो गया है, तो कहो ना भैया इलाज करा दो, वो आप करा लो, बस हम आपको लिप सर्विस दे सकते हैं, हाँ बहुत अच्छा है साहब, ऐसे हैं। वो सर्विसेज में कभी विश्वास नहीं करते हैं, वो सिर्फ धंधा करने आते हैं, धंधा करने के लिए घुसे हैं, धंधा ही करेंगे और मुनाफा कमा के लेके जाएंगे। वो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देता है कि हमारे खून पसीने की कमाई हम उनके यहां जमा करें, वो हमारे ही काम ना आए। हिंदुस्तान की सभी बैंकें, सभी बीमा कंपनियां सरकार को हर साल नेट प्रॉफिट देती हैं, आप जानते हैं, वही नेट प्रॉफिट पंचवर्षीय योजना के काम आता है, वही उसी से सारी हमारे देश की योजनाएं बनती हैं विकास की। पता नहीं कितनी बैंकों के, कितनी बीमा कंपनियों के दिए गए प्रॉफिट के पैसे से हिंदुस्तान में कितनी सड़कें बनी। ये जो बिजली घर चल रहे हैं ना हिंदुस्तान में, पावर हाउसेस, सबसे ज्यादा पैसा इनमें LIC GIC का लगा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। इसी तरह से हिंदुस्तान में ये जो कम खर्चे के घर बनाने की योजनाएं जो भारत सरकार ने बनाई है ना, जिसमें आज तक शायद 10 या 12 लाख घर बन चुके हैं अलग अलग स्थानों, ये सब LIC, GIC और बैंकों के पैसे का है, कोई विदेशी बैंक ने मदद नहीं की है इसमें। तो रियल सर्विसेज तो हमारे ही लोग देंगे, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, उनको हमारा दुख दर्द भी समझता है। अब उसमें क्या होता है, हम छोटी बातों में ज्यादा फंसते हैं। छोटी बात कैसी,
हम कहते हैं जी स्टेट बैंक वाले जाते हैं तो हमको नमस्ते नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, हमारा मुस्करा के स्वागत नहीं करते वगैरह वगैरह। वो कहते हैं बड़े मैकेनाइज तरीके के काम करते हैं, ठीक है। अब ये छोटी बात में हम फंसे हैं, इससे बड़े काम जो वो कर रहे हैं वो हम छोड़ देते हैं सर। कभी हमने पूछने की कोशिश की है कि ये स्टेट बैंक वाले क्यों नहीं मुस्करा पाते? इसलिए नहीं मुस्करा पाते कि उनके ऊपर काम का बोझा इतना है कि वो चाहे भी तो नहीं मुस्करा सकते। मैंने एक बार स्टेट बैंक के, मेरे एक दोस्त हैं इनके स्टेट बैंक के, वो पता नहीं क्या बहुत बड़े पद पर हैं, जीएम है पता नहीं क्या है, बंबई में कभी कभी मैं उनके घर जाता हूं। एक बार मैंने उनसे पूछा कि स्टेट बैंक में जितनी वैकेंसीज हैं वो सभी पूरी हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं राजीव भाई पूरी नहीं है। फिर मैंने कहा ये काम कैसे चल रहा है? उन्होंने कहा ऐसे चल रहा है कि एक आदमी से तीन आदमी का काम ले रहे हैं। मैंने कहा फिर तो वो मुस्कराने से रहा, आपने गधा बना दिया, उसको बैल बना दिया, वो है कैसे मुस्कराएगा? एक आदमी को सैलरी दो और तीन आदमी का काम निकालो तो तेल निकाल रहे हो आप तो उसका। तो उनका हम क्या करें, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में यही सब करना पड़ता है। माने ग्लोबलाइजेशन ने इतनी मार मारी है इन कर्मचारियों को कि ये बेचारे तीन आदमी का काम एक आदमी कर रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा कंप्यूटर आ गया आपके यहां तो बहुत लाभ हो गया सुविधा? उन्होंने कहा कुछ सुविधा नहीं हुई है, कोई सुविधा नहीं हुई है, बहुत सारे टेंशन और बढ़ गए हैं, वायरस घुस जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी फेल हो जाता है, कभी नेटवर्क फेल हो जाता है। एक जगह तो उन्होंने मुझे यहां तक मान लिया कि हम पहले मैनुअल रजिस्टर बनाते थे, वो अच्छा था, समय भी कम लगता था, काम भी आसानी से होता था और पक्का होता था, और उसमें ट्रेनिंग होती थी, रियल ट्रेनिंग तो वही होती है ना अकाउंट बनाने की, तो वो रियल ट्रेनिंग लेके आदमी जब जाता था तो उसको ज्ञान पहले से ज्यादा होता था और वो चाहे तो दूसरों को बांट सकता था। लेकिन अब जो कंप्यूटराइजेशन हुआ है, ज्ञान जो है ना विशेषज्ञता का हो गया है, उसकी ट्रेनिंग बंद हो गई। तो हम कई बार शिकायत करते हैं जी बैंक वाले रूड व्यवहार करते हैं। रूड व्यवहार करते हैं इसलिए कि उनके साथ वहां जो व्यवहार हो रहा है वो बहुत खराब, और इतना खराब हो गया है बैंकों के अंदर का माहौल। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनसे कहता हूं तुम लोग प्रमोशन पे क्यों नहीं जाते हो? कहते हैं प्रमोशन पे जाना और बड़ा तकलीफ का काम, इसलिए कहते हैं प्रमोशन नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में अकेला सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर जहां के कर्मचारी प्रमोशन से दूर भागते हैं, हमें नहीं चाहिए, तुम रखो तुम्हारे पास। कारण क्या है? तकलीफ और बढ़ती है उनको, परेशानियां और बढ़ रही, तो उनकी जो तकलीफें हैं वो हमें समझ में नहीं आती। हम क्या मानते हैं कि वो मुस्कराते नहीं है, हमको ठीक से अटेंड नहीं करते हैं, झल्लाते बहुत हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है, उसके कारण बहुत हैं। उनमें सबसे बड़ा कारण है बैंकिंग सेक्टर में काम करने का माहौल दिन ब दिन खराब हुआ है, और माहौल खराब होने का सबसे बड़ा कारण है पोस्टें खाली पड़ी हैं, काम बहुत है, करने वाले लगातार कम हो रहे हैं, नई भर्तियां बिल्कुल बंद है, करीब करीब बंद है, और लोड कितना बढ़ गया है, पहले जो नंबर ऑफ अकाउंट्स होते थे उससे कई गुने ज्यादा हो गए। जनसंख्या का जैसा ग्रोथ है वैसे ही अकाउंट खुलने का ग्रोथ बढ़ रहा है। अब उनको अकाउंट तो खुलवा लिया किसी ने 50 रुपए में, किसी ने 100 रुपए में, अब उसको सहेज के रखना उसी में सिर दर्द है उनका। ज्यादातर भारत की बैंकों के छोटे छोटे अकाउंट जो है ना वो काम के नहीं है, लेकिन देश को सर्विस देनी है इसलिए खोल रखे हैं, क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि वो ज्यादा मुस्करा नहीं सके या ज्यादा तकलीफ में हमारा साथ न दे सके, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो जितना काम कर रहे हैं जितनी कम सैलरी पर, वो काम दुनिया में कोई बैंकिंग सिस्टम में करने को तैयार नहीं होता। सिटी बैंक ऑफ अमेरिका में या आईसीआईसी बैंक में मैंने देखा है जिस पोस्ट पर हिंदुस्तानी बैंकों में लोग काम करते हैं ना उससे तीन गुनी सैलरी पर वहां काम हो रहा है सेम, और यंग एज के लड़के लड़कियों को इतनी ज्यादा सैलरी देकर वो काम पर ले रहे हैं और वहां 12 घंटे रगड़ते हैं, 14 घंटे रगड़ते हैं। अब इनको सैलरी भी कम है और रगड़ाई इनकी उतनी ही हो रही है। धीरे धीरे भारत की बैंकों में भी काम के घंटे बढ़ते चले जा रहे हैं, सवेरे 9-10 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक तो सामान्य रूप से। मैंने कई गांव में देखा है अब भारत की बैंकें शाम को भी काम कर रही हैं क्योंकि उन्हें कंपटीशन में दौड़ना है विदेशी बैंकों के साथ, तो लोड और बढ़ रहा है उनके ऊपर। तो उनके अंदर की जो तकलीफें परेशानियां ग्लोबलाइजेशन से पैदा हुई हैं पिछले 8-10 वर्षों में, उसका कोई समाधान हुआ नहीं है।
उनका उनका भी शरीर है, मशीन तो नहीं है, मानव है। मानव की एक लिमिट होती है काम करने की, मैक्सिमम लिमिट होती है। आप उससे ज्यादा उससे काम कराओ तो टूटने वाला है, अंदर से बिखरने वाला है। तो ज्यादातर बैंक अधिकारी आपको चिड़चिड़े मिलेंगे, बैंक के क्लर्क तो और भी ज्यादा चिड़चिड़े। ऐसे कंडीशन में भी अगर मुस्कराते हुए वो मिले तो आप समझना धन्य भाग आपके, इतने खराब माहौल में जहां वो काम कर रहे हैं। और सरकार का ऊपर से तलवार लटका हुआ है उनके ऊपर, ग्लोबलाइजेशन का माने रिट्रेंचमेंट करो, भर्ती कम करो, पोस्ट कम करो, ये कम करो, ये कम करो, ये कम, और वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दो, जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दो, ये सब धंधा चलता रहा है हमारे देश में। और जितने लोगों को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिया है वहां कोई नई भर्ती हो नहीं रही है, पहले से भी भर्तियां बंद है। तो ये कंडीशंस हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि हमारी बैंकों में कहीं कोई कमी है तो वो ठीक की जा सकती है। उसका मतलब ये नहीं है कि विदेशी बैंकों के लिए सब खोल दें हम तो उससे ठीक होने वाला है। ये तो कुछ ऐसी बात हुई कि हमारे घर का लड़का बिगड़ा हुआ है तो पड़ोसी के लड़के को गोद ले लो वो सुधार देगा, ऐसा नहीं होने वाला। अपने यहां कहीं सिस्टम में कोई खामी है, खरामी है, उसको ठीक करें हम। तो सर्विसेज के सेक्टर में अगर विदेशी आते हैं बहुत तकलीफ की स्थिति है, हमारी सेविंग्स उनके हाथ में जाती है, वो फ्रॉड करते हैं, लूटमार करते हैं, उसको पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जानते हैं पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फ्रॉड हुए हैं, सबसे ज्यादा। और किसी भी इकोनॉमिक फ्रॉड में आज तक कोई सजा नहीं हुई है, चाहे वो हर्षद मेहता हो, चाहे हितेन दलाल हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो, किसी को सजा नहीं हुई। हर्षद मेहता अपनी मौत मर गया वो अलग बात है, हार्ट अटैक से, सजा कुछ भी नहीं। भारत के आर्थिक कानून इतने रद्दी हैं कि कोई सजा होने की व्यवस्था नहीं। और ऊपर के टॉप लीडर्स घोटाले करते हैं, गलतियां करते हैं, भुगतान बेचारा नीचे वाला कर। यूटीआई का सारा घोटाला नेताओं का किया धरा था, मारे गए साधारण लोग, और उन नेताओं को कोई सजा नहीं है जिन्होंने यूटीआई घोटाला किया। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मामला सब नेताओं द्वारा खड़ा किया हुआ है। बैंकों से कर्ज दिलवा दिया अपने अपने प्रभाव के लोगों को, अपनी अपनी पार्टी के लोगों को, अब वो कर्ज वापस नहीं दे और बैंक वाले उनसे अधिकार मांगे रेट मारने का, तो अधिकार देने में 10 साल लगा दिया, 10-12 साल। अभी जाके कानून बनाया कि आप रेड कर सकते हैं, संपत्ति जब्त कर सकते हैं। ये पहले ही होना चाहिए था, 91 में होना चाहिए था। तो ये एनपीए इतना बढ़ता नहीं नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो हम हमारे देश की परिस्थिति को ध्यान में रखकर समस्याओं का विश्लेषण करें, समाधान उसमें से निकालें, ना कि विदेशों को हम ध्यान में रखकर अपनी समस्याओं का विश्लेषण करें और समाधान। हिंदुस्तान के बैंकिंग और बीमा सेक्टर को खत्म कर देंगे अगर ये विदेशी बैंकों को सारी खुली छूट मिल गई तो। अभी बहुत तकलीफ की स्थिति है, WTO की कंडीशन को सरकार ने लागू करते हुए विदेशी बैंकों को खुली छूट दे दिया है कि भारत की किसी भी बैंक को आप टेक ओवर कर सकते हो, किसी भी बैंकों को टेक ओवर। अब उनके पास पैसे की ताकत है, वो एक एक करके आपकी बैंकों को टेक ओवर करना शुरू कर दें, धीरे धीरे सब खत्म हो जाए। ये बहुत तकलीफ की स्थिति है, WTO की एक एक कंडीशन खराब 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 दिशा में जा रहे। तो अब प्रश्न क्या है कि क्या करें हम सब लोग? तो मुझे ऐसा लगता है कि WTO के सर्विस सेक्टर पर जिन लोगों के ऊपर मार पड़ने वाली है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे पहले ये दो जगह मार होने वाले। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में ये जो वकालत का काम है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम है, एजुकेशन का काम है, इस पे मार आने वाली है 2-3 साल के अंदर। तो इन सब लोगों को हम क्यों नहीं इकट्ठा करें, क्योंकि वो एक ही जगह पीड़ित हो रहे हैं सबके सब। बैंकिंग और इंश्योरेंस वाले भी WTO से परेशान है, एजुकेशन वाले भी होंगे, फिर ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले बहुत परेशान होना शुरू हो गया है। विदेशी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म आ गई है, उन्होंने धंधे शुरू कर दिए हैं। परिणाम ये हो रहा है कि कल तक जो हमारे देश के इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे वो अब विदेशी फर्मों के गुलाम हो गए हैं, जी हजूरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं उनके, और उनकी मदद से सारा बिजनेस उन्होंने खींच लिया। जैसे हिंदुस्तान में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 साल से काम कर रहा है, उसका अपना क्लाइंटेल है, विदेशी कंपनी ने उसको ले लिया पगार पे और उसके सारे के सारे क्लाइंट उनके पास आ गए। ऐसे ही वकालत में होने वाला है, ऐसे ही मेडिसिन में, और ऐसे ही जो हॉस्पिटलाइजेशन में, फिर होटल में, वगैरह वगैरह।
तो इन सभी सेक्टर के लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है और उनको ये बताया जा सकता है कि WTO की इन कंडीशंस के खिलाफ सरकार के ऊपर दबाव बनाए। अभी क्या होता है, अभी सर्विस सेक्टर वाले अपनी लड़ाई लड़ते तो हैं, जनता साथ में नहीं आती उनके, बैंक वाले स्ट्राइक करते हैं, लोग साथ में नहीं आते, लोग गाली और देते हैं क्योंकि लोगों को मालूम नहीं वो क्यों कर रहे हैं स्ट्राइक। और मुश्किल क्या हो रही है, बैंक वाले भी उनको समझाने कभी नहीं जाते कि हम क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो गलती हो रही है इस देश में वो WTO के खिलाफ, वर्ल्ड बैंक, IMF की नीतियों के खिलाफ स्ट्राइक करते हैं। आम आदमी भी उससे प्रभावित है लेकिन वो जाते नहीं बताने के लिए कि हम इस कारण से कर रहे हैं, और अखबार वाले कभी पूरी बात छापते नहीं क्योंकि अखबार वालों को जितना स्पेस है उतने में ही छापते, तो कम्युनिकेशन गैप है। जनता को अगर ये बता के कि भैया हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें हमको तकलीफ है, तुमको हमसे भी ज्यादा तकलीफ, इन कारणों से कर रहे हैं, WTO की ये शर्तें हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक का ये प्रेशर है, प्राइवेटाइजेशन इस तरह से हो रहा है, उसके क्या दुष्परिणाम है, ये सब बता के करें तो जनता भी साथ में आए, और जनता साथ में आए तो सरकार बौखलाए। अकेले आप अगर ये कोशिश करें कि हम बैंकिंग वाले हैं अकेले लड़ लेंगे, संभव नहीं। बीमा वाले भी अकेले नहीं लड़ सकते क्योंकि उनकी जो ट्रेड यूनियंस है ना, उनकी ताकत बहुत कम हो गई। ट्रेड यूनियंस ने पिछले 50 साल में इतने समझौते किए हैं सरकारों से कि उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है। इसलिए जनता को साथ में लेकर अगर करेंगे तो शायद इसमें से रास्ते निकले, क्योंकि सरकार को अभी डर है तो एक ही चीज का, जनता का, कि वोट बैंक गया, जनता माने वोट बैंक, वोट परसेंटेज कम हुआ अगर हम ये करें ये करें ये करें, ये सारे इश्यूज जनता के साथ लेके और दूसरे संगठनों को मिलाकर एक साथ पूरे देश में किया जाए। जैसे ये वैट में हुआ ना, जनता भी साथ में है, व्यापारी भी साथ में है, उद्योगपति भी साथ, देखो परिणाम है पूरे देश में, 12 राज्य नहीं लागू कर रहे। ऐसे ही WTO का बैंकिंग और बीमा पे जो असर है, एजुकेशन पे जो असर है, दूसरे क्षेत्रों में जो असर, वो सब एक साथ मिलकर जनता के साथ अगर सामने आए सरकार के खिलाफ, तो उम्मीद है कि इसमें से अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। अकेले अकेले अगर हम करें नहीं निकलेगा। अब इसमें हो क्या सकता है कि भारत के बारे में, भारत की बैंकों के बारे में, बीमा कंपनियों के बारे में, भारत के पब्लिक सेक्टर के बारे में एक ऐसा पत्रक, CD मटेरियल तैयार किया जाए जो सरल भाषा में हो, आम सामने वाले को समझा सके। क्योंकि अक्सर ये जो आपने अभी देखा, आपने कहा हमको मालूम ही नहीं है, आपको बहुत सारी मालतें मालूम है नहीं है कि पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है पिछले 50 साल में इस देश, आपको नहीं मालूम, और सरकार ने हमें कभी बताया नहीं। सरकार बस एक ही बात बता रही है, पब्लिक सेक्टर सफेद हाथी हो गए हैं, ये पैसे को खा ज्यादा रहे हैं, निकाल कम रहे हैं। इस पब्लिक सेक्टर ने 50 साल में देश को खड़ा किया है, जब प्राइवेट सेक्टर एक भी काम करने को तैयार नहीं था, तब पब्लिक सेक्टर के पैसे से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है जिसको आज लूटने के लिए विदेशी आने को तैयार है। और एक एक सेक्टर पर अगर एक छोटी छोटी बुक बनाई जाए ना, BHEL ने क्या किया, NTPC ने क्या किया, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पंजाब नेशनल बैंक लाला लाजपत राय ने शुरू किया था इंपीरियल बैंक को टक्कर देने के लिए। इंपीरियल बैंक होता था अंग्रेजों का, तो सब भारतवासी अपने बैंक अकाउंट उसमें जमा करते थे, तो लाला लाजपत राय ने कहा स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन आप जानते हैं 1905 में, उस स्वदेशी आंदोलन के गर्भ में से निकला पंजाब नेशनल बैंक, और सारे क्रांतिकारियों के बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में जमा होते थे क्योंकि अंग्रेज इन क्रांतिकारियों का बैंक अकाउंट स्वीकार नहीं करते थे। लाला लाजपत राय का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था, भगत सिंह का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था, चंद्रशेखर आजाद का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था। चंद्रशेखर आजाद की जो संस्था थी ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उसका बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था क्योंकि अंग्रेजी बैंक इनको स्वीकार नहीं करता था। तो अंग्रेजी बैंक को टक्कर देने के लिए और भारत के क्रांतिकारियों को जरूरत पड़े तो मदद देने के लिए लाला लाजपत राय ने शुरू कराया पंजाब नेशनल बैंक। अगर ये कहानी हिंदुस्तान के घर घर में जाए तो कोई भी गर्व से कहेगा कि मेरा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है जिसमें भगत सिंह का खाता था, मेरा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है जिसमें लाला लाजपत राय का खाता था, मेरा खाता एक ऐसी बैंक में है जो भारत की आजादी के आंदोलन में मदद करने वाला बैंक रहा, पंजाब नेशनल बैंक।
और कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने फंड इकट्ठे कर करके ये भगत सिंह उधम सिंह को दिए थे बम बनाने के लिए, पिस्तौल तमंचे चलाने के लिए, क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसी बातें, साधारण बातों से लेकर विशेष बातें जो कुछ हुई हैं पिछले 10-12 वर्षों में पब्लिक सेक्टर के द्वारा, वो हम लोगों के सामने लाएं। अभी क्या होता है, एक साइडेड पिक्चर पूरे देश में प्रचारित किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर हराम खोर हैं, सफेद हाथी हैं, ये बर्बाद हो रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ये इसलिए कि इनको खत्म करने के लिए सरकार तैयार बैठी है। तो इस तरह का दुष्प्रचार हो जाए, लोग स्वीकार कर लें कि हाँ, और एक झूठ को बार 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 बोलो, थोड़े दिन में सच लगने लगता है। आप रोज बोलो सफेद आती है सफेद आती है, तो जनता मान ही लेगी कि हाँ है। तो फिर जिस दिन बंद होगा, जनता को कोई दुख नहीं होगा, और ये बेचारे अकेले मर जाएंगे, क्योंकि ये विरोध नहीं कर पाएंगे, अकेले उतनी दम नहीं। तो मेरा ऐसे मन में आता है कि हिंदुस्तान के साधारण लोगों को एजुकेट करने के लिए कम से कम पब्लिक सेक्टर के बारे में छोटी छोटी बातें, साधारण साधारण बातें पहुंचाई जाएं लोगों के पास। जैसे आज हिंदुस्तान में 76,000 मेगावाट बिजली बन रही है, आजादी मिली थी तो मुश्किल से 6,000 मेगावाट बिजली बनती थी, वो भी मुश्किल से। तो ये 76,000 मेगावाट बिजली किसने दिया इस देश को बनाकर? अमेरिका की कंपनी ने, इंग्लैंड की कंपनी ने, भारत की कंपनी ने, एनटीपीसी या स्टेट की जो पावर कंपनियां हैं राज्यों की, उन्होंने दिया। और 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, 2-3 साल में आ जाएगा वहां तक, वो भी उन्होंने दिया। एनरॉन एक विदेशी कंपनी आया था, 1 मेगावाट अभी तक हिंदुस्तान को नहीं दे पाया, इतने साल से तमाशा चल रहा। लोगों को यह मालूम होना चाहिए। ऐसे ही हिंदुस्तान के 3,00,000 गांव में पीने के पानी की जो व्यवस्था आज तक हो पाई है, आप जानते हैं इसमें फंड्स किसके इस्तेमाल हुए हैं? LIC के, GIC के। गांव में पीने के पानी की व्यवस्था में LIC GIC के पैसे का इस्तेमाल हुआ है, सरकार के पैसों से नहीं है, माने सरकार के बजट के खर्चे में से नहीं आया। ऐसे ही इतनी 14,000 किलोमीटर सड़कें हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर के भारत सरकार को दिए गए मुनाफे में से 14,000 किलोमीटर की सड़कें बनी है। रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क बना है, जो दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ये कहां से खड़ा हुआ है? कोई विदेशी कंपनी ने नहीं खड़ा किया, हिंदुस्तानी रेलवे ने खड़ा किया है। और आज उस रेलवे को गाली देके इस स्थिति में ला दिया है कि वो डिफेंसिव हो जाए, और डिफेंसिव होते चले जा रहे हैं बेचारे, और छटनी होती जा रही है, विद्रोह नहीं हो रहा पूरे देश। तो ये बैंकों ने, बीमा कंपनियों ने, रेलवे ने, हमारे NTPC ने, हमारे तमाम दूसरे सेक्टर ने जो कुछ समाज के लिए किया है, इस पर अगर एक एक दो दो पन्ने का भी मटेरियल सेक्टर वाइज तैयार करें, छोटी बुकलेट बने, सरल भाषा में बने, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु में बने, स्लाइड्स बने, गांव-गांव जाकर उनको दिखाया जाए, तो ये बिल्कुल उलट जाएगा। जनता कहेगी अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं था। जब मालूम होने लगेगा तो जनता को समझ में आएगा कि हरामखोर ये नेता हैं जो लगे हैं कौड़ी के भाव में पूरे देश की संपत्ति को बेचने के लिए। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ये क्या करने जा रहे हैं, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया। और WTO की कंडीशन में क्या करने जा रहे हैं, दिल्ली का एयरपोर्ट दुनिया का अकेला ऐसा एयरपोर्ट है जिसके पास 6,000 एकड़ जमीन है, किसी एयरपोर्ट के पास में। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है सऊदी अरब में जिद्दाह में, उनके पास भी इतनी जमीन नहीं, सिंगापुर के पास नहीं, अमेरिका के किसी एयरपोर्ट के पास इतनी जमीन नहीं, 6,000 एकड़ जमीन है उनके पास। और उस पूरे एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर 1400 करोड़ रुपए में बेचने जा रहे हैं फ्रांस की एक कंपनी को। जबकि जिस स्थान पर यह दिल्ली का एयरपोर्ट है वहां 1 एकड़ जमीन की कीमत इस समय 20 करोड़ रुपए है, 1 एकड़ जमीन की कीमत 20 करोड़ रुपए, जहां पर ये एयरपोर्ट है गुड़गांव दिल्ली के बीच में, 6,000 एकड़ जमीन है, कितने का हो गया, 1,20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं 1400 करोड़ में, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ये हो रहा है। और इसका माहौल कैसे बनाया है, 2 साल से दिल्ली एयरपोर्ट के खिलाफ कैंपेन किया जा रहा है पूरे देश में हमारे ही मंत्रियों के द्वारा। यहां के कर्मचारी निकम्मे हैं, ये इनएफिशिएंट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें ये तकलीफ है, वो तकलीफ। अभी मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक सभा संबोधित करने गया, तो मैंने वहां के जनरल मैनेजर को कहा मुझे पूरा एयरपोर्ट घुमाओ। उन्होंने कहा क्या देखना चाहते हैं? मैंने कहा आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो टावर है ये मुझे देखना है।
कहने लगे क्यों? मैंने कहा इससे अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कीमत क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी औकात क्या है। मैं ले गया, वो मुझे ले गए देखने के लिए। वो मैंने जो देखा और उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन करना शुरू किया और जो उन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, मैं दंग रह गया। दुनिया में इतना बेहतरीन एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर फ्रांस में भी नहीं है, जर्मनी में भी नहीं। उस अकेले टावर को अगर बेचे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो 600 करोड़ मिलता है और 1400 करोड़ में पूरा एयरपोर्ट बेचने जा रहे हैं। अब जनता को मालूम नहीं है दिल्ली एयरपोर्ट की विशेषता यह है, इनके पास 6000 एकड़ जमीन है। कल को समझौता हो जाएगा, अखबार में खबर आएगी दिल्ली एयरपोर्ट फ्रांस की कंपनी ने खरीद लिया। और कर्मचारी बेचारे मुंह बंद करके बैठे हैं क्योंकि सरकार के खिलाफ बोले कैसे, उनसे पगार पाते हैं, सैलरी पाते। और ये जो प्रॉपर्टी है, मैंने एक दिन उनसे पूछा कि अगर ये 6000 एकड़ जमीन इसमें इस्तेमाल कितनी हो रही है, तो उन्होंने कहा मुश्किल से इसमें 50-60 एकड़ जमीन इस्तेमाल हो रही है रनवे में और ये सब वगैरह, बाकी खाली पड़ी है। मैंने कहा इसमें खेती करना चालू कर दो तो साल का कम से कम 50-60 करोड़ का तो प्रोडक्शन यहां हो सकता है। तो उन्होंने कहा राजीव भाई खेती तो छोड़ो, हम यहां गोल्फ क्लब बना दें और उसमें एंट्री फीस रख दें तो साल का 1400 करोड़ तो हम इसी से कमा के दे सकते हैं सरकार को, गोल्फ कोर्स बना के। क्योंकि जितनी विदेशी फ्लाइट आती है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट रात को अक्सर आती हैं, उनमें कई बार ऐसा होता है कि एक एक दिन वो लोग ठहरते हैं फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ के वो गोल्फ खेलेंगे, फीस लगा दो, साल का 1400-1500 करोड़ उसी से आ सकता है। पूरा एयरपोर्ट इतने में बेच रहे हैं 1400 करोड़, और बिना किसी बिड के, माने कोई इंटरनेशनल टेंडर इनवाइट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फ्रांस की कंपनी को सामने से बुला लिया। क्यों? समझौता हो गया सरकार का, कुछ लेन देन हुआ होगा उसमें। अब एक दिल्ली एयरपोर्ट बिकेगा, फिर बंबई बिकेगा, फिर सब बिकेगा। ऐसे सरकार की माने बेईमानी और हरामखोरी में देश की संपत्ति बिक रही है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन। अब जनता इसमें बगावत कर सकती है जब उसको पूरी बात मालूम। जब मुझे पता चला दिल्ली एयरपोर्ट की वास्तविकता, मैंने दिल्ली की 4-5 मीटिंगों में कह दिया, लोगों का खून उबल गया, जी कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे सरकार को। अगर यही बात पूरे देश में प्रचारित हो जाए तो जनता खड़ी हो जाएगी, तो जनता के सामने कोई सरकार नहीं टिक सकती। कर्मचारियों को तो वो झुका सकते हैं लेकिन जनता को नहीं झुका सकते। तो मेरा ये कहना है कि हम सब मिलकर भारत की जनता के पास ये सब मुद्दे लेके जाए, सरल सरल भाषा में, कम शब्दों में, सरल सूत्रों में उनको ये जानकारियां दें कि भारत के पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है, बैंक ने क्या किया, बीमा ने क्या किया, इसने क्या किया, इसने, और WTO और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सरकार क्या करने जा रही है। जब समझ बनेगी तो बात आगे बढ़ेगी। अब उसके तरीके क्या हो सकते हैं? तरीके बहुत हो सकते हैं। हम CD बनाए, गांव गांव में दिखाएं, पत्रक बांटे, टेलीफोन, ये लोकल अगर TV चैनल है उसके माध्यम से कहें, अखबारों में लिखें, और सबसे अच्छा जो भाई ने कहा कि रेडियो पे कहें, अपना कोई रेडियो स्टेशन हो तो शायद कहें, सरकार तो इसको कहने नहीं देगी, अपना कोई TV चैनल हो तो उस पर ये सब बातें, एक एक बात की पोल खोलें, सरकार जो कर रही है, WTO में जो हो रहा है और वास्तविकता क्या है, तो देश बचने के लिए रास्ते खुलते हैं, लोग खड़े हो जाएंगे। ऐसा मुझे लगता है लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए सरकार ये सब करती चली जा रही है। जैसी जानकारी होती है लोग तो सरकार को कुछ नहीं करने दे। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले सवेरे उदाहरण दिया, हरियाणा के लोगों को जब तक मालूम नहीं था वैट क्या है वो चुप रहे, और चौटाला ने वैट लागू कर दिया। लागू होने के बाद जब तकलीफें आना शुरू हुई, उन्हीं हरियाणा के लोगों ने चौटाला को कान पकड़ के नीचे उतार दिया। चौटाला के पास पहले 54 सीटें थी जब पिछली सरकार आई, अभी उसके पास 9 सीटें हैं, खुद हार गया बुरी तरह से। तो जनता को जब पता चला तो उन्होंने जवाब दे दिया। ऐसे ही हर क्षेत्र में जनता को पता चले तो सरकार का सबक, सरकार को सबक जनता सिखा सकती। तो यह समस्या है, उसका विश्लेषण और समाधान, हर समस्या का समाधान हम अपने ही तरीके से करें वही अच्छा है। अब इसमें एक बात वो अंत में आके खत्म होती है कि कौन करे इस काम को, हम सब करें, हम सब एक दूसरे के साथ मिलके करें। जैसे मेरे मन में आता है कि पब्लिक सेक्टर पर एक छोटा टेम्पलेट बनाएं, हम जाएं उनके पास, जानकारियां इकट्ठी करें, उस पर वो छापें,
फिर कैसेट बनाएं, सीडी बनाएं, प्रचार करें, थोड़े दिन में उसका परिणाम निकलेगा। और फिर ये बैंक वाले बीमा वालों को और शिक्षा वालों को कहें कि भैया सब साथ में मिलके करो, अलग अलग अब मत करो, आपको कुछ भी करना है पहले सबको बता के करो, हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और खाली बैंक के ऑफिस के सामने खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से अच्छा है पूरे भिलाई शहर में घूम के लोगों को बताओ कि हम ये क्यों कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, जनता आपके खिलाफ हो जाती है, उनको ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करना चाहते इसलिए जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है, और हम अपनी बात वहां तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो बीच में गैप खड़ा हो जाता है। तो पद्धति थोड़ी बदलें, हम लोगों के पास जाएं, लोग हमारे पास आने लगेंगे, बात बनती चली जाएगी और रास्ते उसमें से खुलते चले। इतना ही मुझे अभी कहना है। हाँ, ट्रिम्स में मैं बात कर सकता हूं लेकिन कल करूंगा, ये सर्विसेज तक रहे क्योंकि ट्रिम्स और इससे भी ज्यादा जटिल है। ट्रिम्स और ट्रिप्स में कल कोशिश करूंगा सवेरे लेने की, दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, वो और भी खतरनाक है। ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली आएंगे। इनडायरेक्टली कैसे आएंगे, ट्रिम्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट के लिए नियम कायदे कानून बनाना, जैसे आजकल सरकार कर रही है ना, बैंकिंग इंडस्ट्री में कितना 74% इक्विटी पार्टिसिपेशन की छूट हो गई है। ट्रिम्स ये कहता है कि इसको 100% कर दो। ट्रिम्स का पहला ही प्रोविजन है कि कोई भी सेक्टर जो सर्विसेज में है उसमें 100% इक्विटी की छूट होनी चाहिए, कोई भी विदेशी को या विदेशी कंपनी को। तो बैंक बीमा कंपनी आएंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट के उस पर आएंगे। अभी सर्विसेज में जो सीधा है कि सीधे विदेशी आएंगे, उसमें ट्रिम्स भी आएगा, सर्विसेज भी आएगा, दोनों एक साथ आएगा। ट्रिम्स से उनका इक्विटी पार्टिसिपेशन का निर्धारण, प्रॉफिट ले जाने का निर्धारण, भारत में कहां पूंजी लगाएं कहां न लगाएं उसका निर्धारण, और सर्विसेज में जो सीधे आकर हिंदुस्तान के लोगों के बीच में मुनाफा कमाकर ले जाने की खुली छूट, वो सर्विसेज। ट्रिम्स में इन्वेस्टमेंट की वो है लिमिटेशंस, तो वो लिमिटेशंस को हटाने की बात है। ट्रिम्स कोई लिमिटेशन नहीं, 100% लाना चाहे खुली छूट दो, बैंक में, बीमा में, टेलीकम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, हर जगह। ट्रिम्स का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आया है बाहर से, उसकी वैसी ही सुरक्षा करो जैसे आप रुपए की करते हो, नेशनल सिक्योरिटी। अमेरिका ने $1 भी भारत में लगा दिया तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब भारत सरकार की है, उसके लिए भारत की मिलिट्री लगाओ, आर्मी लगाओ, पुलिस लगाओ, सुरक्षित रहिए वो। ये ट्रिम्स में है सारे के सारे। माने अमेरिका की कोई भी कंपनी यहां आ जाए, उसके खिलाफ हम आंदोलन करें, फैक्ट्री को तोड़ दें, फोड़ दें, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है उसका सारा भुगतान करे। ये ट्रिम्स में है। अभी क्या होता था कि अमेरिका की किसी कंपनी को हमने तोड़ फोड़ दिया तो अमेरिकी कंपनी की प्रॉपर्टी है, लेकिन अब WTO के बाद अगर हम तोड़ फोड़ करें तो भारत सरकार को भुगतान करना पड़ेगा जो कुछ भी तोड़ फोड़ हुई है। उसके लिए आप चाहो मिलिट्री लगाओ, चाहो अपनी आर्मी लगाओ। हमें याद है एक बार हम लोगों ने कर्नाटक में नंजुन स्वामी नाम के एक किसान नेता थे, उनका एक संगठन कर्नाटक राज्य रैयत संघ, उनके साथ मिलकर एक अमेरिकन कंपनी का ऑफिस तोड़ा था। 92-93 की बात है ये। आपने सुना केंटकी फ्राइड चिकन एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने वहां बना दिया था अपना बहुत बड़ा ऑफिस, उसको तोड़ दिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तोड़ दिया तो उस कंपनी का नुकसान हुआ और तब से वो कंपनी भाग गई, अभी उसकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा आने की। लेकिन आज अगर हम वही काम करें तो तकलीफ होने वाली है, हमें तो नहीं भारत सरकार को, भारत सरकार को सब भुगतान करना पड़ेगा अगर एक कुर्सी भी टूट गई तो, क्योंकि उनका एक एक इन्वेस्टमेंट सरकार की जिम्मेदारी पर है। यह ट्रिम्स की शर्तें हैं। ट्रिम्स में सबसे ज्यादा खतरनाक दो ही शर्तें हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में 100% पूंजी निवेश की खुली छूट करो और उनकी लाई हुई एक एक डॉलर की सिक्योरिटी आप करो, माने भारत सरकार करे, उसमें चाहे अपनी आर्मी लगाओ, एयरफोर्स लगाओ, पुलिस लगाओ, पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, सिक्योरिटी आप करो, इन्वेस्टमेंट उनका, वो सिक्योरिटी नहीं करेंगे, सिक्योरिटी आपको करनी है। इंश्योरेंस कवर उनको दो, किसी भी तरह से सिक्योरिटी की गारंटी उनको दो, और अगर हम कुछ मार तोड़ करें तो शिकायत भारत सरकार को वहां सुननी पड़ेगी WTO में, और भुगतान करने पड़ेंगे।
आज हम आज की तारीख में पेप्सी कोला की एक बोतल भी तोड़ दें इस समय, वैसे हमने बहुत तोड़ी है, आज हम एक बोतल भी तोड़ दें तो उसका भुगतान भारत सरकार को करना पड़ेगा। ट्रिम्स की ये शर्तें हैं, 1 जनवरी से लागू हुई है। 1 जनवरी के पहले हम चाहे कुछ भी करें, पेप्सी के कारखाने में आग लगा दें तो प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने जिससे इंश्योरेंस कराया उससे बोलेंगे, लेकिन अभी हम एक बोतल भी तोड़ेंगे तो भारत सरकार भुगतान करे उसका, क्योंकि जिम्मेदारी भारत सरकार की। तो ट्रिम्स में कल थोड़ा मैं ज्यादा बात करूंगा, ट्रिप्स के साथ जोड़कर। अभी सर्विसेज का लिया है और सर्विस तक सीमित रखें, क्योंकि इसमें वैसे तो बहुत छूट गया है, थोड़े ही सर्विसेज को मैं डील किया, बैंकिंग को, इंश्योरेंस को किया, एजुकेशन को किया, टेलीकम्युनिकेशन को मैं बिल्कुल छोड़ दिया, रेलवे को बिल्कुल छोड़ दिया। टेलीकम्युनिकेशन में तो इतनी तकलीफ आने वाली है, अभी भारत में क्या होता है, जैसे BSNL है, ठीक है, आप हमारे देश की सिक्योरिटी से संबंधित सूचनाओं का इधर से उधर जाना BSNL के थ्रू है। कैसे होता है, जो बॉर्डर एरिया है पूरा भारत का, वहां पर मिलिट्री जितने भी इक्विपमेंट्स यूज करती है वो सब BSNL के थ्रू होते हैं, माने BSNL की मदद से हमारी मिलिट्री सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। माने उरी सेक्टर में कोई मेजर है, वो भारत के राष्ट्रपति से अगर बात करना चाहता है तो BSNL के थ्रू होता है। अभी रिजर्व है ये एरिया, WTO की कंडीशन सर्विसेज की ऐसी है कि BSNL के पैरेलल वहां एयरटेल भी अपना नेटवर्क बना सकता है, आप उसे मना नहीं कर सकते, और एयरटेल अगर वहां नेटवर्क बनाता है, कल्पना करो, या अमेरिका की कंपनी है AT&T, वो खड़ा करती है जम्मू कश्मीर में अपना नेटवर्क, तो वो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज पकड़ी जाती है आजकल, तो हमारा कोई मेजर जनरल ब्रिगेडियर से बात कर रहा है वो सुन रहे हैं और पाकिस्तान को पास ऑन कर रहे हैं कि देखो ये बात हो रही है सुन लो और तुम्हारी एक्टिविटीज तय कर लो। टेलीकम्युनिकेशन में तो इतना खतरनाक है, भारत का जितना बॉर्डर है ना सभी तकलीफ में है इस समय, हमारा कोई बॉर्डर शांत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट देखो पूरा जल रहा है, नॉर्थ देख लो पूरा जल रहा है, साउथ में तकलीफें शुरू हो गई हैं, खासकर ये केरल और उस तरफ तकलीफें शुरू हो गई, और आप वेस्ट देख लो जो पाकिस्तान बॉर्डर है राजस्थान और गुजरात का, भयंकर जमावड़ा लगा हुआ है वहां पर। तो बॉर्डर हमारे सब संवेदनशील है, तकलीफ में है। इन बॉर्डर एरिया में अगर कोई विदेशी कंपनी आके टेली कम्युनिकेशन के सेक्टर में घुस जाए तो तबाही मचा सकती, आपकी सारी गुप्त सूचनाएं, सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन उनके हाथ लग गई, वो कहीं से कहीं पास ऑन कर सकते। और ये सरकार ने 74% तक तो पार्टिसिपेशन की खुली छूट दे दी है, अभी वो 100% करने वाले हैं। ऐसे ही सर्विसेज में एक कंस्ट्रक्शन आता है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर सर्विसेज, उसमें 100% खुली छूट दे दिया। अब इसमें क्या होगा, 100% खुली छूट सर्विस का कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देने का मतलब है कोई भी विदेशी कंपनी आके भारत में हजारों एकड़ जमीन खरीद कर कोई भी बिल्डिंग बनाए और उसमें बेचने का धंधा करे। माने अब तक विदेशी कंपनी जमीन नहीं खरीद सकती थी, वो भी उनको खुली छूट मिल गई, कंस्ट्रक्शन में ये होने वाला है। तो सर्विसेज अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, 64 सर्विसेज हैं इधर, नॉन रेलवे में भी यही है। रेलवे में क्या होने वाला है, भारत के लिए कंडीशन है WTO में कि सरकार कोई भी सर्विसेज को कोर सेक्टर में नहीं रख सकती। कोर सेक्टर का माने जिसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, ऐसे सेक्टर को कोर सेक्टर कहा जाता है दुनिया में। तो WTO की कंडीशन है कि आप कोई भी सर्विसेज को कोर सेक्टर में नहीं रख सकते। रेलवे अभी तक ऐसी सर्विसेज है जो कोर सेक्टर में आती रही है, अब रेलवे भी खोलना पड़ेगा आपको, तो रेलवे खोलना है विदेशी कंपनियों के लिए, तो इसका माने क्या है, रेलवे ट्रैक बिकेंगे अब इस देश में। रेलवे ट्रैक बिकेंगे माने बंबई से कलकत्ता एक ट्रैक खरीद लिया किसी एक कंपनी ने, अब उस पर जितनी भी ट्रेन चलेंगी उससे जो रेवेन्यू इनकम होगी वो उस कंपनी के खाते में जाएगी। ऐसे ही बंबई से अहमदाबाद का ट्रैक खरीद लिया किसी दूसरी कंपनी, तो बंबई अहमदाबाद के बीच जितनी ट्रेन चलेंगी उससे जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो उस कंपनी के खाते में जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई एक ट्रैक है दिल्ली से
हावड़ा का ट्रैक खरीद लिया किसी तीसरी कंपनी, और रेलवे को भारत सरकार टुकड़े टुकड़े करके विदेशियों को बेच सके, इसलिए उनके जोन सभी नए बनाए गए हैं। पहले जो जोन होते थे ना रेलवे के, वो सभी छोटे कर दिए। क्यों? क्योंकि पूरी रेलवे को खरीदने की ताकत किसी एक कंपनी में नहीं है, तो टुकड़े टुकड़े करके बेचो। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट रेलवे है, उसको एक कंपनी को बेच दो, साउथ ईस्टर्न रेलवे उसको एक कंपनी को बेच दो, नॉर्दर्न रेलवे है तीसरी कंपनी को बेच दो, सदर्न रेलवे है चौथी कंपनी को बेच दो, ऐसे कर करके अलग अलग कंपनियों के हाथ बिक जाए। इस तैयारी के साथ रेलवे के जोन्स को डिवाइड किया गया है अभी, और इसलिए रेलवे में भी नई भर्ती बंद है, क्योंकि उसका प्राइवेटाइजेशन अगले साल से शुरू होगा। शुरू कहां से कर रहे हैं? रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जो सर्विसेज हैं उनमें अब विदेशियों को छूट देने जा रहे हैं। ये सर्विसेज कहां? प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे क्या सर्विसेज है? दूध मिलता है, चाय मिलती है, दही मिलता है, डबल रोटी मिलती है, पाव रोटी मिलती है, बिस्किट्स मिलते हैं, टॉफी चॉकलेट मिल जाता है, फल आदि मिल जाते हैं, खाने पीने का सामान मिलता है। इसमें अभी पहले बार में वो शुरू कर रहे हैं विदेशियों के लिए, और अमेरिका की एक कंपनी ने तैयारी शुरू किया है, और सरकार उसको देने में भी बिल्कुल उनको कोई आपत्ति नहीं है। थोड़े दिन में अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, अखबार में आ जाएगा। अमेरिका की खान पान की एक कंपनी जिसको मैकडोनल्ड कहते हैं ना, हर बड़े रेलवे स्टेशन पर इनका वो बन जाएगा। अभी क्या कहेंगे उसको, रेस्टोरेंट या जो भी कहें, तो अब वो सब उनके हाथ में जाएगा। खान पीन की सर्विसेज मैकडोनल्ड के हाथ में, ऐसे ही पानी की सर्विसेज लेने के लिए ये तैयार हैं, कोका कोला और पेप्सी कोला। माने रेलवे स्टेशन पर दो ही बोतलें मिलेंगी, एक्वाफिना या तो वो दूसरी क्या बोतल है, किल्ले, यही बोतल पानी की मिलेंगी। और पानी की जो टंकी वंकी होती है ये सब बंद करी जाएंगी। अभी पानी रेलवे स्टेशन पर जो फ्री आप पी लेते हैं, दो साल के बाद नहीं मिलेगा आपको, हर पानी बिक्री से उपलब्ध होगा। फिर दूसरा जो करने जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी कंपनियों को दुकानें खोलने की परमिशन देने जा रहे हैं। ये बहुत सारी कंपनी, अभी तो क्या होता है, दो ही तीन तरह की दुकानें आपने देखी होंगी, एक तो व्हीलर और एक तो वो सर्वोदय बुक स्टॉल, गीता प्रेस गोरखपुर। अभी जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं मैगजीन्स लेके, उनको दुकानें खोलने की परमिशन मिलने वाली है अमेरिकन पब्लिशिंग हाउस को, और उनके अलावा और भी कई दुकानों को रेलवे स्टेशन पर खुली छूट मिलेगी। तो अभी सभी स्टेशन को चौड़ा किया जा रहा है, आपने महसूस किया है? आजकल सभी स्टेशन चौड़े किए जा रहे हैं, स्पेस बनाया जा रहा है, क्योंकि कई कंपनियां आने की तैयारी हैं, अलग अलग सर्विसेज में घुसेंगी। तो बेचारे ये जो छोटे छोटे गरीब लोग केला बेच लेते हैं स्टेशन पे, सेब बेच लेते हैं, संतरा बेच लेते हैं, कुछ कमा लेते हैं, ये सब अभी बंद होंगे, ये सभी स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। फिर बड़ी ट्रेन्स में उनको बेचने की तैयारी चल रही है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस, इनको एक एक करके दिया जाए कंपनियों को जो इनकी हैंडलिंग करें। तो रेलवे में ये सब होने के लिए सारी मगजमारी इस समय चल रही है। एक छोटा अच्छा काम यह हुआ है कि ये जो जब से लालू यादव आया है, इसने उसी स्पीड को स्लो कर दिया है। ये अगर निकल गया रेलवे से, दूसरा कोई भी मिनिस्टर आ गया वो इसको फास्ट कर देगा, क्योंकि लालू यादव में 50 खराबियां हों लेकिन उसमें एक अच्छाई है, वो विदेशी कंपनियों का धुर विरोधी है। वो इतना विरोधी है विदेशी कंपनियों का, वो ये कहता है कि मेरा बिहार भूखे मर जाए, मैं बिहार में किसी विदेशी कंपनी को कारखाना नहीं लगाने दूंगा, और आज तक उसने लगने नहीं दिया। 15 साल के बिहार के शासन में एक भी विदेशी कंपनी ने बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाई है, उसने लगने नहीं दिए। वो धुर विरोधी है विदेशी कंपनी, और उसके रेलवे में आने से प्राइवेटाइजेशन रुक गया, वरना अगर कोई दूसरा आ जाता, सिंधिया टाइप का कोई आदमी आ जाता, तो अब तक तो आधा रेल बिक चुका होता। वो देशी और गवई आदमी है लालू यादव, तो इसलिए थोड़ा रुका हुआ है, और कांग्रेस की मजबूरी है कि उसका सपोर्ट लिए बिना सरकार नहीं चल सकती, इसलिए कांग्रेस थोड़ी शांत है। अगर कांग्रेस के पास फुल मेजोरिटी होती तो अभी पिछले एक साल में रेलवे का आधा हिस्सा बिक गया होता। अब ऐसे ही क्या हो रहा है, रेलवे के पास जो जमीन पड़ी हुई है ना, हर जगह आप देखते हैं रेलवे ट्रैक के इधर उधर, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को देने की तैयारी में है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने पर।
और उसका किराया आए। जिनकी जमीन जिनकी है किसानों की, उनको देने को तैयार नहीं है जिनसे लिया है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए। और कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर बहुत सारी जमीनें हैं, यार्ड में है और जगह जगह, वो सब बेचने के लिए। तो रेलवे के सेक्टर में WTO आने पर ये प्राइवेटाइजेशन 100% होने के हैं। ऐसे ही बसेस में होगा, बहुत सारे राज्य सरकारों को सीधे आदेश दे दिया है कि आप अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस बंद कर दीजिए। छत्तीसगढ़ में तो हो गया, महाराष्ट्र में होने की तैयारी है, सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस बंद होंगे। WTO की कंडीशन है, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस का, रेलवे का, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस का, एयरलाइंस का। एयरलाइंस में निजी कंपनियों को अब सारे खोल के देने पड़ेंगे। अभी आजकल हमारे यहाँ खुली आकाश नीति चल रही है, माने जिन सेक्टर पर सिर्फ एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट चलती थी, वो सब सेक्टर अभी जेट एयरवेज के लिए, सहारा एयरवेज के लिए, प्राइवेट एयरवेज के लिए खोल दिए गए। तो ये सभी WTO की कंडीशंस के तहत है। मैंने आपसे कहा ना 64 सर्विसेज हैं, उसमें रेलवे है, इंश्योरेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस तो फाइनेंशियल में, नॉन फाइनेंशियल में रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वकालत है, ये सब आती है। सब में छोड़, पेट्रोलियम भी उसी में आता है नॉन फाइनेंशियल। नहीं, रिलायंस के साथ अभी इन्होंने किया है, रिलायंस वाला सर्विसेज में एंटर हुआ है WTO की कंडीशन। अब तक क्या था कि पेट्रोल और डीजल में भारत सरकार की ही कंपनियां काम कर सकती थी, लेकिन अब WTO की कंडीशन के बाद प्राइवेट कंपनियों के लिए रास्ते खुले हैं। तो रिलायंस ने जगह जगह पेट्रोल पंप खोले हैं, आपने देखा होगा, और समझबूझकर जानबूझकर 2-2.5 रुपए कम दे रहा है वो, ताकि एक बार लोगों की भीड़ आकर्षित हो जाए, फिर उसके बाद भारत के पेट्रोल पंप जो है वो थोड़े घाटे में आए तो फिर ये महंगा करे। है शेल ने भी खोला है, हाँ शेल ने भी खोला होगा, सर्विसेज में सभी जगह दरवाजे खोलने, 100% इक्विटी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है ना, वो भी सर्विसेज में ही आता है। उसमें क्या करना है, ऐसे कुछ क्षेत्र बनाने हैं जहां पर आने वाली विदेशी कंपनियों को कोई टैक्स ना देना पड़े, कुछ भी करें वहां पे टैक्स नहीं भरना पड़े, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी सिक्योरिटी अपनी, उनके रूल अपने, उनके रेगुलेशन अपने, भारत की सरकार का बनाया हुआ कोई नियम कायदा कानून वहां नहीं लगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में तो ये है, टैक्सेस नहीं होंगे कोई भी, तो सस्ता होगा, और वहां कुछ भी करें। जैसे कोई अमेरिकन कंपनी आती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, अपना कारखाना लगा ले, दीवारें ऊंची कर दे और अंदर हथियार बना के पाकिस्तान को सप्लाई करे, कुछ नहीं कर सकते आप। हम लोगों ने एक बार ये लड़ाई लड़ी थी, कंडला बंदरगाह जो है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, वहां एक कारगिल कंपनी आई थी नमक बनाने के नाम पर, वो यही करने वाली थी, तब हमने बहुत विरोध किया था और वो भाग भी गए वहां से। लेकिन अब स्थिति ये है कि आपको कानूनी बनाना पड़े उसके लिए। पहले तो वो गुजरात सरकार की मर्जी से आई थी कारगिल, अब केंद्र सरकार की बाध्यता है, कारगिल आए तो उसको दोबारा वो वहां पे जमीन दे दें, और कुछ नहीं हो सकता। पहले तो बहुत लड़ाई हमने लड़ी उसमें, और जमीन भी वापस हुई, केस भी हम जीते, लेकिन अगर अब हम केस करें कारगिल वहां आए तो कोर्ट कहेगा कि ये तो WTO की कंडीशन, हम क्या करें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बहुत तकलीफ देह होने वाला है, क्योंकि सारी विदेशी जासूसी गतिविधियां स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ही संचालित होंगी, क्योंकि वहां पुलिस नहीं जा सकती, पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं जा सकता, आर्मी भी स्पेशल कंडीशन में ही जा सकती है, और इन विदेशियों को जासूसी गतिविधियां तो करवानी ही पड़ती हैं, तो वहीं से संचालित करें। ज्यादातर देशों में जहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं वो ऐसे ही धंधे होते हैं, वहां जासूसी के बड़े धंधे हैं। सभी अरब देशों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, और अमेरिका की सारी जासूसी के धंधे वहीं होते हैं, और अमेरिका ने तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नाम पर कई देशों पे पूरा कब्जा ही कर लिया। ओमान नाम का एक देश है, वहां पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये घुसे, आज पूरे ओमान पे कब्जा कर लिया इन्होंने।
पूरा ओमान अभी अमेरिका की छावनी बन गया। तो ऐसे ही तरीके हैं उनके, और ये बेचारे छोटे छोटे गरीब गरीब देश हैं, भारत की तुलना में तो बहुत ही छोटे हैं, और उनके शासकों को तो कुछ भी नहीं समझता है, भारत में तो थोड़ा बहुत कुछ भी समझता है। तो जैसे जैसे आती है व्यवस्था, वैसे वैसे वो हाँ करते जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। आज ओमान पूरा का पूरा अमेरिका के हाथों में कठपुतली बना हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अमेरिका की दो कंपनियों ने पांव रखा था, आज पूरे देश पर अमेरिका का कब्जा ओमान पे। समय बहुत खराब आ रहा है इस देश में, ये जो WTO की कंडीशंस हैं ये सब है। और जितना खराब समय है, दुर्भाग्य हम सबका इतना ही ये है कि भारत की जनता को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, जैसे आप सब लोग कहते हैं। पढ़े लिखे लोगों को तो बिल्कुल नहीं मालूम है, साधारण लोगों को तो उससे भी ज्यादा नहीं मालूम। और भारत की जनता को नहीं मालूम हो ये सब बातें, इसके लिए 12-13 साल से इस देश में एक बड़ा भारी काम हुआ है। उस पर अगर कोई रिसर्च करे तो बहुत चौंकाने वाली बातें निकलेंगी। पिछले 10-12 साल में जानबूझकर इस देश में क्रिकेट को प्रमोट किया गया है, और इतना प्रमोशन किया गया है कि समाज का सोचने वाला वर्ग क्रिकेट में फंस जाए और बाकी सब कुछ सोचना बंद कर दे। जैसे जैसे ये ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, WTO की कंडीशंस लागू, वैसे वैसे क्रिकेट का प्रमोशन इतना ज्यादा हुआ है, एक मैच खत्म नहीं होता दूसरा, दूसरा नहीं खत्म होता तीसरा, हाँ दूसरा खत्म नहीं होता तीसरा, तीसरा खत्म नहीं होता, मैच पे मैच लगे रहे ताकि सोचने वाला वर्ग मैच देखता रहे। ये बहुत समझ के हो रहा है। और जो मैच नहीं देखे वो सास भी कभी बहू थी ये देखता रहे, तेरी मेरी कहानी, इसकी कहानी, उसकी कहानी देखता रहे, सिनेमा देखता रहे, फैशन टीवी देखता रहे, ये चैनल देखे, वो चैनल देखे, तो फंसा रहे वो, माने सोचने के लिए नया विचार उसके दिमाग में ना आए। और उसका दुष्परिणाम हमें दिखाई दे रहा है कि भारत का मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो इसमें सबसे आगे आना चाहिए था, वो सबसे ज्यादा खामोश बन के 10-12 साल से देश को लुटता हुआ देख रहा है। बहुत व्यवस्थित तरीके से ये 12 साल से हुआ, ये तो बिल्कुल मुझे साफ दिखाई देता है। जिन घरों में परिवारों में पहले टीवी नहीं था, उनको जरा पूछो जाके कि कैसे होता था। सवेरे से शाम तक की हर गतिविधि पे चर्चा होती थी, बहस होती थी, अखबार में ये खबर आई है, मैगजीन में ये खबर आई है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या होने वाला है, क्या नहीं, एक कुतूहल होता था, उत्सुकता होती थी। या हम पड़ोसियों के पास जाते थे, पड़ोसी हमारे पास आते थे, मोहल्ले में चौपालें लगती थी, गांव में चौपालें लगती थी, चर्चाएं होती थी, बहस होती थी। रिश्तेदारों के यहां हम जाते थे, रिश्तेदार हमारे यहां आते थे, ये सब होता था। लेकिन जब से ये घर घर में सास भी बहू थी, तेरी मेरी कहानी, उसकी कहानी, इसकी कहानी, ये जो चैनल आ गए और क्रिकेट का मैच आया, सब घर में सारी व्यवस्था टूट गई। अब कोई किसी रिश्तेदार के यहां जा नहीं रहा है, कोई किसी के यहां आ नहीं रहा है, गलती से आप कहीं चले भी जाओ तो टीवी चालू है तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। और आप एक वर्ग जो भारत का कर्मठ है, कर्मशील है, उसको क्रिकेट में फंसाओ, और दूसरा वर्ग जो घर व्यवस्था को संभाल सकता है उसको सास बहू में फंसाओ। हाँ, सवेरे से शाम तक यही मनोरंजन हो गया। और आपके पास जब इतना एंगेजमेंट आ गया, अब आप देश की सोचोगे क्या, समाज की सोचोगे क्या, करोगे क्या? तो 10-12 साल में ये बहुत व्यवस्थित हुआ है। इससे एक तरफ ये लूट खसोट चालू हुई है, दूसरी तरफ इसके खिलाफ विद्रोह ना हो जाए उसके लिए जो वर्ग मदद कर सकता है उसको फंसा दो टीवी में, और टीवी में क्रिकेट में, क्रिकेट से सीरियल में, सीरियल से सिनेमा में, सिनेमा के बाद और थोड़ी कुछ बकवास में। और आप देख लो आज इस देश का जो एजुकेशन से लगा हुआ वर्ग है, विद्यार्थी अध्यापक, वो भले कितनी परीक्षा पे परीक्षा हो, क्रिकेट देखने से नहीं चुकेगा, भले फेल हो जाए इम्तहान। और वो कभी कभी टेस्ट करते हैं कि भारत में दीवानगी कहां तक पहुंची है, तो समझ बूझ के ऐसे समय में क्रिकेट मैच रखते हैं जब परीक्षा जरूर हो। हाँ, तो अब वो देख लिया उन्होंने कि परीक्षा हो या परीक्षा का बाप हो, मैच देखने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है,
तो वो समझ गए कि अब ये जुनून बहुत ऊपर तक पहुंच गया। अब इस जुनून को एन कैश कराते रहो और दिमाग आपका इधर लगाते रहो, वही हो रहा है। और क्रिकेट के मैच में जब सारे देश को यह पता चल गया है, पहले तो कोई मानता नहीं था इस बात को, अब तो सब कुछ खुल गया है कि सारे मैच फिक्स होते हैं। मैं आपको अभी बता सकता हूं, ये जो क्रिकेट मैच चल रहा है ना भारत पाकिस्तान, ये पहले ही फिक्स है। एक मैच भारत जीता, एक पाकिस्तान जीता, एक ड्रॉ। और अभी जो सीरीज चल रही है इसमें भारत एक मैच से जीतेगा, दो भारत ने जीत लिए, अभी दो पाकिस्तान जीतेगा, आप लिखो इस बात को, और आखिरी मैच भारत जीतेगा। हाँ, ये पहले से फिक्स है सब। और अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में मैच हुआ था भारत का। अच्छा, मैच तो चालू हुआ ही नहीं था, टीम गई थी भारत की, तो लंदन टाइम्स में छप गया सब एडिटोरियल पेज पे कि भारत और पाकिस्तान के ये जो श्रृंखला है वो फिक्स हो गई है, और जो रिजल्ट थे वही आए वहां पे। और ये जो अभी आखिरी मैच हारा इन्होंने, ये जो टेस्ट मैच हारा, कौन सा मैच हारा जिसमें दो दो तीन तीन रन पे, वो फिक्स था पहले से, हार नहीं है इनको, तो हर एक को दो दो तीन तीन रन बना के जाना है। तो अभी सब कुछ खुल गया। अच्छा, तेंदुलकर फंसा है इसमें मैच फिक्सिंग में, मोहम्मद अजहरुद्दीन तो खुलेआम स्वीकार कर चुका है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई रिपोर्ट आ गई है, सारे बड़े खिलाड़ी मैच फिक्सर हैं, मैनेजर तक मैच फिक्सर हैं, जगमोहन डालमिया फंसा हुआ है मैच फिक्सिंग में, सब कुछ मालूम है, फिर भी भीड़ 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 बढ़ती चली जा रही है, तालियों पे तालियां, मालूम है कि छक्का पड़ेगा चौका पड़ेगा, ताली मारने की कोई बात नहीं है, फिक्स है पहले से, लेकिन पागलपन बढ़ रहा है। अच्छा, मैं पहले कहता था तो लोग कहते थे आप तो खपती आदमी है, मैच फिक्स होता, अब सब खुल गया है तो कहते क्या फर्क पड़ता है, हो गया फिक्स, लेकिन हम तो देखेंगे, मजा आता है इसमें, मजा आता है, तो काम छोड़ के मैच देखते रहो, धंधा छोड़ो, व्यापार छोड़ो, नौकरी छोड़ो, मैच देखो, छुट्टी ले लेके मैच देखो, काम का हर्जाना करके मैच देखो। बिल्कुल सही बात। और ये अंग्रेज तो ठंड में क्रिकेट खेलते थे धूप खाने के लिए, और यहां देखो भयंकर अप्रैल की धूप पड़ी है, क्रिकेट चल रहा है, है? हाँ, सर्विसेज में, सर्विसेज में, हाँ, नहीं, ये जो है हेल्थ सेक्टर है, इसमें सर्विसेज में ये भी आता है, इसमें मतलब क्या है, विदेशी कंपनी कोई भी भारत में आके हॉस्पिटल खोल सकती है, और कोई भी पैथी लाके हिंदुस्तान में इलाज करा सकती है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे जो मजाक में कह रहा था कि रूस से एमबीबीएस एमडी की डिग्री लेके कोई आ सकता है लेकिन अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अब डब्ल्यूटीओ की कंडीशन यह है कि आप उसे मना नहीं कर पाएंगे अगले साल से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिन रशियन यूनिवर्सिटीज की डिग्री को मान्यता नहीं दिया आज तक, उन सभी को मान्यता देनी पड़ेगी अगले साल से, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की कंडीशन। तो अब विदेशी डॉक्टर आएंगे, अपनी अपनी डिग्री लेके आएंगे, आप उनको परमिशन दीजिए, और उनको परमिशन दीजिए, जगह जगह वो दुकान खोलेंगे, कोई चाइनीज थेरेपी लेके आ गया, एक्यूपंक्चर, कोई कुछ लेके आ गया, कोई, सब अपना अपना टिम्बकटू यहाँ चलाएंगे, वो कहेगा ये ऐसे टांग उठा लो तो ये वजन कम हो जाएगा, वो ऐसे हाथ उठा लो तो, धंधे चल रहे ना, ये गोली खा लो तो भूखी नहीं लगेगी, बिना खाने के काम चलता रहेगा, ये गोली खा लो तो कल ही वजन इतना कम हो जाएगा फलानी, ये सब अब धोखाधड़ी चलेगी इस देश में, कुछ तो शुरू हुई है, अब कुछ खुलेआम चलेगी। अब बड़ी विदेशी कंपनियां यहां हॉस्पिटल्स की चेन खोलने जा रही हैं। वो चेन क्यों खोल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में टूरिस्ट बहुत आते हैं तो हम टूरिस्ट लोगों को आकर्षित करें, इलाज भी कराएं वो यहां आके, टूरिज्म के साथ इलाज, तो भारत के आयुर्वेद को और थोड़ा एलोपैथी को मिक्स कर करा के वो खिचड़ी तैयार कर रहे हैं एक पैकेज, और उसमें लगे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलने के लिए। अच्छा, ये जो टूरिस्ट आते हैं वो भारत में क्यों आते हैं, उसका कारण ये है कि ये सबसे सस्ता देश है टूरिज्म के हिसाब से,
जितने सस्ते होटल यहाँ उपलब्ध हैं दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं, और हर चीज उपलब्ध है कम पैसे में इस देश में, दूसरे देशों में तो बहुत महंगा है। इलाज भी सबसे सस्ता भारत में ही है, क्योंकि आयुर्वेद अभी भी बहुत सस्ता उपलब्ध है इस देश में। और ये नेता लोग लगे हैं कि हम जो है ना हिंदुस्तान में मेडिकल टूरिज्म डेवलप करें, तो मेडिकल टूरिज्म के नाम पर अब ये सब कंपनियां आ रही हैं। केरल में कई उन्होंने वो शुरू किए हैं केंद्र, अगले एक आध साल में बन के तैयार हो जाएंगे, उनमें ये सब विदेशी आके इलाज कराएंगे, भारतवासियों को भी कहा जाएगा आप भी कराओ, ये सब है। और डॉलर्स में पेमेंट दो और आप उनको ले जाने के लिए खुली छूट, और भारत का आयुर्वेद भारत में ही बेचेंगे, मुनाफा वो खुद कमा के ले जाएंगे, योग को बेचेंगे, प्राणायाम को बेचेंगे, नेचुरोपैथी को बेचेंगे, और ये सब चीजें पेटेंट की दुनिया से बाहर रही अभी तक हमारे यहां, हमने कभी इन पे पेटेंट दिया भी नहीं है, तो उनके लिए बहुत खुले हुए हैं रास्ते। अब पहली बार पेटेंट एक्ट चेंज हुआ है, लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशन फाइल किए हुए हैं। तो स्वास्थ्य में तकलीफ दो आने वाली है वो ये, एक तो दुनिया भर की रिजेक्टेड दवाएं यहां लाके डंप करेंगे, अभी तक जितनी होती है उससे भी ज्यादा, क्योंकि अभी आप उनको रोक नहीं पाएंगे, पहले तो रोकते थे आप, अब रोकेंगे नहीं, WTO की कंडीशन, कुछ भी दवा लाएं, कुछ भी बेचें, कितना भी मुनाफा कमा के ले जाएं। दूसरा कि अब आपके यहां जो मेडिकल टूरिज्म है उसको लगाएंगे ये विकास के रास्ते पे, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करके वो जगह जगह होटल कम स्पा एक शब्द होता है, स्पा खोलेंगे वो, स्पा माने होटल कम मेडिकल सेंटर, ट्रीटमेंट भी मिलता है होटल भी होता है जगह जगह को, और उसमें भारत की जो सर्विसेज की दूसरी इंडस्ट्रीज है वो मदद करें, जैसे कंस्ट्रक्शन में मदद होगी उनसे, भारत की बैंकें उनको लोन उपलब्ध कराएंगी, अगर वो भारत की किसी बैंक के पास जाते हैं लोन मांगने के लिए, बैंक उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट करे तो तबाही मचाने की स्थिति कर दें, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे आप, ये सब होने वाला है। हाँ, और वो थोड़े दिन में बंबई से लंदन या वॉशिंगटन, क्योंकि आपको नेटवर्किंग की जा रही है, एक साल के बाद भारत की बैंकों को विदेशी बैंकें खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, तो उनको सेंट्रलाइजेशन चाहिए, तो सेंट्रलाइजेशन आपका करके फिर वो खरीदे आपको, उस सुविधा में सरकार लगी हुई है। फंड्स ब्लॉक ही नहीं हो सकते, उड़नचू हो सकते हैं, एक माउस के क्लिक से आपके हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं, सबसे खतरा यह है सेंट्रलाइजेशन का। वो क्या करेंगे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको टाटा BSNL का किस्सा मालूम है, BSNL में टाटा ने इन्वेस्ट किया, परिणाम क्या हुआ, एक ही दिन के अंदर BSNL के पास जो रिजर्व फंड पड़े हुए थे टाटा ने वो सारे अपने यहां ट्रांसफर कर दिए, हुआ था ना कि नहीं, BSNL के, हाँ BSNL के रिजर्व फंड पड़े हुए थे, टाटा ने उसको अपनी इंडस्ट्रीज में लगा दिया, बवाल हुआ, और इसी की परमिशन इसने दिया था प्रमोद महाजन ने, जिस पर बाद में उसकी कुर्सी गई, तो उन्होंने फंड्स ट्रांसफर किए, तो टाटा ने तर्क दिया कि जी अब तो हमने इसको टेक ओवर कर लिया है, हम जो करें वो करें। ऐसे ही भारत की बैंकों को टेक ओवर करके आपकी बैंकों में जो फंड्स पड़े हैं वो एक दिन में रायपुर से लंदन ट्रांसफर करें, आप क्या करेंगे उसका है? मार तो आप खाएंगे, मार इसलिए खाएंगे कि आप सामने हैं और आपका कंट्रोलर कहीं और है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर उन्होंने पूंजी निवेश कर दिया तो पॉलिसी मेकिंग बॉडी तो लंदन में बैठी है, न्यूयॉर्क में बैठी है, आप तो उनके आदेश पर काम करने वाले लोग हैं, वो आपको आदेश कहेंगे कि ये यहां ट्रांसफर करो, ये यहां ट्रांसफर करो, जनता कहेगी जी आपने किया बदमाशी, वहां ऊपर से आएगा आदेश। तो ये सेंट्रलाइजेशन जो बैंकों में अभी शुरू हुआ है ये तो फंड्स ट्रांसफर करने में मदद करे इसके लिए हुआ है, जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज सेक्टर होता है उतने ही फंड्स जो है डिसेंट्रलाइज होते हैं, उनको ट्रांसफर करना आसान नहीं होता है, लेकिन अब सेंट्रलाइज हो गया पूरा, एक कंप्यूटर से जुड़ गया पूरा, अब उस कंप्यूटर पर बैठ के कुछ भी करो आप।
और दो चार बार जानबूझ के वो सिस्टम फेल करेंगे ताकि जनता आपसे नाराज होती रहे, थोड़ी गालियां आपको और मिले। आप सोच रहे हो कि जी वहां से कंप्यूटर फेल है, वो फेल करा दिया उन्होंने एक दिन दो दिन, यहां जनता गाली देना शुरू करे, थोड़े दिन में ये गालियां इतनी बढ़ जाए कि वो टेक ओवर ही कर लें कि जी अब आप नहीं चला सकते, हम करते। और बैंकिंग में उनको इक्विटी पार्टिसिपेशन की खुली छूट मिल गई इस साल। इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की कोई भी बैंक को विदेशी बैंक खरीदे, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो कई बिचारी छोटी छोटी बैंकें बिकने को तैयार हैं इस समय। और बैंकिंग इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन जब था इस देश में, तो जो लूटपाट होती थी उससे परेशान होकर नेताओं ने, जनता ने दबाव डाल के इनका नेशनलाइजेशन कराया था। अब वापस आप प्राइवेटाइजेशन में चले जाइए, 1977-78 में, 69 में, हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी पर बहुत दबाव था, बहुत दबाव था। उस दबाव में पब्लिक का इतना दबाव था कि इंदिरा गांधी को चुनाव जीतने के लिए नेशनलाइजेशन करना पड़ा। आपको मालूम है कांग्रेस टूट गई थी उस समय, तो कांग्रेस का जो टूटा हुआ वर्ग था वो नेशनलाइजेशन की बात कर रहा था, तो इंदिरा गांधी को भी उनके कंपटीशन में आने के लिए नेशनलाइजेशन की बात करनी पड़ी। निजलिंगप्पा करके एक बड़े लीडर हुआ करते थे कर्नाटक के, उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनौती दी थी और कांग्रेस के दो हिस्से उन्होंने करा दिए थे। एक हिस्सा इंदिरा गांधी के साथ था, इंदिरा गांधी उस समय बहुत कमजोर थी, एकदम नई नई थी, कोई ज्यादा कांग्रेस में उनको भाव नहीं देता था। निजलिंगप्पा पुराने लीडर थे, तो कामराज, निजलिंगप्पा, ये पुराना साउथ का सारा ग्रुप था, ये नेशनलाइजेशन में लगा हुआ था कि बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, सबका नेशनलाइजेशन हो, क्योंकि जनता के साथ बहुत धोखाधड़ी होती थी। ये प्राइवेट कंपनियों ने बैंक खोले हुए थे, टाटा बिरला डालमिया, ये सब लूटने में लगे हुए थे उस समय, बैंकों में भी बीमा में भी। तो निजलिंगप्पा ने नारा दिया था नेशनलाइजेशन का, तो इंदिरा गांधी के सामने मजबूरी हो गई थी कि अगर चुनाव जीतना है तो नेशनलाइजेशन करना पड़े। तो चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन लाया था और उस पर वो चुनाव जीती। बाद में फिर वो जो बांग्लादेश युद्ध हुआ उससे थोड़ी उनकी ताकत बढ़ी और धीरे धीरे अपने प्रभाव को, क्योंकि जनता की तरफ से इतना बवाल हो रहा था उस समय, कोई भी सरकार आती उसको नेशनलाइजेशन करना ही पड़ता, बिना किए वो टिक नहीं सकती थी। जैसे आज वैट का विरोध करना ही पड़ रहा है कई राज्य सरकारों को, नहीं तो टिक नहीं सके, वैसे ही हालत थे उस समय 69, उन कंडीशंस में ये हुआ था नेशनलाइजेशन। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल इनका है, सवेरे से मैं इंतजार कर रहा था ऐसा कोई सवाल पूछे। WTO को कैंसिल किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। WTO के पहले अध्याय का 16वें नंबर का अनुच्छेद कह रहा है, कहता है, एनी मेंबर कंट्री कैन विड्रॉ एट एनी टाइम फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। कोई भी देश इसमें से बाहर आ सकता है कभी भी, माने WTO को कभी भी कैंसिल किया जा सकता है, ये अधिकार हमारे पास है जिन्होंने साइन किया। अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर है कि WTO की जो काउंसिल है वहां एक चिट्ठी भेजनी पड़ेगी कि हम WTO में नहीं रहना चाहते। जिस दिन आप चिट्ठी भेजेंगे उसके ठीक 6 महीने के बाद WTO एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा आपके लिए, कैंसिल होना कोई मुश्किल नहीं, बशर्ते कि आप सरकार पर दबाव बना सके, कैंसिल हो सकता है। कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता जब होता है ना, तो कैंसिल होने का भी उसमें रास्ता रहता है, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट। है फिर, हां, वो उसके बाद की क्या होने वाली है स्थिति, वो ये है कि ये जो देश जो आपके खिलाफ होंगे वो आपको पैसा नहीं देंगे, कर्ज नहीं देंगे, तो आप अपनी व्यवस्था खुद चलाइए, कर्ज लेना बंद कर दीजिए, आपका माल कम बिकने देंगे तो एक्सपोर्ट पे निर्भरता कम रखिए, इंटरनल मार्केट पे ही भरोसा रखिए, ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी तो अपनी टेक्नोलॉजी खुद विकसित करिए, ये होगा। लेकिन ये थोड़े दिन होगा, थोड़े दिन में आप इसमें से निकल आएंगे तो फिर वो देश आपके सामने खड़े हो जाएंगे।
क्योंकि सैंक्शंस ज्यादा दिन किसी देश पर नहीं लगाए जा सकते, अंत में सरेंडर होना पड़ता है, क्योंकि हर देश के पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरों के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे हमारे पास चाय है, कॉफी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, दूसरे देशों में इतने नहीं है, बहुत कम है, तो उनको ये तो सब चाहिए हमसे। हमारे पास बेस्ट क्वालिटी डायमंड्स हैं, बेस्ट क्वालिटी हम लोग जेम्स एंड ज्वेलरी तैयार करते हैं, ये तो उनको चाहिए हमसे। तो ये थोड़े दिन करेंगे, हाँ ऑयल में आएगी, तो आप उसके लिए अपनी व्यवस्था बना लीजिए, मत इस्तेमाल करिए डीजल पेट्रोल, गोबर गैस का इस्तेमाल करिए, जेट्रोफा तेल का इस्तेमाल करिए, होंगे सीड्स को ऑयल के रूप में इस्तेमाल करिए, अरंडी के तेल से सब गाड़ियां चल सकती हैं, पूरे देश में अरंडी लगवा दीजिए, सब गाड़ियां चलती हैं अरंडी के तेल से, सरसों के तेल से सब गाड़ियां चलती हैं, खूब आराम से ट्रैक्टर चलता है, मारुति चलती है, सब चला के देखा है लोगों ने, प्रॉब्लम नहीं है आप, हाँ सरसों के तेल से सब तरह की गाड़ियां चलती, कुछ नहीं मिलाना, सरसों के तेल को सीधे आप भरिए उसमें टैंक में, मारुति में भर दीजिए, चाहे डीजल से चलने वाली कोई भी गाड़ी सरसों के तेल से चलती है, अरंडी के तेल से चलती है, करंजी के तेल से चलती है। तो आपको बस इतना करना पड़ेगा कि पूरे देश में इसकी खेती ज्यादा करवाइए, ताकि उत्पादन इतना हो कि आप डीजल की जरूरत पूरी कर लें, और जो थोड़ा बहुत बचे तो गोबर गैस का इस्तेमाल करिए, गोबर गैस से सब गाड़ियां चल सकती हैं। तो इसलिए डीजल पेट्रोल पे निर्भरता कम कर दीजिए, सूरज की ऊर्जा से चला लीजिए, उससे सब गाड़ियां चल सकती हैं, इसमें तो अब कोई समस्या नहीं है, ये तो समस्या हल हो गई है, डीजल पेट्रोल के बारे में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही है कि खेती इसकी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जितनी ऊसर जमीन पड़ी है इन सब में यही पेड़ लगवा दीजिए, देखिए अरंडी का पेड़ कहीं भी हो जाता है, रतन जोत कहीं भी हो जाता है, करंज का पेड़ कहीं भी हो जाता है, तो जो कहीं भी होने वाले ऑयल सीड्स हैं कब आइए उनको, और किसान करेगा, किसान को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी देते जाइए इसी के लिए, हाँ सवेरे बात हो रही थी ना, इसके लिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी दीजिए आप उसे, तो आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का इस्तेमाल हो जाएगा। अब समस्या कोई नहीं है, समाधान है, बस उस पर चलना है। पहले यह लगता था कि समस्या है दिखाई नहीं देता, अभी कुछ भी समस्या नहीं है, समस्या है तो समाधान है, बस उस पर चलने का काम करना। भारत में अगर ऐसा अभियान 3-4 साल चल जाए कि सब किसान इस पर लग जाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्ष, और ऐसे वृक्ष लगाएं जो तेल देते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, तो इतने से पूरा देश खड़ा हो जाएगा, कोई WTO में हम रहे ना रहे कोई फर्क नहीं। हमारी एक ही कमजोरी है कि हम जितना डीजल पेट्रोल फूंकते हैं उतना नहीं होता, यही एक कमजोरी है, तो इसको ठीक कर लें। हाँ 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 इनका बहुत अच्छा सवाल है, विश्व में ऐसा कोई देश है जो WTO का मेंबर नहीं है? विश्व में इस समय 84 देश हैं जो WTO के मेंबर नहीं है, क्यूबा नहीं है, क्यूबा नहीं है, इराक नहीं है, ईरान नहीं है, सीरिया नहीं है, इजिप्ट अभी निकलने की तैयारी में बैठा हुआ है, वेस्ट इंडीज के बहुत सारे देश निकल गए हैं, लैटिन अमेरिका के कई देश इसमें से बाहर आ गए हैं, तो 84 देश हैं दुनिया में इस समय जो WTO के मेंबर नहीं, और मजे से चल रहे हैं, वो कोई तकलीफ नहीं है उनको। क्यूबा के बारे में तो कल या परसों जनसत्ता में बहुत बड़ा लेख आया, आप सब पढ़ लीजिए, वो देश कभी WTO का मेंबर 10-12 साल से नहीं है, पहले था, निकल गया, और तब से वो अपने को बना रहा है। क्या हुआ, जैसे क्यूबा WTO से बाहर हुआ, अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगा दिए, हम मदद नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो क्यूबा की सरकार ने रोना धोना बंद कर दिया, उन्होंने कहा हम अपने को खड़ा करेंगे, कर लिया खड़ा उन्होंने 12 साल में,
उनके यहाँ क्या था, डीजल पेट्रोल इन्होंने बंद करा दिया, अमेरिका के कंट्रोल में है ना सब अरब देश, तो उन्होंने किया साइकिल बनाओ, साइकिल चलाओ, साइकिल मंगाओ, साइकिल से काम करो, तो क्यूबा की बड़ी आबादी अब साइकिल में काम करती है, और बाकी थोड़े बहुत डीजल पेट्रोल की जरूरत है तो उन्होंने भी यही किया, करंजी लगवाया, जत्रोफा लगवाया, होंगे सीड्स वहां बहुत करवाए, उससे तेल बनाते हैं, और शुगर केन का ये जो है ना जूस, उसमें से एथिल अल्कोहल बना लेते हैं, उससे सब गाड़ियां चलाते हैं वो अपनी, किसी पे निर्भर नहीं है, और खेत उत्पादन में उन्होंने अपने को डबल कर दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे क्यूबा में होती है, और इतनी जबरदस्त ऑर्गेनिक फार्मिंग के गन्ना जो उनके यहाँ 7-8% की रिकवरी का था, आज 15-16% रिकवरी का कर लिया, अन्न उत्पादन बढ़ाया, फल उत्पादन बढ़ाया, वृक्ष बहुत लगवाए वहां पर, ये सब किया, शिक्षा में अपने को पूरी तरह से स्वावलंबी बना लिया, खड़ा कर लिया, अपने बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को पूरी तरह से विदेशियों के प्रभाव से मुक्त कर दिया, और छोटा सा देश है, अमरीका के बिल्कुल नीचे है, रोज अमरीका उसको धमकी देता और वो अमरीका के सामने कहता है ताल ठोक के, हाँ हवाना में सिगार की बहुत बड़ी इंडस्ट्री रही है सैकड़ों साल से, क्योंकि उनके पास बेस्ट क्वालिटी तंबाकू होती है, जो सिगार में इस्तेमाल होती है वो तंबाकू दुनिया के कुछ ही देशों में होती है, उनमें से क्यूबा एक है, तो वो दुनिया भर को सिगार पिलाते हैं लेकिन किसी से कुछ लेते नहीं है, आजकल वो कुछ इम्पोर्ट नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा अपने यहां पैदा करते हैं, तो अब सब देश झुक गए उनके सामने, शुरू में अमेरिका ने सैंक्शन लगाया तो अमेरिका समर्थक सब देशों ने लगाया, तो क्यूबा ने कहा ठीक है हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे, 10-12 साल थोड़े कठिनाई में बीते लेकिन आज वो खड़े हो गए, खड़े होते ही जिन देशों ने सैंक्शन लगाया था उन्होंने फिर व्यापार चालू कर दिया उनके साथ, क्यूबा के साथ, तो अब अमेरिका भी ढीला पड़ गया, तो WTO से बाहर निकल के कैसे जिंदा रहा जा सकता है इसका सबसे बड़ा कहानी है क्यूबा। क्यूबा ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बिना WTO के हम जिंदा रह सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। यही कोशिश करने में लगा हुआ था सद्दाम हुसैन जब अमेरिका ने उसको मारा, लेकिन अभी अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटा देने के बाद जो नई सरकार बनी है वो भी कह रही है हम WTO में नहीं जाएंगे। नई सरकार जो बनी है ना, शिया लोगों की सरकार अभी आई है वहां पर, वो कह रहे हैं हम भी नहीं साइन करेंगे WTO। तो बिना WTO के 84 देश हैं, आराम से रह रहे हैं, मजे से रह रहे हैं, हमसे अच्छी हालत है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आता भी है तो वो फटकार के बोल देते हैं तुम तुम्हारे घर में देखो हमें क्या करना है वो हम तय करेंगे, किसी से कर्ज नहीं लेते, मदद नहीं लेते, अपनी मस्ती में जी रहे, ऐसे ही है। चाइना WTO में आया शुरू में, बीच में निकल गया, फिर अभी 3 साल पहले आया, हाँ अपना कंडीशन बदल के आया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके आया, और चाइना इसलिए आया कि आज चाइना इस स्थिति में है कि दुनिया के सब देशों में माल बेचे अपना, और उनका माल सस्ता बहुत है और उनको मार्केट चाहिए, तो WTO में आने से उनको मार्केट मिल गया कई देशों का, इसलिए वो आया, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इसलिए वो WTO में आया चाइना, वरना जब तक चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करता था WTO का मेंबर ही नहीं था, वो रिजेक्ट किया हुआ था उन्होंने शुरू में जब WTO बना था 1948 में, 3-4 साल चाइना रहा, जब माओ की क्रांति आई ना तो WTO छोड़ दिया उन्होंने, 1951 से लेके और 2001 तक चाइना WTO के बाहर रहा 40 साल, और अपने को पूरा खड़ा कर लिया उन्होंने बिना WTO के, फिर उन्होंने देखा कि अब हमको एक्सपोर्ट बहुत करने का रास्ता मिल जाएगा, तो WTO 2001 में ज्वाइन किया उन्होंने, और वो भी अपनी कंडीशन पे। तो सभी देश अपनी जरूरत के हिसाब से काम करते हैं, हम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। 40 साल चाइना बिना WTO के जिंदा रहा, 12 साल से तो हम क्यूबा को देख रहे हैं बिना WTO के जिंदा है, इराक भी जिंदा है, ईरान भी जिंदा है, सीरिया भी जिंदा है, वेस्ट इंडीज के बहुत सारे देश जिंदा हैं, मॉरिशस जिंदा है बिना WTO के, बहुत सारे देश, लग्जमबर्ग में WTO नहीं है, पनामा में WTO नहीं है, फिर ये आपका बहामा में WTO नहीं है, ये सब देश जिंदा है बिना WTO के।
हाँ, जनता का दबाव हो तो करे। क्यूबा में तो क्या है, डिक्टेटरशिप है। हाँ, तो फिडेल कास्ट्रो जो कहता है, जनता भी वही कहती है, एक्चुअली फिडेल कास्ट्रो वही कहता है जो जनता चाहती है, इसलिए वो 20 साल से उसको कोई हटा नहीं पा रहा है। अमरीका ने बड़ी उसके खिलाफ साजिश रची है, सीबीआई को लगाया, एफबीआई को लगाया, सबको लगाया, सीआईए ने इतने षड्यंत्र किए हैं फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ, आप सोच नहीं सकते। लेकिन जनता का इतना जबरदस्त सपोर्ट है उस आदमी को कि उसका बाल बांका नहीं होने देती जनता, जनता उसको बहुत प्रेम करती है। और फिडेल कास्ट्रो के बारे में वहां की जनता कैसी देखो, माने बिल्कुल ईश्वर मानती है उसको, देवता, ये हमारा ईश्वर है। जब फिडेल कास्ट्रो बोलने के लिए खड़ा हो जाता है, 10-10 घंटे लोग बैठ के सुनते हैं, एक आदमी उठ के नहीं जाएगा। हाँ, 83 साल की उम्र है और बोलता है, ऐसा बोलता है 10 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे बोलता है, अमेरिका की पोल खोलता है अपने देश में। और टीवी चैनल नहीं है ज्यादा उनके यहां, एक टीवी चैनल है वो उनका अपना है, रेडियो है उनके यहां, रेडियो स्टेशन है। जनता को उसने, अपने देश की जनता को क्रिकेट देखने नहीं दिया उसने आज तक, वो क्रिकेट नहीं आने देता आपने टीवी चैनल। और उसके यहां ये वल्गर अश्लील फिल्में नहीं आ सकती क्यूबा में, ये सब उसने सख्ती से बंद किया हुआ है। संस्कृति में क्यूबा की ही संस्कृति चलेगी, जो होगा वही खाएंगे, बाहर से कुछ नहीं लाएंगे, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं उसने। और अपने देश को बनाया है उसने, बहुत मेहनत से बनाया, और वहां की जनता ने उसको सपोर्ट किया। देखिए, कोई भी देश बनाने के लिए खड़ा होता है तो जनता मदद करेगी, ये तो सीधी सी बात है, चाहे भारत में हो चाहे क्यूबा में हो। भारत में अगर कोई खड़ा हो जाए देश बनाने के लिए, जनता उसको मदद करेगी। है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कोई जरूरत नहीं है भारत में प्रेसिडेंशियल, नहीं एक आदमी की जरूरत नहीं है, भारत का तो समाज ही भारत को बनाने के लिए सफिशिएंट है। सरकार कोई मदद ना करे इस देश को तो भी यह देश अपने को बना सकता है। इस देश में इतनी ताकत है कि सरकार से बिना एक पैसे की मदद लिए हुए यह देश खड़ा हो सकता है। बस महत्व की बात यह है कि उसको करने वाले लोग लग जाएं उस दिशा में। बस अपने देश में एक ही खराब बात है, बड़ा बहुत है। क्यूबा जैसा अगर हमारा देश होता तो 3 साल में हम भी खड़ा कर देते, क्यूबा जैसे हमारे यहां 30 देश हैं। क्यूबा उतना बड़ा है जितने हमारे यहां 30 देश हैं। नहीं, 30 फिडेल कास्ट्रो चाहिए। 30 फिडेल कास्ट्रो चाहिए। क्यूबा की कहानी सच में आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए। वो अखबार है आपके पास तो दीजिए सबको, फोटोकॉपी करा के कल सवेरे लाइए और पढ़ के सुनाइए सबको। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो क्यूबा की एम्बेसी को ईमेल पे कांटेक्ट करिए। दिल्ली में क्यूबा की एम्बेसी है, ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, गूगल में सर्च करिए और उनको कहिए कि आपके देश की पिछले 20 साल की कहानी हमें भेज दो, वो सब भेज देंगे, कैसे कैसे क्या क्या किया। तो आप केस स्टडी करिए और आपको ये अद्भुत बात समझ में आएगी कि बिना अमेरिका के सहयोग के, बिना WTO में जाए हुए, बिना वर्ल्ड बैंक का एक पैसा लोन लिए हुए, बिना IMF से लोन लिए हुए, बिना एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिए हुए, एक देश ने अपने आप को कैसे खड़ा किया। हाँ, ग्राम स्वराज असली वही है साहू जी, वो गांधी जी को मानते नहीं लेकिन ग्राम स्वराज क्यूबा ही में इस समय, एक एक ग्राम पंचायत वहां की इतनी स्वतंत्र है कि फैसला करे तो केंद्र सरकार उसको पलट नहीं सकती। क्यूबा की ग्राम पंचायतों को इतना ताकत है। कैंटोन उनके इतने पावरफुल हैं कि वहां की कोई सरकार कैंटोन के फैसले नहीं बदल सकती। असली ग्राम स्वराज उन्होंने लाया है लेकिन गांधी जी को वो मानते नहीं है,
लेकिन उनको समझ में आता है कि यही रास्ता है। तो आप मंगाइए वहां की हिस्ट्री, स्टोरी वो भेजेंगे, उसको जानिए समझिए। ऐसे और भी देश हैं, मैंने आपसे कहा लग्जमबर्ग है, कभी WTO का मेंबर नहीं रहा, कैसे जिंदा है पता करिए, जान लीजिए। पनामा है, वो कभी WTO का मेंबर नहीं है। ईरान WTO का मेंबर नहीं है, जिंदा है, अच्छे से जिंदा है। नॉर्थ कोरिया WTO का मेंबर नहीं है, बहुत अच्छे से जिंदा है, आराम से काम चल रहा है उसका। है धमकियां भले मिलती रहे लेकिन देश तो चल रहा है, खत्म थोड़ी हो गया। धमकियां तो आपको भी मिलती रहती हैं, उससे क्या। तो ऐसे 84 देश हैं बिना WTO के आराम से अपना काम चला रहे। जिस लालच में हम WTO में गए वो छोटा था, दबाव बहुत बड़ा था। हमें लालच ये था कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपनी ही जनता इतनी बड़ी है कि इसी को फीड करना मुश्किल है। एक्सपोर्ट तो तब हो जब सरप्लस ज्यादा हो आपके पास। तो ये तो छोटा लालच था, दबाव बड़ा था, इसलिए हम WTO में। जिन देशों के पास प्रोडक्शन में सरप्लस है उनके लिए WTO अच्छा है, बहुत ज्यादा हर चीज होती है आपके यहां, जरूरत से बहुत ज्यादा, उनके लिए ठीक है। हमारे यहां कोई चीज जरूरत से बहुत ज्यादा नहीं है, ना गेहूं, ना चावल, ना चना, ना दाल, ना गन्ना, ना डीजल, ना पेट्रोल। हमको जरूरत नहीं थी WTO में जाने की, वो तो हम चक्कर में फंसे हैं कर्जे के, इसलिए उसमें चले गए। हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग कंट्रीज को ही फायदा है ना WTO में, मार्केट बड़ा मिलता है आपको एक साथ, और उनको मार्केट ही चाहिए। कहीं से कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है, दोनों ही के लिए मार्केट चाहिए उनको, इसलिए उनके लिए ठीक है WTO। हाँ वो किसी भी नागरिक को कंज्यूमर मानते हैं, और फैमिली में जितने ज्यादा मेंबर उतने ज्यादा कंज्यूमर। तो उनके यहां क्या होता है कि फैमिली डिवाइड हो तो उनको बहुत अच्छा है, फैमिली एक साथ रहे तो तकलीफ है। उनकी नेशनल इकोनॉमी तभी चलती है जब परिवार खंड खंड टूटे, पत्नी अलग रहे, पति अलग रहे, बच्चे अलग रहे, तो उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छे से चलती है, क्योंकि छोटी इकोनॉमी है, परिवार से नहीं चल सकती, अलग अलग इंडिविजुअल लोग रहे तो अच्छे से चलती है, इसलिए वो सब व्यवस्थाएं वैसी ही करके चलते हैं। अकेले जीवन को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उन्हीं का इन्वेंशन यूरोप ने किया है, अकेले जीवन को चलाने के लिए। जैसे रेफ्रिजरेटर है, पारिवारिक जीवन में रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हर चीज गर्म तैयार है, खाने में भी, नाश्ते में भी, बनाने में भी। अब अकेला जीवन है तो कोई चीज गर्म नहीं मिलने वाली, तो फ्रिज चाहिए, तो इन्वेंशन किया उन्होंने। वॉशिंग मशीन कहां चाहिए, अकेला जीवन है तो कपड़ा धोने हैं तो वॉशिंग मशीन चाहिए, सामूहिक जीवन है जरूरत ही नहीं वॉशिंग मशीन की। अकेला जीवन है तो माइक्रोवेव ओवन चाहिए, तो उन्होंने इन्वेंशन किया है, हमारे यहां जरूरत नहीं है तो हमने नहीं किया। अकेला जीवन है तभी टीवी चाहिए, क्योंकि आपके पास बात करने वाला तो कोई नहीं है तो बैठे बैठे देखते रहो। अकेला जीवन है, पत्नी भी अकेली है, पति भी अकेला है, कोई बात करने वाला नहीं है, समय कैसे काटे, तो देखते रहो टीवी बैठे बैठे, कभी ये फिल्म देखो, कभी वो फिल्म देखो, चैनल बदलते रहो, उसी में टाइम पास करो, देखते देखते सो जाओ, फिर सवेरे फैक्ट्री में जाओ, मशीन की तरह से काम करो, फिर शाम को आओ, टीवी देखो, फिर खाओ, फिर सो जाओ। तो अकेले जीवन को ध्यान में रखकर उन्होंने सारे इन्वेंशन किए, सारे के सारे इन्वेंशन, चाहे माइक्रोवेव ओवन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे उनके यहां वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, पानी गर्म करने वाला हीटर, ये सब अकेले जीवन के अप्लायंसेस हैं। कोई है ही नहीं सहयोग करने वाला,
तो आपको पाव रोटी चाहिए, डबल रोटी चाहिए, ये चाहिए, पैक्ड भोजन चाहिए, डिब्बे में बंद सब्जी चाहिए, डिब्बे में बंद अचार चाहिए, कोई है ही नहीं ना आपको अचार बना सके ना सब्जी बना सके, अकेला जीवन है, तो करते रहिए यही सब। अब हमने क्या किया है कि अकेले जीवन की चीजों को हिंदुस्तान के परिवारों में घुसा दिया है, वो सब है अकेले जीवन की चीजें। हम फ्रिज ले आए उनकी नकल करके, माइक्रोवेव ओवन ले आए, टेलीविजन ले आए, वगैरह वगैरह, और हर कमरे में टेलीविजन लगा दिया, अलग अलग देखते रहो, अलग अलग चैनल, माने परिवार को सामूहिकता से तोड़कर अकेले अकेलेपन में हमने डाल दिया। फिर हम परेशान है जी, तनाव बढ़ रहा है, तो पढ़ने वाला है वो, तो संवाद नहीं होगा तो तनाव बढ़ेगा। अब वहां ये जो मल्टीप्लेक्स थिएटर होते हैं यूरोप में, वो भी अकेलेपन को काटने के साधन है। मल्टीप्लेक्स थिएटर का माने अकेले बैठ के आप मूवी देख सकें बॉक्स में, कोई दूसरा आपके साथ शेयर कुछ ना करे, तो वैसे ही मल्टीप्लेक्स थिएटर यहां आ गए। आपने देखे ना बॉक्स बने रहते हैं, उसमें आप अकेले बैठ के देखते रहिए। हमारे यहाँ जो हिंदुस्तानी थिएटर है वो कैसे हैं, लाइन से लाइन कुर्सी लगी हुई है, तो आप मूवी भी देखिए अगल बगल में भी देखिए। मल्टीप्लेक्स थिएटर में अगल बगल में देखेंगे तो दीवार दिखेगी, सामने मूवी दिखेगी, आदमी नहीं दिखेगा, आप लोग नहीं दिखेंगे। ये हमने किया है। अच्छा, इसको हम समझते हैं हमने बड़ा भारी काम कर लिया, विकास कर लिया, आदमी को अकेले बना दिया, ये कोई विकास नहीं हुआ है। उनके यहां परेशानी में आदमी अकेला रहता है, हमने उनको उनकी परेशानियों को बिना सोचे समझे अपने यहां उतार लिया। अब जैसे हमारे यहां आजकल एक परंपरा बहुत आ गई है हिंदुस्तान में, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है हिंदुस्तान, हाँ मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है। आपने कभी रामचरितमानस में पढ़ा भगवान राम ने मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, या कभी महाभारत में पढ़ा? हम सेलिब्रेट करते हैं। ये यूरोप में होता है। यूरोप में क्या होता है कि शादी टिकती नहीं, एक साल टिक गई तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो सेलिब्रेट करते हैं मैरिज एनिवर्सरी। वहां तो सवेरे शादी हुई शाम को तलाक होता है, दो दिन टिक जाए, तीन दिन टिक जाए बड़ी बात है, हफ्ते भर टिक जाए और बड़ी बात है, महीने भर टिके तो उससे भी बड़ी बात है, साल भर टिक गया तो आपने रिकॉर्ड बना लिया, ऐसे समय तो उसको सेलिब्रेट करते हैं कि चलो हम मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान में लगे हैं मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर, क्या पागल लोग हैं, ऐसे ऐसे यहां धंधे होते हैं। ये जो हमारे यहां आजकल एक और चीज बहुत तकलीफ देर हो रही है, जन्मदिन मना रहे हैं बच्चों के, कभी भारतीय परंपरा में यह सब नहीं रहा है। हमारे यहां जन्मदिन सिर्फ भगवान का मनाया जाता है, राम का, कृष्ण का, हनुमान जयंती होती है वगैरह वगैरह, साधारण लोगों के जन्मदिन नहीं मनाए जाते। यूरोप में है। यूरोप में क्यों है? क्योंकि उत्सव मनाने के कम से कम रास्ते वहां पर हैं, कम से कम घटनाएं हैं। अब वहां होता क्या, जन्मदिन मनाने का वो क्या है, फिलोसफी क्या है? पति पत्नी अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। जन्मदिन मनाना तो पति पत्नी के मिलने के बहाने के लिए है, कि बच्चे के जन्मदिन के बहाने पति पत्नी जो दोनों अलग रहते हैं वो एक दिन मिल जाएं, इसके लिए है सेलिब्रेशन। पूरे यूरोप में होता है, और यूरोप में 80% पति पत्नी बच्चों से अलग रहते हैं, 80% बच्चे अलग हैं, माँ अलग है, बाप अलग है, एक ही शहर में है तो भी अलग अलग अपार्टमेंट में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में होंगे तो एक नीचे एक बीच में एक ऊपर, ऐसे रहेंगे, साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो प्राइवेसी का प्रॉब्लम आता है, कोई भी अपनी प्राइवेसी में दूसरे को दखलंदाजी करना पसंद नहीं करता। तो फिर क्या है, कुछ ऐसे रास्ते खोजो ताकि साल में एक बार तो मिले। तो मैरिज एनिवर्सरी तो बहुत रेयर होता है, क्योंकि साथ में पति पत्नी रहे तब सब, तो बच्चों के जन्मदिन के बहाने वो इकट्ठे होते हैं साल में, पत्नी भी आ जाती है, पति भी आ जाती है, बच्चा आ जाता है, और कहीं दादा दादी हो तो वो भी आ जाते हैं, सवेरे से शाम तक मौज मजा करते हैं, फिर अलग अलग चले जाते हैं, हो गया। अब हमने नकल करके हिंदुस्तान में बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है, बहुत खराब। हिंदुस्तान में कभी साधारण नागरिकों का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता है,
हमारे यहाँ भगवान राम का होता है, कृष्ण का होता है, हनुमान जी का होता है, शंकर जी का होता है, पार्वती का होता है, इनका होता है, लोगों का नहीं होता है। हाँ, वो तो चाचा नेहरू बाल दिवस होता है 14 नवंबर को, कांटे झुर एक जो है ना, हम लोगों ने एक काम किया है, आपको उसमें बहुत हंसी आएगी। यूरोप की जो प्राइवेट लाइफ है ना, उस पर आजकल मैं थोड़ी स्टडी कर रहा हूं, उनका जो प्राइवेट लाइफ है। प्राइवेट लाइफ समझते हैं, घर के अंदर का जीवन, घर के बाहर का तो दिखाई देता है सबको, क्या करते हैं कैसे करते हैं, लेकिन उनकी जो निजी जिंदगी है उसमें वो जो करते हैं उसकी फिलॉसफी क्या है। देखिए, दुनिया में क्या होता है कि कुछ भी कोई करे तो उसके पीछे एक फिलॉसफी होती है। ऐसे ही कोई कुछ नहीं करता है, जैसे हम तिलक लगाते हैं तो उसकी कोई फिलॉसफी है, चंदन लगाते हैं तो कोई फिलॉसफी है, मंदिर में जाते हैं घंटा बजाते हैं तो ऐसे ही घंटा नहीं बजाया जाता, उसकी कोई फिलॉसफी है, गाय को रोटी खिलाते हैं तो कोई फिलॉसफी है। ऐसे यूरोप वाले भी जो कुछ करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी फिलॉसफीज हैं। छोटी छोटी बातें मैं समझाता हूं आपको, कभी कभी मैं बताता हूं, लोग बहुत हंसते हैं, आप इसमें हंसना कम, समझने की कोशिश ज्यादा कर। जैसे यूरोप में सभी घरों में कमोड होता है, टॉयलेट कमोड सिस्टम होता है, सीट वाली संडास होती है। हमने भी थोड़ी नकल करके आजकल बनाना शुरू किया है, अपने अपने घरों में कमोड सिस्टम वाला संडास हम बनाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है हम बड़े स्मार्ट हैं क्योंकि हमारे घर में कमोड है। ये कमोड यूरोप में क्यों है वो जानना चाहिए। यूरोप के लोगों का जो खाना पीना है वो बहुत तकलीफ वाला है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि जहां परिवार व्यवस्था नहीं होती वहां सबसे ज्यादा खराब अगर कोई चीज होती है तो खाना पीना होता है। कोई भी चीज उनको गर्म खाने को मिल नहीं सकती क्योंकि कोई साथ में किसी के नहीं रहता है, हर चीज उनको ठंडी खानी है और वो भी डिब्बा बंद खानी है। तो डिब्बा बंद खानों की एक विशेषता है कि वो जो है पचते नहीं है जल्दी। गर्म खाना जितनी जल्दी पचता है, ठंडा खाना उतनी ही देर में पचता है। आपने बचपन से सुना होगा गर्म खाना खाओ, ताजा खाना खाओ, माँ कहती है ना, वो वैज्ञानिक है। गर्म खाने से जूस बहुत अच्छे बनते हैं शरीर में, पाचन अच्छा होता है। यूरोप में प्रॉब्लम है कि गर्म खाना कभी मिलता ही नहीं, एक। दूसरा, पानी उनके यहां एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है, पानी। पानी प्रॉब्लम क्या है, हमको जिस तरह ताजा पानी उपलब्ध है, हर घर के सामने एक चापाकल लगाया और पानी निकाला, एक कुआं खोदा पानी निकाला, एक ऐसा किया, यूरोप में यह कल्पना कोई नहीं कर सकता कि घर के सामने पानी मिल जाए। उनको पानी सेंट्रलाइज तरीके से मिलता है, एक बहुत बड़ा टंकी बनाया जाएगा, बोर से पानी खींच के उस टंकी में डाला जाएगा, टंकी घरों में जाएगी, फिर घरों में पानी आएगा। तो पानी उनके यहां बहुत बड़ी समस्या है। अब पानी वहां पर क्या होता है कि साल में 6 से 8 महीने भयंकर पड़ती है ठंड, है ना, और इतनी ठंड के -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो पानी उनके यहां हमेशा बर्फ के रूप में रहता है। अब उसी को किसी तरह थोड़ा बहुत पिघला के वो पीते रहते हैं, लेकिन टेम्परेचर बहुत कम रहता है उस समय भी। कितना भी पिघलाओगे तो टेम्परेचर बहुत ही कम रहेगा। ठंडे पानी की एक विशेषता है कि वो पेट में जाके अंतड़ियों को सिकोड़ देता है, खासकर बड़ी आंत को। अब बड़ी आंत जब सिकुड़ जाएगी तो संडास कभी भी साफ नहीं आएगी, कभी भी कॉन्स्टिपेशन होगा। तो यूरोप और अमेरिका के सब लोग बेचारे ये ठंडा पानी जो पीते हैं इससे उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत है, इतना कॉन्स्टिपेशन है कि 4-4 दिन संडास नहीं जाते। आप सोच सकते हैं, 4 दिन नहीं जाते, 5 दिन नहीं जाते, इतना कॉन्स्टिपेशन। और जब वो संडास जाते हैं तो जल्दी उतरती नहीं है, 1 घंटे बैठते हैं 2 घंटे बैठते हैं 2 घंटे बैठते हैं। कोई भी यूरोपियन और अमेरिकन टॉयलेट रूम में साधारण रूप से 1 घंटा तो बैठता ही है, किसी तरह टट्टी उतरे, और इतनी ताकत लगाता है, आप कभी उसको देखो या सुनो आप पागल हो जाओ, इतना जोर लगाएगा टट्टी उतारने के लिए, आप सोच नहीं सकते। इसलिए वहां क्या होता है कि ये है हूं हों जो चलता रहता है, इसलिए टॉयलेट रूम थोड़ा दूर रखते हैं, बहुत नजदीक में नहीं रखते,
दूर रखते हैं ताकि ये आवाजें ज्यादा नहीं आए। और टॉयलेट रूम में आजकल उन्होंने वो सब शुरू कर दिया है टेलीविजन और ये सब, ताकि टीवी की आवाज में ये दबा रहे और बैठा बैठा वो टॉयलेट पॉट पे देखता रहे। अब मुश्किल उनकी क्या है कि एक डेढ़ घंटे बैठना है, तो हिंदुस्तानी स्टाइल में तो बैठेगा तो पांव में झंझनी चढ़ जाएगी, एक घंटे कैसे बैठेगा, हिंदुस्तानी स्टाइल में तो नहीं बैठ सकता। तो उन्होंने कमोड सीट बना लिया, तो इस पे आराम से बैठो, एक घंटे बैठना पड़े तो एक घंटे, डेढ़ घंटे बैठना पड़े डेढ़ घंटे, दो घंटे, और बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहो, मैगजीन देखते रहो। तो इसलिए सभी यूरोपियन फैमिलीज में लाइब्रेरी जो होती है वो टॉयलेट रूम में ही होती है, किसी के बेडरूम में लाइब्रेरी नहीं होती, किसी के भी ड्राइंग रूम में लाइब्रेरी नहीं होती, टॉयलेट रूम में ही होती है। किताबों की एक शेल्फ मिलेगी, न्यूज़पेपर मिलेगा, मैगजीन मिलेगी, संडास मिलेगी, बैठ जाइए अखबार पढ़ते रहिए। अखबार 60-70 पेज के हैं, पलट पलट के भी देखो तो एक सवा घंटा निकल जाता है, उतनी देर वो संडास पे बैठते हैं। तो उन्होंने ये जो टॉयलेट सीट बनाई है, आराम से बैठे एक डेढ़ घंटे तक काम चल जाए इसके लिए बनाइए। अब वो उनकी मजबूरी है, टॉयलेट उतरता नहीं है तो एक डेढ़ घंटे बैठना पड़ता है। हम हिंदुस्तानियों ने उसकी नकल कर लिया और बना लिया अपने यहां कमोड सीट, जबकि हमको 5 मिनट में टॉयलेट उतरती है। और वो 5 मिनट का कारण हिंदुस्तानियों का ये है कि हिंदुस्तानी जो भी खाते हैं गर्म खाते हैं, गर्म खाना आसानी से डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट का कॉन्स्टिपेशन है, और पानी भी साधारण रूप से नॉर्मल टेम्परेचर का ही पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। और हम जो भी खाते हैं ताजा खाते हैं, फाइबरस होता है, उनके यहां ये सब संभव नहीं है। तो वो बेचारे टॉयलेट सीट पर बैठते हैं किस्मत के मारे। हमारे यहां हम नकल कर करके टॉयलेट सीट बनाते हैं और सोचते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं, इस पर बैठ के टट्टी कर रहे हैं। उनकी समस्या है, इसलिए उन्होंने टॉयलेट बनाया। अब इसी समस्या से एक कदम आगे बढ़ता हूं। अब जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है उनके मुंह से हमेशा बदबू आएगी, क्योंकि पेट साफ नहीं है, मुंह में भयंकर बदबू आएगी। बदबू आएगी तो बदबू को रोकना है उसके लिए टूथपेस्ट चाहिए, तो वो टूथपेस्ट इसलिए नहीं करते कि दांत साफ करने हैं, दांत तो साफ खाली ब्रश से भी हो जाते हैं, सिंपल ब्रश करो तो भी दांत साफ हो जाते हैं, लेकिन उस पर पेस्ट लगा के घिसना है ताकि मुंह की बदबू थोड़ी देर के लिए तो रुके। उसमें पिपरमेंट डालो, उसमें ये ठंडा डालो, उसमें ये खुशबू डालो, वो खुशबू डालो, तरह तरह के। तो इसलिए उन्होंने पेस्ट बनाया, पेस्ट बना के अपने मुंह की बदबू रोकना। अब उसके एक कदम आगे, जब आपको संडास साफ नहीं होगी पसीना भी नहीं निकलेगा ठीक से, उसका सीधा संबंध है लार्ज इंटेस्टाइन। पसीना नहीं निकलेगा तो फंसा रहेगा, तो बदबू आने वाली है, बदबू आने वाली है तो उसको रोकने के लिए डिओडोरेंट लाया उन्होंने। ये डिओडोरेंट यहां स्प्रे करो, यहां स्प्रे करो, ऐसे स्प्रे करो, क्योंकि पसीना है निकल नहीं रहा है, बदबू आ रही है, भयंकर आ रही है। नहा सकते नहीं रोज, कारण आप समझते हैं, साल में 6 महीने बर्फ जमी रहती है नल में, पानी आता नहीं, नहाए कैसे, तो नहा सकते नहीं, तो डिओडोरेंट से काम चलाते हैं। और डिओडोरेंट भी एक समय तक काम करता है, उसके आगे नहीं करता, तो स्प्रे लाते हैं, स्प्रे भी काम नहीं करता तो सेंट लाते हैं। तो इस तरह से सेंट, स्प्रे और वो सब इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम है। अब हम लोग उनको नकल कर करके डिओडोरेंट यहां लगा भी, यहां हम रोज सवेरे नहाते हैं, शाम को नहाते हैं, दिन में 3 बार नहाते हैं हिंदुस्तानी, तो कोई कोई गांव में देखा दिन भर नहाते रहते हैं, तालाब सामने है, उनको कोई डिओडोरेंट की जरूरत नहीं। और जिनको पसीना बराबर निकलता है उनको बिल्कुल डिओडोरेंट नहीं चाहिए, तो उनको डिओडोरेंट नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, ना हमको टेलकम पाउडर चाहिए, ना हमको स्प्रे चाहिए, ना हमको सेंट चाहिए, क्योंकि हमारे यहां वो जरूरत नहीं। लेकिन हम सब ये फालतू नकल कर करके करते रहते हैं। एक और प्रॉब्लम है, हमने एक और बात उनसे फालतू में नकल करके सीख लिया है। उनके यहां क्या होता है कि जो सब्जियां होती हैं वो कहीं और पैदा होती हैं, उनके देश में नहीं होती, दूसरे देश से वो इंपोर्ट करते हैं, तो कभी भी ताजी सब्जी नहीं आती, तो सब्जियों को काट काट के डिब्बे में भरते हैं, डिब्बे में फिर केमिकल मिला के उसको जिंदा रखने के लिए सब्जी को कुछ ऐसे केमिकल मिलाते हैं 8-10 दिन जिंदा रहे। डिब्बा बंद सब्जी जब आती है उसको वो खोल के प्लेट में रखते हैं, फिर ऊपर से नमक डालते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके यहां डिब्बा बंद सब्जी आ रही है, नमक मिली हुई नहीं रह सकती,
नमक मिली हुई रहेगी तो खराब होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो बिना नमक की डिब्बाबंद सब्जी आती है, प्लेट में निकाल के ऊपर से नमक डालते हैं। तो हमने भी ये ऊपर से नमक डालना उनसे सीख लिया। ये मराठी लोग तो इतने पागल हैं, किसी भी मराठी के घर में खाना खाने जाओ ऊपर से नमक रखेंगे, काय के लिए, पागल हो क्या? जब हम सब्जी में नमक डालते ही हैं, हमारे यहाँ तो सब्जी बनते समय नमक डाला जाता है, यूरोप में सब्जी बनती ही नहीं है, नमक किस में डाले? वो सब्जी बनी बनाई आती है बाजार में, तो उसको प्लेट में निकाल के फिर ऊपर से नमक डालते हैं, फिर काली मिर्च डालते हैं, फिर उसमें थोड़ा मिला मिलू के वो डिब्बी उसके लिए उनकी किचन पे रखी रहती है। हमारे सब घरों में आजकल ये किचन में डिब्बी मिलेगी आपको, और खासकर ये जो है ना डाइनिंग टेबल, उसपे तो बड़े शान से डिब्बियां रखी रहती है। देखो ये काली मिर्च की डिब्बी है, ये क्या दिमाग खराब है, उनके यहाँ प्रॉब्लम है इसलिए वो अलग डिब्बी रखते हैं। और वो डिब्बी में उनके यहाँ एक और प्रॉब्लम है, नमक जो है ना सादा अगर वो रखे तो उसमें नमी रहती है, चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। तो उनको नमक ऐसा चाहिए जो एक्स्ट्रा फ्री फ्लो हो। तो एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक बनाने के लिए वो उसमें केमिकल मिक्स करते हैं, वो केमिकल मिक्स होने से नमक एक्स्ट्रा फ्री फ्लो रहता है। तो उनकी प्रॉब्लम है क्योंकि नमी वाला नमक कितना भी गिराएंगे गिरेगा नहीं, छेद में से निकलेगा नहीं। तो उन्होंने एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक के लिए सारा सिस्टम बनाया, उसमें कई तरह के केमिकल मिलाते हैं, खासकर ये जो सिल्वर वो होता है ना, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इस तरह के कुछ केमिकल यूज करते हैं। वो केमिकल शरीर में जाकर डिपॉजिट होते हैं, अस्थमा करते हैं, टीवी भी करते हैं। हम हिंदुस्तानियों ने वो नकल करके एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक ले लिया, डिब्बियों में भर भर के डाइनिंग टेबल पर रखना शुरू कर दिया, अलग से नमक थाली में डालना शुरू कर दिया। ये सब नकल कर करके हम जो है बंदर बने हुए। और इतना ही नहीं, और भी आगे चलो, उनके यहां प्रॉब्लम क्या है, साल में 6 महीने सूरज नहीं निकलेगा, ठीक है? तो 6 महीने सूरज नहीं निकलेगा तो कुछ जमीन में उगेगा, कुछ उगेगा नहीं, क्योंकि जमीन में उगने के लिए सबसे पहले चाहिए सूरज की धूप, वहां जमीन में कुछ उगेगा नहीं। उगेगा नहीं तो उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत कमजोर होगी, तरह तरह की किस्में उनके यहां नहीं मिलेंगी, बहुत थोड़ी थोड़ी किस्में मिलेंगी। तो बहुत थोड़ी थोड़ी किस्में मिलेंगी तो उनका जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो उसी तरह से बनेगा, वैरायटीज नहीं होंगी। एक वैरायटी है तो पूरे देश में एक ही मिलेगी, दो है तो दो मिलेगी, ज्यादा वैरायटीज नहीं है। साल में मुश्किल से 6 महीने भी धूप निकलती नहीं है, वैरायटीज ज्यादा होंगी नहीं। वैरायटीज नहीं होंगी तो नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं होंगे ज्यादा, क्योंकि सूरज की धूप से ही सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। सूरज की धूप नहीं है तो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये अकल भी उनको नहीं होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तानी सरकार अपने भारत के नेचुरल रिसोर्सेज का प्लानिंग करने के लिए यूरोपियंस को बुलाती है, आप आओ, और हम मूर्ख लोगों को बुला रहे हैं जिनको खुद अकल नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे प्लान करके रखा जाता है। तो कभी कुछ अकल दे जाते हैं, कभी कुछ अकल दे जाते हैं सरकार, कभी एक काम कर देती है कभी दे। उसी में पूरा देश जो है खटता चला जा रहा है। जंगल नहीं है उनके यहां, जंगल होंगे कहां से? जंगल होने के लिए प्राइमरी कंडीशन है सूरज की धूप का होना, सूरज की धूप होगी नहीं तो जंगल नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? जंगल की लाइफ का मजा लेना है, जंगल है नहीं तो जंगलों के फोटो बना बना के दीवारों पे लगाते हैं वो। हाँ, जंगल है नहीं उनके यहां तो क्या करेंगे? दुनिया के किसी देश का जंगल का फोटो मिला उसको पोस्टर बना के एनलार्ज करके अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे। वो हम भी नकलची लोगों ने अपने अपने ड्राइंग रूम में लगाना चालू कर दिया, ओहो जंगल का फोटो हमने लगा रखा, पागल लोग, यहां हर 2-3 गांव छोड़ दो तो जंगल मिल जाएगा। हम सीधे जाके जंगल के पेड़ों का दर्शन नहीं करेंगे, ड्राइंग रूम में लंबे लंबे पेड़ों की फोटो लगा रखी है। ज्यादातर घरों में, पढ़े लिखे घरों में ऐसे ऐसे पागलपन के किस्से आपको मिलेंगे। और किस्से वहां के सुनो, उनकी तकलीफें कुछ ऐसी हैं, जीव जंतु उनके यहाँ ज्यादा नहीं होंगे, जीव जंतु नहीं होने का भी कारण उनका एक ही है, धूप नहीं होगी तो जीव भी नहीं रहेंगे, जंतु भी ज्यादा नहीं। कुछ चुने हुए ही जंतु उनको मिलेंगे या जीव मिलेंगे, जो चुने हुए जंतु वहां रह सकते हैं उनमें एक कुत्ता है, ज्यादा रह नहीं पाते क्योंकि बहुत ठंडी के इलाके में या तो कुत्ता जीवित रह सकता है या भालू जीवित रह सकता है या ऐसे और 2-4 किस्म के जानवर। तो उनके यहां ले देखे 2-4 ही जानवर है, एक कुत्ता है, भालू है, भालू पाल नहीं सकते क्योंकि खतरनाक है, खुद को फाड़ के खा सकता है, तो कुत्ते पाल लेते हैं वो, कुत्ते पाल लेते हैं क्योंकि
कुछ तो अकेलापन कम हो ना, प्रॉब्लम अकेलेपन की है। अकेलापन है तो कुत्ता पाल लो, तो कुछ उसी से बात करो, तो उसके नाम रखेंगे, ये पिंटू है कि ये डॉगी है कि ये टिम्मू है कि ये मम्मू है, उन कुत्तों के नाम रखेंगे, फिर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि और तो कुछ है नहीं आपके पास करने के लिए। वो कुत्ते घरों में, अब वो कुत्ते हमने भी अपने अपने घरों में बांधने चालू कर दिए। इस मूर्ख हिंदुस्तानियों से पूछो कि इतने तरह के जानवर इस देश में हर समय देखने के लिए उपलब्ध है, ये कुत्ता घर में बांध के। और कुत्ता जो है सबसे खराब जानवरों में गिना जाता है। वो कहते हैं ना स्वामी भक्त होता है, ये फालतू फालतू बात है। सबसे खराब जानवरों में क्या है, उसकी कोई संस्कृति नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है उसकी। जहां चाहेगा टांग उठा के मूतना शुरू कर देगा। हाँ, मैंने जानवरों पे आजकल स्टडी करना शुरू किया है। कुत्ता को छोड़कर कोई भी जानवर हर जगह पेशाब नहीं करता, ये कुत्ता है जो कहीं भी टांग उठा के पेशाब कर देगा और आपकी अच्छी से अच्छी चीज पे कर देगा। फिर उसको धोते बैठिए, जहां मन में आएगा वहीं संडास कर देगा। अब वो संडास को साफ करते बैठिए, तो यूरोप वाले तो कुत्ते की संडास भी साफ करते हैं, बाथरूम भी साफ करते हैं, क्योंकि टाइम काटने के लिए कुछ करना है, या तो टीवी देखो, नहीं तो कुत्ते की संडास साफ करो, उसका बाथरूम धोते रहो, यही सब करते रहो, और कुत्ते को घुमाने के लिए ले जाओ, ये करने के लिए ले जाओ, ये सब वो करते रहते हैं तमाशे। वही तमाशे अब हमने शुरू कर दिए। ज्यादातर यूरोप के घरों में जहां पति पत्नी अलग रहते हैं, बच्चे भी अलग रहते हैं, कुत्ता ही उनका साथी है, और ठंड में भी रह लेता है, गर्मी में भी रह लेता है, इसलिए वो ज्यादा कुत्ते पालते हैं, गाय वाय नहीं पालते हैं। गाय उनकी जंगलों में रहती है, कुत्ते घरों में रहते हैं। हमने भी वही अकल लगाई, अब घर घर में हिंदुस्तान में कुत्ते आ गए हैं, बांध के घर के सामने रख लिए हैं, और जो हाल वो करते हैं, एक कोई मेहमान आ जाए तो जो तमाशा उनका आप देखो, भों भों करते करते ऐसी की तैसी कर दें आपकी। हाँ, नहीं काटेगा नहीं, लेकिन वो काटने के हालत बना देगा। अब हमको थोड़ा भी अकल लगाएं, ये क्यों कर रहे हैं हम, क्या जरूरत है इनकी। जिन देशों में जानवर उपलब्ध नहीं है देखने के लिए, वहां घर में जानवर रखने का उनका शौक समझ में आता है। यहां हर जगह हर चीज उपलब्ध है, गली में छोड़ देना उसको खाली, कुत्ते को काहे को घर में पकड़ के रखा हुआ है, गली में छोड़ दे। तो कहते हैं जी ये सुरक्षा करता, कोई सुरक्षा वुरक्षा ऐसी नहीं करता है वो, कई बार आपको उल्टा भी कर सकता है, आपको ही काट के फेंक दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर 6 सुई लगाओ कि 7 सुई लगाओ। फिर हम करते क्या है कि अपने हर खराब काम को तर्क से जोड़ने लगते हैं, तो उसमें एक कुतर्क जोड़ दिया, कुत्ता बड़ा स्वामी भक्त होता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ऐसे एक नहीं हजारों किस्से सुना सकता हूं कि आपके दुश्मन ने आके उसको बिस्किट डाल दिया तो आपको छोड़ के वहां चला जाएगा। वो तो एक बिस्कुट पे बिकने वाला आदमी है, वो स्वामी भक्ति कहां है उसमें। हाँ, आपका कोई भयंकर दुश्मन आ गया, जेब में से बिस्किट निकाला, लपलपाता हुआ जीव वहां पहुंच जाएगा और दो मिलाना शुरू कर देगा, उसको बिस्किट चाहिए, और उससे अच्छा किसी और ने खिला दिया, वो वहां पहुंच जाएगा, कोई स्वामी भक्ति उसमें नहीं। तो ये यूरोपियन लोगों की प्राइवेट लाइफ को नकल कर करके हम हिंदुस्तानी अपने को बड़ा स्मार्ट समझते हैं। वो हम पे हंसते हैं, आप लोग पागल हैं क्या, हम तो ये अपने मूर्खता को कम करने के लिए करते हैं, आप क्यों कर रहे हैं ये। और ऐसे ही हमने उनकी ड्रेसेस का नकल कर लिया, टाई बांध लिया, सूट पहन लिया। अब वहां ठंड बहुत है, इतनी ठंड है कि बाहर से हवा गले में जाए तो ब्रोंकाइटिस की बहुत तकलीफ है, तो सब कुछ बंद रहना चाहिए, टाई इसलिए है। हिंदुस्तान में भयंकर गर्मी है, साल में तो यहाँ 8 महीने गर्मी रहती है, वहां -40 है, यहाँ +40 टेम्परेचर है, तो हम भयंकर टाई वाई लगा के पसीने को अंदर अंदर निकलने देते, निकलने भी नहीं देते, और सिर भी नहीं हिला सकते, इतना टाइट करके बांध लेते हैं उसको। और बेचारे ये बच्चे बचपन से ही टाई लगा लगा के स्कूल में जाते हैं, स्कूलों के मास्टरों को पूछो, मूर्ख लोगों, ये टाई बांध बांध के इनका कर क्या रहे हैं। ये जो गर्दन की नसें हैं ना, जो ब्रेन में जाती हैं, ये सब जकड़ जाती है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, और ऐसे बच्चे किसी भी पागलपन का शिकार हो सकते हैं, आंखें खराब हो सकती हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होगा, आंखों में तकलीफ करेगा, ब्रेन में तकलीफ करेगा। हम वो टाई लगा लगा के सबको भेज रहे हैं स्कूलों में, और पेंट चढ़ा के सूट पहनते हैं 3 पीस, कोई जरूरत नहीं 3 पीस सूट की, वहां -40 है इसलिए 3 पीस पहनते हैं।
यहाँ प्लस 40 है, थ्री पीस की जरूरत नहीं, ढीले डाली पोशाक होने चाहिए। और पेंट वेंट वो इसलिए पहनते हैं कि नीचे से हवा ना अंदर जाए, हमको अगर नीचे की हवा अंदर ना जाए तो सब ये पूरा सड़ जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएंगे बीसियों तरह की, क्योंकि जितनी गर्मी है यहां पर। और हम ये बटन बटन और लगाने लगे, ये भी अंग्रेजों की नकल करके हमने शुरू किया। हिंदुस्तान की पुरानी पोशाकें अगर आप देखेंगे किसी में बटन नहीं होता, क्योंकि बटन लगाने की जरूरत नहीं है, परंपरा में भी नहीं है हमारे देश में। ये बटन लगाना भी हमने अंग्रेजों से सीख लिया कि आगे से बंद रहे, पीछे से तो बंद है ही। तो हमने अपनी सब चीजें छोड़ के उनकी प्राइवेट लाइफ की फालतू बातें नकल कर करके कि अपने को स्मार्ट मानना जो शुरू किया है, वास्तव में वो मूर्खता है। फिर छुरी खाटे से अब हम खाना वाना खाने लगे, वहां तो प्रॉब्लम दूसरी है। वहां प्रॉब्लम क्या है मैं आपको सच्ची बताता हूँ, आप उसमें हंसना नहीं, हाँ, क्योंकि जब आप हंसते हैं ना तो उसकी सीरियसनेस कम हो जाती है। मैं भी कोशिश करूंगा कि नहीं हंसूं इस बात पे, क्योंकि इस बात का फिलॉसफी बड़ी जोरदार। छुरी कांटा क्यों खाने पीने के लिए? मुश्किल उनके यहां ये है कि टॉयलेट रूम में जब वो जाएंगे तो एक तो पानी का इस्तेमाल करना उनको नहीं आता है, उनको किसी ने सिखाया भी नहीं और उनकी सभ्यता में नहीं, वो हमेशा पोंछते हैं कपड़े नहीं बल्कि टिश्यू पेपर से इस्तेमाल कर। अब वो ये मानते हैं कि चूंकि हमने टिश्यू पेपर यूज किया है तो हाथ में क्या खराब है, लेकिन हाइजीन की जो फिलॉसफी है वो उसको उन्होंने उससे मिक्स किया है। तो हाइजीन की फिलॉसफी है वो ये है कि आपका जो हाथ है, आपका अपना हाथ, ये सबसे ज्यादा शुद्ध है। आपका अपना हाथ सबसे ज्यादा शुद्ध है। आपके शरीर की जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा हाथ में ही है। आप गंदे से गंदा काम करो, गंदे से गंदा माने किसी आदमी के सड़े हुए पूरे शरीर को इन्हीं हाथों से उठाओ, तकलीफ नहीं आने वाली। ये हाथों में इतना रेजिस्टेंस है कि वो आदमी के शरीर से कितने भी कीड़े निकलते हो, कितना भी मवाद निकलता हो, कितना भी खून निकलता हो, प्रॉब्लम की बात नहीं है। दुनिया के सभी डॉक्टर इन्हीं हाथों से बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको वही डिसीज नहीं होता है जिसको वो ट्रीट करते हैं इन हाथों से। तो हाथों से ज्यादा शुद्ध साफ दुनिया में कुछ नहीं है, ये हाइजीन की फिलॉसफी है। उनके यहां प्रॉब्लम दूसरी है। उनके यहां प्रॉब्लम क्या है कि जहां बहुत ठंडी है, बहुत ज्यादा, वहां क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है बॉडी। ज्यादा गर्मी भी आ जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ज्यादा ठंडी भी आ गई तो भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बीच में रहे। तो उनकी जो फिलॉसफी है हाइजीन की वो ये कहती है कि चूंकि यहां ठंडी बहुत है इसलिए रेजिस्टेंस उतना नहीं है, और चूंकि वो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं और हाथ धोते नहीं है। कारण क्या है, कभी भी साल में 6 महीने 8 महीने पानी, मैंने आपसे कहा ना, फ्लो नहीं रहता पानी का, पानी बर्फ के रूप में जमा है, तो हाथ पाथ धोने का उतना वो नहीं है। तो अब खाएंगे तो कांटा छुरी चाहिए, नहीं तो इसी हाथ से खाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले टिश्यू पेपर पकड़ा है फिर यही खाएंगे। कोई भी अंग्रेज कभी भी हाथ धोता नहीं है सामान्य रूप से, टॉयलेट रूम से बाहर निकलने के बाद। कोई भी फ्रांसीसी, कोई भी जर्मन, कोई भी स्वीडिश, कोई भी डेनिश और कोई भी अमरीकी सामान्य रूप से, अगर वो ऑर्थोडॉक्स है, थोड़ा लिबरल हो गए हैं वो लोग, कर लेते हैं हिंदुस्तानियों को देख देख के, तो वो धोएंगे नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि उनका सब कुछ ड्राई रहता है, बाथरूम ड्राई रहेगा, ये ड्राई रहेगा, वो ड्राई रहेगा, ये ड्राई रहेगा, वो। हम हिंदुस्तानी भी आजकल उसी चक्कर में फंसे, हमारा बाथरूम ड्राई रहना चाहिए, ये ड्राई रहना चाहिए, काई के लिए, उनको प्रॉब्लम है इसलिए वो सब करते हैं। अब उनकी प्रॉब्लम हाइजीन की है, फिलॉसफी कुछ है, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ है, तो छुरी कांटा इस्तेमाल करना है, एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा, सिक्योरिटी बहुत है उनके मन में, हमेशा प्रॉब्लम के रूप में, हमेशा सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम उनको करती है, हमेशा आशंकित रहते हैं, हमेशा सशंकित रहते हैं, किसी से मिलेंगे भी तो बहुत शंका के साथ मिलेंगे। आप अगर यूरोपियन लोगों को आपस में मिलते हुए देखें तो जैसे वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, अभी जो है ना ऐसे शेक हैंड करते हैं, ये शेक हैंड करने की पद्धति नहीं है, शेक हैंड यहां से लेके यहां तक किया जाता है पूरा। तो होता क्या है, एक हाथ वो अपने हाथ में पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से यहां तक आपका हाथ फिराएंगे, कुछ छुपा के तो नहीं रखा मार देने के लिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, इतने डरे हुए रहते हैं।
और आपने देखा है ये जो कभी टेलीविजन में देखा है ना, एक दूसरे को मिलते हैं तो गाल से गाल टकराते हैं, गाल से गाल टकराना नहीं है, पूरी तलाशी करनी है, आगे पीछे तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप नजदीक आएंगे तभी तो हाथ फिरा सकते हैं, इधर उधर हाथ फिरा। आप हमेशा ध्यान देना, जितने भी बड़े यूरोपियन लीडर हैं एक दूसरे से मिलेंगे, भले वो आलिंगन करेंगे लेकिन उससे हाथ फिराना उनका वो ज्यादा बड़ा है, हाथ फिरा के सब चेक कर लेते हैं कहीं कुछ रखा हुआ तो नहीं, इतना सिक्योरिटी उनको प्रॉब्लम। और ये जो छुरी काटा है ये भी सिक्योरिटी के लिए ज्यादा है, खाने के लिए कम है, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लो उसको। हाँ, छुरी काटा जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाए वो उनके लिए है। तो इन सब कारणों से उनके यहां प्राइवेट लाइफ ऐसी है। और प्राइवेट लाइफ में तो बड़े बड़े किस्से हैं, अगर उसी विषय पर व्याख्यान करूं तो एक पूरा 8-10 दिन का इस पे पूरा भागवत कथा हो सकती है, यूरोप की प्राइवेट लाइफ पर, पति पत्नी के आपस के संबंध क्या है, बच्चों के बेटों आपस में संबंध क्या है, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके यहाँ संस्कार किस तरह के होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं वैसे होते हैं क्या, मृत्यु होती है तो क्या होता है, वगैरह वगैरह। और ये जो शब्द है ना, हम शब्द कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग इतने मूर्ख लोग हैं, मैं कभी कभी घरों में जाता हूं, मेरा परिचय कराते हैं, ये मेरी मिसेस है, मिसेस फिर कहेंगे ये मेरा मिस्टर है, ये मिसेस शब्द इतना खराब है यूरोप में, मिसेस कौन होता है आप सोच नहीं सकते। मिसेस को कभी आप डिक्शनरी में ढूंढो, चैम्बर्स में ढूंढो, बैबस्टर में ढूंढो, मिसेस माने पत्नी नहीं होता। पत्नी को छोड़कर जितनी महिलाओं से आप शारीरिक संबंध रखते हैं वो मिसेस होती है, पत्नी मिसेज नहीं होती, पत्नी वाइफ होती है, ये मेरी पत्नी है, वाइफ है, मिसेज नहीं कहेंगे वो, रियल पत्नी है ना, कभी कोई इंट्रोड्यूस नहीं करेगा ये मेरी मिसेज है। मिसेज का माने नौकरानी हो सकती है जिससे आप शारीरिक संबंध रखते हैं, मिस्ट्रेस हो सकती है जिससे शारीरिक संबंध रखते हैं, टीचर हो सकती है, ये कोई स्कूल में वो हो सकती है, प्रिंसिपल हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके उससे शारीरिक संबंध है तब आप कहते हैं ये मेरी मिसेज है। और मिस्टर है, मिस्टर भी पति नहीं होता है। और हम हिंदुस्तानी नकलची बंदर जो अभी घर में बड़े गर्व से कहेंगे ये मेरी मिसेज है, धर्म पत्नी में और मिसेज में जमीन आसमान का अंतर, धर्म पति में और मिस्टर में जमीन आसमान का अंतर। और आजकल ये मिस मिस एम आई एस एस, हमारे देश में जो कुंवारी लड़की है ना वो मिस नहीं होती, मिस और कुंवारी लड़की में जमीन आसमान का अंतर। मिस माने जिसका कुंवारापन समाप्त हो चुका है वो मिस है, और यहां कुमारी लड़कियां अपने सामने मिस लगाती हैं और बड़ा गर्व महसूस करती हैं, मिस फलाना, मिस ऐश्वर्य रॉय, मिस सुष्मिता सिंह। वास्तव में ऐश्वर्य रॉय मिस है इसलिए वो लगाती भी है, और वास्तव में सुष्मिता सिंह मिस है, लेकिन हम लोग इनकी नकल कर करके अपने घर की बेटियों और बहनों को भी कहते हैं भैया तुम भी लगाओ, जबकि है नहीं वो वास्तव। तो ये जो शब्द होते हैं ना, सभी की हिस्ट्री होती है, जैसे देश का इतिहास होता है वैसे शब्दों का इतिहास होता है, शब्द कहीं कहीं से निकलते हैं, उनकी अपनी पूरी फ्रेजोलॉजी होती है, फिलॉसफी होती है, हिस्ट्री होती है, उनके इस्तेमाल करने का समय होता है, उनके इस्तेमाल करने का फ्रेम होता है, लेकिन हम वह सब छोड़ छोड़ के लगे हुए हैं पागलपन। और ये जो नामकरण बच्चों के आजकल हम करते हैं, पिंकू, चिंपू, टिंकू, बबली, डबली, लबली, पता नहीं पागलों की जमात इकट्ठी इस देश। टिंकू, पिंकू, डंपू, पंपू, ये जितने भी नाम हैं यूरोप में ये साधारणतः कुत्तों के नाम है। मैंने कहा ना घर में कुत्ते पालते हैं, उनको इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। और इन नामों को पीछे फिलॉसफी क्या है, कुत्ता आवारा जानवर है, तो आवारापन का विरोध बोध कराने वाले ये सब शब्द हैं। टिंकू को अगर आप खोलोगे बैब्स्टर डिक्शनरी में, टिंकू का माने आवारा लड़का जो कुत्ते की तरह से कहीं भी घूमता रहे, वो है टिंकू। और हम जो है बड़े प्रेम से टिंकू 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 बोल बोल के उसको बना देंगे थोड़े दिन में, नहीं है तो हो जाएगा आवारा। अरे फालतू फालतू, डिम्पी पिंपी, डिंपल पिंपल, ये सब नाम रख रख के सत्यानाश कर रहा है। अच्छा, और इस देश में विचित्रता क्या है, घर में ये सब नाम बोलेंगे, डिम्पी पिंपी बबली टिंकू पिंकू, स्कूल में नाम होगा विधि निधि गायत्री सविता सरिता, माने जहां बच्चा सबसे कम समय बिता रहा है वहां सुंदर नाम है,
और जहां सबसे ज्यादा वहां फालतू नाम टिंकू पिंपू डंपी पंपी घर में सबसे ज्यादा समय रहेगा, वहां ऐसे फालतू नाम है। स्कूल में 2-3-4 घंटे बिताना है, वहां सुंदर सुंदर नाम रखे हुए। ये डबल नाम की व्यवस्था बहुत हिंदुस्तानी जो बिना सोचे समझे नकल करने में लगे हुए हैं, बंदर भी नकल करता है तो बहुत सोच समझ के करता है, हमारी स्थिति उनसे भी गई बीती है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी करें समझ के करें, अगर हमें मालूम है कि ये सब ऐसा है फिर हम करें तो प्रॉब्लम नहीं है, मालूम कुछ नहीं है लगे हुए उसी में गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड मॉर्निंग वहां प्रॉब्लम है। अब मुझे ये याद दिला रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, वहां सूरज नहीं निकलता, मैंने आपसे कहा ना 6-7-8 महीने, जिस दिन निकल आया उस दिन की सुबह बहुत अच्छी है, तो हर एक दूसरे को विश करता है कि आपकी सुबह अच्छी हो, माने सूरज का दर्शन होने वाला नहीं है लेकिन विश करते हैं एक दूसरे को, शायद हो, इसलिए गुड मॉर्निंग। अब हिंदुस्तान में एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, यहां रोज सूरज निकलता है, 10,000 साल से निकल रहा, अगले 10,000 साल निकलेगा, यहां क्या गुड मॉर्निंग करना। और गुड इवनिंग भी वहां क्या होता है, रोज शाम को बारिश होती है सभी यूरोपियन देशों में डेली, और जब बर्फ पड़ रही होती है उस समय बारिश हो तो तकलीफ भयंकर होती है, तो वो गुड इवनिंग विश करते हैं कि आज शाम को आपको बारिश ना देखनी पड़े, इसलिए गुड इवनिंग। और चूंकि उनके यहां बारिश का माहौल है, सूरज नहीं निकलता है तो तारे कभी नहीं दिखाई देते, तो बच्चों को कविताएं सिखाई जाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल दिखाई तो देता नहीं है, साल में 8 महीने तो भयंकर कोहरा छुपा रहता है, तो इसलिए ये कविताएं वो सिखाते हैं शायद कभी दिखाई दे जाए तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और रोज शाम को बारिश है, बच्चे बेचारे खेल नहीं सकते कहीं, तो उनको कविता सिखाई जाती है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले। अब हम लोग पागलों की तरह से लगे हुए हैं अपने अपने बच्चों को सिखाने में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, यहां रोज तारे दिखाई देते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं। और बारिश तो हम बुलाते हैं, हमारे मराठी में एक कविता, ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा पाउस आला मोटा, माने बुला रहे हैं हम बारिश को, भारत की सभी भाषाओं में बारिश को बुलाने की कविताएं हैं, यूरोप में भागाने की है क्योंकि कभी भी बारिश होती है, तो इसलिए वो रेन रेन गो अवे करते रहते हैं। हम हमारे बच्चों को, बेटा अंकल जी आए हैं जरा कविता सुनाओ, बेटा चालू हो गया रेन रेन गो अवे का। ये रोज मेरे साथ घटित होता है इसलिए मैं आपको ये सब सुना रहा तो मुझे आपसे नहीं कहना है कि यूरोप की नकल फालतू में बिना सोचे समझे ना करें, और अगर करें तो पूरा अध्ययन अभ्यास करके करें, तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ हम जानबूझ के ये गलती कर रहे हैं, बस इतना ही कहना है। आजादी बचाओ आंदोलन भिलाई इकाई द्वारा आयोजित यह 2 दिवसीय कार्यशाला का प्रथम दिवस बहुत ही हल्के फुल्के मनोरंजक अंदाज में संपन्न हुआ। अब आप सभी से आग्रह करता हूं कि बहुत ही गर्मा गर्म भोजन तैयार है, आप सभी भोजन करके जाएंगे। आज हमने बहुत से विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन किया और उन सभी मुद्दों से लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम बनाया और समझ बनाई कि हम उन मुद्दों को लोगों तक ले जाएं, उनको समझाएं और उनको आंदोलन के लिए प्रेरित करें और इस आंदोलन को गति दें। आपको मैं अब इस आज के इस 3रे सत्र के समापन के बाद सादर भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं।